विस्तार से विचार विमर्श हुआ और देश के शीर्षस्थ विद्वानों ने इस संबंध में अपने विचार रखे, जिनमें से बलदेव भाई, सचिदानंद जोशी, प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी, प्रोफेसर शीतांशु यशस चंद्र, प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य, प्रोफेसर प्रफुल्ल केतकर, ताताराम पुरोहित, हमारे संस्थान की अपनी डॉक्टर अंजलि दुहन, हमारे पूर्व अध्येता रमेश प्रधान, प्रकाशक अदिति माहेश्वरी जी गोयल, संक्रांत सानू, प्रोफेसर भरत भुक्त, प्रोफेसर बिजोय बरुआ, बलराम और कई लोगों ने इस संबंध में अपने विचार इस विषय पर रखे। आज की योजना ये थी कि हम दो सत्र करेंगे, लेकिन क्योंकि तरुण विजय जी कहीं व्यस्त हैं, इसलिए दो सत्रों का समायोजन हमने एक ही सत्र में कर लिया है। तो जो पहला सत्र आरंभ हो रहा है, उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर शशि प्रभात कुमार करेंगी और उनके किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे सांची विश्वविद्यालय की इंडिक और बौद्ध स्टडीज में कुलपति रही हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो संस्कृत विभाग है, इंडिक स्टडीज विभाग है, उसकी स्थापना पे उसकी संस्थापक अध्यक्ष रही हैं और अपने क्षेत्र में बड़ी विद्वान है। आज जो दो वक्ता थे, उनमें से एक वक्ता अभी जुड़े नहीं है। आज जो पहले वक्ता हैं वो बलराम शुक्ल हैं, फारसी और संस्कृत के बड़े विद्वान हैं और वे संस्थान में संप्रति अध्येता हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्लभ संयोग है उनके साथ कि वे संस्कृत के भी विद्वान हैं और फारसी के भी विद्वान हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जो हिंदी और संस्कृत के विद्वान होते हैं, लेकिन संस्कृत और फारसी का विद्वान होना उनका उनके साथ दुर्लभ संयोग है। तो और निरंतर सक्रिय भी है, वे यहाँ प्राकृत कविता की चारुता पर शोध कार्य कर रहे हैं। मैं अब ये दायित्व मैम शशि प्रभा कुमार को देता हूँ कि वे आगे की कार्यवाही शुरू करें। हमारे एक वक्ता जो इस सत्र के हैं, प्रोफेसर एमपी सिंह, वे अभी जुड़े नहीं हैं, तो जब तक वे जुड़े हैं तब तक मैं बलराम जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी, या शशि प्रभा कुमार मैम से निवेदन करूंगा कि वे कार्यवाही आगे बढ़ाएं। आप सबको प्रणाम। सत्र जो हमारे पास भेजा गया उसके हिसाब से प्रोफेसर एमपी सिंह को अध्यक्षता करनी थी इस सत्र की, और मैं और तरुण विजय जी दो वक्ता थे। तरुण विजय जी नहीं आ सके होंगे किसी व्यस्तता के कारण, तो आपने मुझे ये दायित्व सौंपा है। मैं तो वैसे भी यहाँ इसीलिए उपस्थित हूँ, मेरी बहुत कुछ पारिवारिक व्यस्तता चल रही है। दो दिन से मैं आपके सब व्याख्यानों को सुन भी नहीं सकी, केवल एक सत्र में कल मैं उपस्थित थी, जो विषय हमारा वाला ही है, डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज, जिसे विजय बरुआ जी ने DLS कहा, क्योंकि आज उसी के दूसरे भाग पर मुझे वक्तव्य देना था, इसलिए मैंने उसमें शामिल रहने का समय निकाला। और मकरंद जी का आग्रह है जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ, तो आप जो भी दायित्व दे रहे हैं उसे मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और ये एक सुखद संयोग है कि मेरा पहला जो कार्य होगा वो बलराम जी को आमंत्रित करना होगा, जो संस्कृत जगत के उदीयमान ही नहीं, अब तो समुदित हो चुके हैं, भली भांति प्रतिष्ठित विद्वान हैं और मुझसे तो बहुत छोटे हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृत में हर विषय के लिए कुछ ना कुछ सुवचन मिल जाते हैं, और कहा गया है, न तेन वृद्धो भवति येनस्य पलितं शिरः, यो वै युवाप्यधीयानः तं देवाः स्थविरं विदुः। कि जिसके बाल पक जाते हैं वही बूढ़ा होता है, ये ठीक नहीं है। जो युवक होते हुए भी अध्ययनशील है वही वास्तव में वृद्ध है, स्थविर है। तो आप ज्ञान वृद्ध हैं, तपो वृद्ध हैं और आप श्रम करते रहते हैं अभी भी। ये तो एक साधना है, जिसकी सतत साधना चलती रहती है, उसको कहा है यास्क ने निरुक्त में, भूयो विद्यः प्रशस्यो भवति। तो वही प्रशस्त होता है जो बहुत सी विद्याओं को ग्रहण करने में श्रम करता रहता है।
आपने संस्कृत में और फारसी में जगह बनाई है, आप कविताएं भी लिखते हैं और जो समीक्षात्मक कार्य है उसमें भी दक्ष हैं। आज का जो आपका वक्तव्य है उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप तो स्वयं होस्ट हैं क्योंकि इस समय आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के अध्येता हैं, तो आप होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं और स्पीकर भी हैं। मैं बलराम जी को आमंत्रित करती हूँ उनके वक्तव्य के लिए। जी चतुर्मुख मुखाम्भोज श्रृंगाटक विहारिणीं नित्यं प्रगल्भ वाचालां वाग्देवीं समुपास्महे। तं नमः जस्स वच्चे लच्छिमुहं कोत्थुहं मिसंकन्तं दीसैम अपरिहीणं ससिबिम्बं सूरबिम्बव। आदरणीया सभाध्यक्षा प्रोफेसर कुमार, संस्थान के अत्यंत सम्माननीय निदेशक प्रोफेसर परांजपे, कार्यक्रम के समन्वयक द्वय जिसमें एक हमारे सामने ही है, और श्रोताओं में उपस्थित विशिष्ट विद्वान, आप सबको संबोधित करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि इस त्रिदिवसीय सेमिनार में मुझे बोलने का अवसर दिया गया और बहुत ही प्रिय तथा रुचिकर विषय पर बोलने का अवसर मुझे दिया गया। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, विशेष रूप से मेरे गुरुवर ये जो मेरे सौभाग्य के उपचय से यहाँ उपस्थित हैं प्रोफेसर दीप्त त्रिपाठी जी को मैं देख रहा हूँ, उनके चरणों में नमन है, और प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, मुझे याद है कि मैं हिंदू कॉलेज में जब सबसे पहले परमानेंट मेरी नियुक्ति हुई थी तो ये दो लोग उसमें विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थे, तो मेरा सौभाग्य है कि वे यहाँ भी आज भी उपस्थित हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित हैं। और मेरा विशिष्ट सौभाग्य इस दृष्टि से है कि इस सभा में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं, जो निरंतर जिनसे हम प्रेरित होते हैं, संपूर्ण संस्कृत जगत, भारतीय विद्वत जगत उनसे प्रेरित होता रहता है। मेरे लिए वो बहुत तरह से मुझे उत्साहित करने वाले हैं, तो ये मैं अपने भाग्य का अभिनंदन करते हुए आगे चलता हूँ। मेरा विषय अध्येताओं की साप्ताहिक संगोष्ठी पर है, जो कि प्रति बृहस्पतिवार जिसका आयोजन हुआ करता है, और इससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि ये अध्येता वृत्ति जो है, फेलोशिप है, वो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसका तात्पर्य क्या है। मैं अपनी परियोजना के स्वरूप पर भी चर्चा करूंगा और कुछ विशिष्ट जो यहाँ अध्येता रहे हैं उनके विषयों पर भी मेरी दृष्टि रहेगी। मैं चाहूंगा कि उनके कार्य इसके माध्यम से सबके सामने आ सके। अगर हम इस भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को देखें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ सारी चीजें मुहैया हैं शोध और अध्ययन के लिए। जितने भी बहाने हो सकते हैं उसमें से कोई भी बहाना हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता, मतलब यहाँ आने के बाद पढ़ने और शोध करने के सारे बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति यहाँ आकर के पढ़ने के अलावा, शोध करने के अलावा और क्या कर सकता है, अगर वो संवेदनशील है तो। अपने मनचाहे विषय पर अध्ययन करना और उसके लिए आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है और उसके लिए उच्च कोटि की सुविधाएं आपको मुहैया हैं और इतना सुरम्य वातावरण में इतने कार्यालयीय और कर्मचारियों के सहयोग के साथ, आपको निश्चित रूप से ये लगने लगता है कि जो क्षेत्र हमने चुना है, अकादमी का क्षेत्र चुना है, वो कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें मिलकर के आपको अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव कराने में समर्थ हो जाती हैं।
और आपको ये गर्व होता है कि आपने ये विषय चुन ये क्षेत्र चुना, ये पठन पाठन का अकादमिक क्षेत्र चुना। कुल मिला करके हमारा जो संस्थान है वो एक शरणस्थली है इस तरह के विद्वानों के लिए जो कि यहाँ आकर के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो सामान्यतया अन्य संस्थानों में संभव नहीं होता है। जब मैं आता हूं तो अक्सर मुझे फारसी के महान कवि हाफिज शिराजी का शेर स्मरण होता है। वो कहते हैं, मकाम असली माँ गोशाए खराबात अस्त, खुदाश खैर दहादान के इन इमारत कर्द। इस इमारत को देख करके उनका शेर कि वो कहते हैं कि हम लोगों का, हम जो के रिंद हैं, जो के शराबखार हैं, जो के ज्ञान की मदिरा से तृप्त होने वाले हैं, उनका असली मकाम जो है यही खराबात है, यही प्राचीन भवन है, यही मधुशाला है। तो ईश्वर उसका कल्याण करे जिसने कि इस इमारत को बनाया है, जिसने ये इमारत बनाई। तो निश्चित रूप से जो ये इमारत बनी है वो हमारे लोगों के स्वेट एंड टीयर, जैसा कि निदेशक महोदय कहते हैं, उससे बनी है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने इसका इसका महत्व विद्वानों के आवास के रूप में समझा। तो उन सभी लोगों का ईश्वर कल्याण करें, ये निरंतर हमारे हृदय से शुभाकांक्षा निकलती रहती है। संस्थान में जो अध्येता गण आते हैं उनको मैंने देखा तो उन्हें हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, तीन वर्गों में बांट सकते हैं। पहले तो वे लोग जो कि कृतकृत्य लोग हैं, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जो जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं विश्वविद्यालयों को, अकादमिक जगत को जिन्होंने दी हैं और जो यहाँ हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जो अभी सेवा में नहीं आए हैं, जो बिल्कुल नए हैं अथवा स्वतंत्र अध्येता या संशोधक हैं। तीसरे लोग ऐसे हो सकते हैं जो हम जैसे लोग हैं, जो किसी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और वो शोध के लिए यहाँ आते हैं। तो हम लोगों के लिए ये शोध का अवसर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कई दृष्टियों से। वो ये तो एक तो ये है कि हम निरंतर वर्षों तक पढ़ाते हुए हमारे पास एक खतरा होता है कि हम जड़त्व से ग्रस्त न हो जाएं। अगर हम किसी एक ही विषय को पढ़ाते रहें, यद्यपि पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों में आदेश है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, हमें केवल पढ़ना पढ़ना नहीं है, केवल शोध करना करना नहीं है, हम उस चीज को डिसेमिनेट करें, उसको लोक में बांटें, पात्रों में उसको निक्षिप्त करें, ये हमारा हमारे लिए आदेश है वेदों का। तो लेकिन फिर भी अगर हमारा जो अध्ययन है वो केवल अध्यापन मात्र तक के लिए सीमित हो जाए तो कहीं ना कहीं जड़त्व के आने की अथवा अकादमिक प्रगति के अवरुद्ध होने की का खतरा बहुत बड़ा होता है। तो हम लोगों के लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वो हमें नीरसता और गतिहीनता, इन दोनों से मुक्ति दिलाती है और जड़ता को तोड़ती है। और ये केवल जड़ता के टूटने की बात नहीं है, अपितु यहाँ जब हम आकर के जब आते हैं तो हमारे जैसे और हमारे से बहुत बेहतर लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हमसे बहुत बहुत से अच्छे बहुत अच्छे विद्वान और बहुत अनुभवी लोगों के साथ एक साथ मुलाकात होती है हमारी। कहते हैं कि इफ यू आर बेस्ट इन अ रूम यू आर इन अ रॉन्ग रूम। अगर आप किसी जगह सर्वोत्कृष्ट हैं तो इसका मतलब आप गलत जगह हैं। आपको उस जगह होना चाहिए जहां आपसे बहुत बेहतर लोग हैं। तो ये हम लोगों के लिए जो कि जिन्होंने शुरू किया है अपना काम या थोड़ा सा थोड़ी गति जिनके में आ गई है, उन लोगों के लिए पुनरीक्षण का, पुनश्चर्या का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। तो हमारी जो सीमित बुद्धि होती है, चाहे एक सीमित समय सीमित क्षेत्र में गंभीर ही बुद्धि क्यों ना हो, उसका चतुर्दिक विकास यहाँ आने के बाद होता है। ये स्वयं मैंने महसूस किया, ये 1.5 वर्षों के अंतराल में मैंने बहुत सारी चीजें विशेष रूप से अनुभव की।
2020 में यहाँ जब मैं आया, उसके पहले 2019 में दो प्रसंगों में व्याख्यानों के लिए मुझे बुलाया गया था। एक तो प्रोफेसर सुधीर कुमार जी ने किसी पुनश्चर्या कार्यक्रम में बुलाया था, और एक डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी ने। तो इन दो अलग अलग प्रसंगों में आने का अवसर मिला मुझे, और मैं संस्थान से वाकिफ हो पाया कि इतनी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ केवल, मैं हमेशा इस मेरा ये सपना था कि कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ हम अपनी मनचाही चीज को सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ते रह जाएं। तो यद्यपि ये आगाह किया गया है कि आप केवल और केवल पढ़ते नहीं रह जाएंगे, आप उस चीज को प्रसारित भी करेंगे, लेकिन अगर हम उस चीज का ठीक से अध्ययन और शोध के द्वारा अपनी बुद्धि को विशद कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से अध्यापन में भी उसका बहुत लाभ होता है। तो रमाशंकर सिंह जी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अध्येता थे और बहुत ही उत्साही थे। संस्थान को लेकर के उनमें इतना उत्साह था, वो सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी इसकी महत्ता बखानते थे। तो मैं अगर ये कहूँ कि उनके माध्यम से इसका मुझे परिचय हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका काम जो था वो निषादों और नदियों के सहजीवन पर था उत्तर भारत में, और उस पर उस एक बहुत महत्वपूर्ण और सफल सेमिनार भी उन्होंने कराया था। वो संगोष्ठी, उसमें बहुत तरह के लोग आए थे, स्वयं उन निषादों का तबका भी आया था, और बड़े बड़े विद्वान इस विषय पर कार्य करने के लिए आए हुए थे, बोलने के लिए आए हुए थे। तो मेरे लिए जो संस्थान में आ सकना है वो किसी सुहाने सपने के पूरे पूरे होने जैसा है। मेरा जो विषय है वो मध्यकालीन भारतीय भाषाओं अर्थात प्राकृत भाषाओं से संबंधित है। प्राकृत भाषा और साहित्य से मुझे बहुत पुराना प्रेम रहा है, लेकिन उसका उसके निरंतर अध्ययन का मुझे अवसर नहीं मिल पाया। और उसके उसका कारण है क्योंकि मेरा विषय जो है वो संस्कृत और संस्कृत व्याकरण रहा है। तो पढ़ने और पढ़ाने में हमारे जो निसाबदर्शी है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। तो मुझे ये तो पता था कि भारत के प्राचीन और आधुनिक भाषाओं को और भाषिक परिदृश्य को जानने के लिए प्राकृत अत्यंत अनिवार्य वस्तु है, क्योंकि वो मध्यमणि की तरह प्राचीन और आधुनिक भाषाओं के बीच में है। हम अगर संस्कृत को आधुनिक भाषाओं के मूल में मानते हैं, तो हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम प्राकृत को न जाने। प्राकृत उस गैप को, उस 1000 साल के गैप को पूरा करती है जो संस्कृत और आधुनिक भाषाओं की, भारतीय भाषाओं के बीच में है। तो जिस चीज को पढ़ने और पढ़ाने का अवसर कभी न हो, उसके प्रेम को कैसे साकार किया जाए, ये एक अलभ्य लाभ जैसा था जो इस संस्थान ने हमको दिया। और मैं बहुत अधिक आभारी, विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा पुनः पुनः प्रोफेसर परांजपे जी का, जिन्होंने इस परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और बड़े खुलूस के साथ उन्होंने स्वीकार किया। मेरे हृदय पटल पर अब भी अंकित है जो इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया था हमें। तो प्राकृत की कविताएं जो हैं वो भारतीय साहित्य की सबसे चटक कविताएं हैं। उनमें प्रेम है, आनंद है, चारुत्व है, और मुझे उसके पढ़ने का अवसर मिला। और उम्र के इस पड़ाव पर इतनी सुंदर जगह रह करके और इतने अद्भुत साहित्य के अध्ययन का सौभाग्य, फारसी कवियों की शब्दावली में कहें तो ये हम ये एक तरह से जवानी का हक अदा करना हो गया। तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ सभी उन लोगों का जो यहाँ तक मुझे पहुँचाने में कारणभूत रहे हैं। तो इस अवधि का उपयोग मैंने बहुत सारे काव्य ग्रंथों को पढ़ने में किया, अभी लगभग 18-20 काव्य ग्रंथ, और वो निरंतर चल रहा है। लेकिन जब आप इतने बड़े संस्थान में और इतने महत्वपूर्ण चर्चाओं के दरमियान अपने आप को पाते हैं, तो आप केवल गदगद कर देने वाली भावनाओं के सहारे ही नहीं रह पाते हैं। आपको उसे उसकी सुतार्किक प्रस्तुति भी करनी होती है। मेरे शोध का जो विषय है वो प्राकृत कविता के चारुत्व के भाषिक प्रयोजक हैं, और इसमें मैंने ये सोचा था कि प्राकृत कविता को पढ़ करके उनकी चारुता के प्रयोजकों की चर्चा करूंगा। लेकिन प्रकारांतर से जब यहाँ आने जब मैं आया, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी जो समाज भाषिकी से संबंधित है, प्राचीन भारत में जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है
उसके संबंध में चर्चा करने का अवसर मिला, शोध करने का अवसर मिला और नई उपपत्तियां रखने का अवसर अवसर मिला। और वह भ्रमजाल जो लोगों ने बनाया है कि संस्कृत और संस्कृतेतर भाषाओं के बीच में एक फियर्स कंपटीशन था, उन तर्कों की का खोखलापन जो है वो किस तरह से है, ये यहाँ रखने का अवसर मिला। और ये मुझे, मैं विशिष्ट उपलब्धि मानता हूँ, जो कि अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो संभवतः इस तरह से वो डायरेक्शन मुझे नहीं मिला होता। तो ये मेरा जो विषय है वो, उसके विषय में मैं थोड़ा सा थोड़ी सी चर्चा करूंगा बस, वो ये कि जब हमारी भाषाएं ओल्ड इंडो आर्यन से मिडिवल इंडो आर्यन की ओर आती हैं, मिडिल इंडो आर्यन की ओर आती हैं, तो एक विशेष प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों का अनुभव करती हैं। और वो ध्वनि परिवर्तन जो होता है वो उसके नाते एक नए प्रकार के अनेकार्थी शब्दों की श्रृंखला भाषा में उत्पन्न हो जाती है, एक नई प्रकार की होमोनिमी पैदा हो जाती है। और उसके कारण जो कवि हैं वो इन विशिष्टताओं को जानते हैं और उसके आधार पर बहुत सारे नए नए प्रयोगों को करते हैं। तो उन प्रयोगों को प्राकृत कविता की हम विशिष्ट चारुता कह सकते, विशिष्ट चारुता के प्रयोजक कह सकते हैं, जो कि संस्कृत में अनूदित होने के बाद नष्ट हो जाते हैं। हम सामान्यतया संस्कृत कविता, हम संस्कृत के लोग प्राकृत की कविताओं को संस्कृत के अनुवाद के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर मतलब 90% स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि संस्कृत कविता, संस्कृत अनुवाद जो है वो प्राकृत के सौंदर्य को पूरी तरह से प्रकट कर दे, लेकिन वे स्थितियां जहां अनेकार्थी शब्द स्वयं प्राकृत के ध्वनि परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुए होते हैं, वहां संस्कृत आपकी सहायता नहीं कर सकती है। वहां कारण यह है कि वो प्राकृत की भाषिक विशिष्टताओं पर आधारित हैं। तो इन्हीं भाषिक विशिष्टताओं से प्रयोजित जो चमत्कार के कारक हैं वे मेरे अध्ययन के विषय हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसके अध्ययन के दौरान दौरान बहुत सारे विद्वानों से चर्चा हुई और उन्होंने उनसे चर्चा करके ये बात प्रकट हुई कि हमें प्राचीन भारत का जो समाज भाषिकी है, जो प्राकृत और संस्कृत के विषय में पोष्य पोषक भाव है, संस्कृत ने प्राकृत से कितना अधिक लिया और प्राकृत ने संस्कृत से कितना अधिक लिया, वो हम देख उस पर हम चर्चा करें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा कि आजकल जो भारत की का भाषिक चरित्र है वो इस प्रकार संघर्षों से घिरा हुआ है। क्या कोई क्लू मिल सकता है कि हम किस तरह से भाषाओं की पारस्परिकता को रख सकें? हम अब ये जो भाषाओं की जो संस्कृत का साम्राज्यवाद जिसकी चर्चा करते हैं पाश्चात्य विद्वान और उनके द्वारा प्रेरित लोग, वह मत उसी तरह से बनावटी और लचर है जैसे कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत। और ये दोनों एक तरह से जुड़वे सिद्धांत हैं। दो जैसे अपने आक्रमण को समर्थित करने के लिए अंग्रेजों ने आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को गढ़ा और लोगों ने उसका समर्थन किया, उसी तरह से अंग्रेजी की औपनिवेशिकता का ठीक ठीक समर्थन करने के लिए संस्कृत की अपने सहवर्ती प्राकृत इत्यादि भाषाओं के साथ साम्राज्यवादी संबंध की बात गढ़ी गई। और ये बहुत ही अन्यायपूर्ण, एक तरह से जुल्म हुआ संस्कृत के इस चरित्र को सबके सामने रखना। संस्कृत की अंग्रेजी की स्थिति जो हमारे देश में है अब मान्य सी होने लगी है। कभी इसमें कारण था कि ये स्वामियों की भाषा है, कभी कारण बताया गया कि इसमें बहुत अवसर हैं, अब एक नया कारण बताया जा रहा है कि बहुभाषिकता का तर्क, कि हम अंग्रेजी भी पढ़ें क्योंकि अंग्रेजी जो है जब पढ़ेंगे तो बहुभाषी। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो जो पॉलीग्लॉटिज्म है, जो बहुभाषिकता है, अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप ध्यान से देखें कि भारत में पैदा हुआ वह बच्चा जिसकी पहली भाषा अंग्रेजी है वो कभी भी बहुभाषिक नहीं होगा। हम लोगों में से बहुत लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी और वो जो अंग्रेजी बोल सकते हैं
और बहुत भाषाएं बोल सकते हैं, बहुत भाषाएं इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उनकी पहली मातृभाषा जो है वो अंग्रेजी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजी भी अन्य भाषाओं की तरह हमारे हमारे यहाँ भी भाषा है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो चाइनीज रेड फिश की तरह है जो कि अन्य भाषाओं को, जो अन्य मछलियों को खा जाती है। तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि ये बहुभाषिकता का हनन करने वाली भाषा है। और अब भारतीयों में वो गैरत, वो स्वाभिमान नहीं बचा कि वो उसका विरोध कर सके। कभी पहले कभी रहा होगा शायद लोहिया के जमाने में या उसके पहले के जमाने में, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है। अब हम मान चुके हैं, तो हम जो मान चुके हैं वो हो ही जाता है, तो अब वो चीज हो ही जा रही है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अंग्रेजी अपनी भाषिक व्यवहार में संस्कृत के निकट कभी फटक नहीं सकती। संस्कृत और देशी भाषाओं में जो हजारों साल का पोष्य पोषक भाव रहा है, अंग्रेजी में वो नहीं है। वो एक अधिनायकतावादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हुई भाषा है। डेविड क्रिस्टल का शोध हमें पता है, वो लैंग्वेज डेथ में कहते हैं कि हर हफ्ते एक भाषा नष्ट हो रही है, और उसमें बहुत बड़ा कारण ये साम्राज्यवादी भाषाएं हैं। और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो साम्राज्यवादिता भाषा की कहीं हम अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी में भी तो नहीं आ रही है, और हिंदी हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके साथ वही व्यवहार तो नहीं कर रही है जिस जो व्यवहार अंग्रेजी हिंदी के साथ करती है। तो ये होता ही है, जो दास होता है वो अपने सबसर्वियंट को और बुरी तरह से ट्रीट करता है, वो उसी तरह से ट्रीट करता है जैसे उसका स्वामी उसके उसमें ट्रीट करता है। तो हमने मान लिया है कि एक लिंक लैंग्वेज होने थी, लेकिन सिर्फ लिंक लैंग्वेज नहीं, ये टोटालिटेरियन लैंग्वेज है। तो इसके भाषिक और साहित्यिक प्रमाण जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं। अब मैं अन्य शोधों के विषय में आऊंगा। मैं एक चीज पर ध्यान देना चाहता हूं कि जो इस गहन अनुसंधान और विश्लेषण के क्रम में प्राकृत से संबंधित अन्य तथ्य मेरे प्रकाश में आए, जैसे कि प्राकृत की कविता के सम्यक विश्लेषण के लिए संस्कृत में लिखे गए काव्यशास्त्र पूरी तरह से कामयाब नहीं होते। देखिए, 98% तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें संस्कृत काव्यशास्त्र से मदद नहीं ली जा सकती। तो ये मैं अपने शोध की विशिष्टता मानूंगा। ऐसे चार प्रसंगों की चर्चा की गई है इस शोध में। जैसे मान लीजिए स्वरों की आवृत्ति में हमारे परम साहित्यकार, साहित्य शास्त्री विद्वान उपस्थित हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी। वे इसकी तस्दीक करेंगे कि स्वरों की आवृत्ति जब होती है तो संस्कृत के काव्यशास्त्री शास्त्री उसको अनुप्रास में नहीं डालते हैं। क्या कारण है? वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा संस्कृत की प्रकृति प्रकृति के प्रतिकूल है, लेकिन प्राकृत में तो स्वरों की निरंतर आवृत्ति होती है, आंतरिक भी और बाह्य भी। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं कुछ अन्य अध्येताओं के कार्यों पर चर्चा करूंगा जिन पर चर्चा कल नहीं हो सकी है, यद्यपि प्रोफेसर पुरोहित ने कल सारी बातें, अधिकतर बातें कह दी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। मुझे लगता है 5-10 मिनट तो मेरे पास होंगे या नहीं, मैं कितने समय में समाप्त करूं? आप आराम से बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, धन्यवाद। तो मेरा जो शोध है वो एक तरह से प्राकृत साहित्य के सभी अंगों का स्पर्श करता है। उसके तीन सोपान आप देख सकते हैं। एक तो उनके चामत्कारिक अंशों को ढूंढने के क्रम में प्राकृत के काव्य ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, और उनको शब्दशः पढ़ना, ये पहला सोपान है। दूसरा जो है वो उनके ध्वनि परिवर्तनों को प्राकृत के व्याकरण ग्रंथों से प्रमाणित करना, ये दूसरा सोपान है। तो प्राकृत कविता और प्राकृत के जितने भी व्याकरण शास्त्र हैं, वररुचि से लेकर के और क्रमदीश्वर तक, उनको यथासंभव उनका उनका अध्ययन करना, उसके साथ उसको प्रमाणित करना। तीसरी चीज जो है वो काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर उन चमत्कारों का विश्लेषण करना। तो वे काव्यशास्त्रीय ग्रंथ अधिकतर संस्कृत के हैं। वस्तुतः संस्कृत और प्राकृत का काव्यशास्त्र अलग अलग नहीं है। ये जो अलग अलग तरह से संस्कृत नाट्य शास्त्र और संस्कृत नाटक कहा जाता है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि प्राचीन भारत में भाषाएं
किस तरह से सहजीविता में थी और आज इस तरह से ऐसा क्यों नहीं है। वो कारण जैसे कि कल प्रोफेसर भरत गुप्त ने कहा, बीच से संस्कृत का उठ जाना जो है, वस्तुतः उठ ही नहीं है, ये भी एक तरह का विमर्श गढ़ा गया है कि संस्कृत जो है अब तो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। इस विषय पर प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि ये जो पिछली शताब्दियां हमारी रही हैं उसमें इतने महत्वपूर्ण कार्य संस्कृत में हुए हैं, इतने संस्कृत के पंडित हुए हैं जितने पिछले सैकड़ों शताब्दियों में नहीं हुए हैं, लेकिन वो एक खास तरह के प्रचार के तहत उनको दबाया गया है। तो अगर हम देखें तो उनकी सहजीविता इस तरह से थी कि वे परस्पर एक दूसरे को पोषित किया करती थी। प्रोफेसर, अब मैं कुछ अन्य विद्वानों के कार्यों की ओर मुड़ूंगा जो कि यहाँ थे, जिनसे हमने बहुत सीखा और बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं जिनको जिनके फेलो सेमिनार में हुए, और फेलो सेमिनार की जो बात परसों से ही हो रही है वो एक अद्भुत चरित्र है हमारे संस्थान का। उसमें हर फेलो को 3 बार 3 प्रस्तुतियां देनी ही होती हैं और उसके लिए समय नियत होता है, सारे लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, अधिकतर लोगों से महत्वपूर्ण टिप्पणियां मिलती हैं, और जब सेमिनार शुरू होता है उसके पहले हमारे निदेशक महोदय एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका बनाते हैं, क्योंकि सभी विषय सभी लोगों की न तो रुचि का होता है न उसमें सबकी गति होती है, लेकिन ये बहुत विशिष्ट बात है कि उनके 10 या 15 मिनट के का जो भाषण होता है उसमें उस विषय को ठीक से समझने के लिए उनका भाषण सबको मदद करता है। तो इतना बढ़िया कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, इतनी अच्छी अच्छी भूमिका प्रस्तुत हो जाती है कि वो बहुत ही अवबोध्य हो जाता है, रसनीय हो जाता है। तो कम से कम श्रोताओं को इतना तो मिल ही जाता है, अगर प्रस्तोता से कुछ न मिले तो शुरुआत के इंट्रोडक्शन से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा प्रोफेसर पीटर शार्फ की, वे यहाँ थे, वे अमेरिकन विद्वान हैं जिनकी कल चर्चा निदेशक महोदय कर ही रहे थे, और वो बाहर के होते हुए भी किसी भी भारतीय की अपेक्षा अधिक इंसाइडर हैं, और संस्कृत विद्या और उसकी ज्ञान परंपरा का उसके मूल रूप में उन्होंने अध्ययन किया है और उसको संगणक शास्त्र के साथ जोड़ा है। कल संस्कृति लाइब्रेरी की चर्चा हो रही थी, उसमें उसके लिए उस संगणक शास्त्र से संस्कृत को जोड़ने के लिए पीटर शार्फ जो हैं वो विश्व स्तर पर जाने माने विद्वान हैं। इस क्षेत्र में उनका जो महत्वपूर्ण और प्रचुर कार्य है वह उनकी प्राचीन भारतीय ज्ञान के प्रति आत्यंतिक निष्ठा के कारण है, और मैं उनके संपर्क में रहा। वो तो जैसे सर कह रहे थे कि वो पूरी तरह से हिंदू हैं, और हिंदू होना तो महत्वपूर्ण है लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वे भारतीय ज्ञान के प्रति इतने निष्ठावान हैं। तो उनका विषय जो था वो द स्ट्रक्चर ऑफ वर्बल कॉग्निशन, ट्रांसलेशन एंड एनालिसिस ऑफ काउंट भट्टस वैयाकरण भूषण सार। वो केवल 1 वर्ष के लिए आए थे और उसमें भी वो बहुत सारे प्रत्यवाय उनके सामने रहे, संभवतः कार्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने जो प्रस्तुतियां दी उनसे हम लोगों को बहुत लाभ मिला, और उनके जो ग्रंथ हैं या उनकी जो संस्कृत लाइब्रेरी .org है उससे हम लोग परिचित हो सके, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य वो डॉक्टर महेश्वर हजारिका का था, जो जिन्होंने पतंजलि के महाभाष्य का असमिया भाषा में अनुवाद और व्याख्या और टिप्पणी, इस विषय पर उन्होंने शोध का कार्य लिया था, और उन्होंने ये सोचा था कि मैं कम से कम 9 आह्निकों का अनुवाद तो करूंगा। हम जानते हैं नवाह्निक बहुत ही प्रसिद्ध है और अधिकतर महाभाष्य में नवाह्निक का ही अध्यापन होता है, लेकिन यहाँ रह करके उन्होंने इतना अधिक श्रम और तपस्या, मैं कहूंगा कि उन्होंने 12 आह्निकों का अनुवाद कर दिया, और एक बड़ी भूमिका उसकी असमी और अंग्रेजी में लिखी। हम देखते थे कि वो सुबह 6-7 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक निरंतर कार्य में लगे रहते रहते थे, और 1300 पृष्ठों में उन्होंने ये कार्य किया, लगभग 167 सूत्रों की व्याख्या की,
कैंपस में सबसे निकटतम वो रहते थे और उसका लाभ लेते थे, और वो निरंतर अपने अध्ययन कक्ष में ही पाए जाते थे। तो ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इस संस्थान में, जैसे कि पीछे पिछले दिनों से चर्चा हो रही है कि हिंदी का अंश, हिंदी का हिस्सा इसमें बढ़ा है, तो मैं ये कहता हूं कि केवल हिंदी का हिस्सा क्यों बढ़े, सभी भारतीय भाषाओं का हिस्सा बढ़े। हिंदी वाले अक्सर ये रोना रोते हैं कि बाकी भारतीय भाषाओं वाले जो हैं हमारी किताबों का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, या फिर वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम हिंदी भाषी जो हैं, उन्होंने कभी सोचा क्या कि जो हिंदीतर भाषी जितने बहुभाषिक होते हैं या भिन्न भिन्न स्रोतों का उपयोग कर पाते हैं, क्या हम उस तरह से कर पाते हैं? क्या क्या हम बांग्ला मराठी या गुजराती में वो बांग्ला मराठी गुजराती भाषी ही क्यों, दक्षिण भारतीय लोग भी हिंदी के सभी स्रोतों का उपयोग करते हैं, समझ पाते हैं, हम कहाँ कर पाते हैं इस तरह का? तो एक तरफा मोहब्बत तो नहीं हो सकती, और हम अंग्रेजी को दोष देते हैं कि वो आकर के हमारे बीच में बैठ गई है। हम स्वयं किसी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को नहीं बना पाए, तो वो क्या उन लोगों को ये पता, किस दृष्टि से अन्य भाषाएं हिंदी से कमजोर हैं? अभी तो ज्यादा समृद्ध हैं, आप मराठी को देखिए, उसमें अद्भुत हर पार्ट में, हर कालखंड में उसमें चीजें लिखी गई हैं। तो असमिया भाषा को यहाँ, उसके कार्य को, संभवतः ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जहां तक मुझे जानकारी है, कि मूल असमिया के कार्य को इस यहाँ संस्थान में स्थान दिया गया। अगले जो हमारे संशोधक हैं, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल के बारे में चर्चा करूंगा मैं, वे अत्यंत संलग्न संशोधक रहे हैं। उन्होंने, और उनका कार्य भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो हम जानते हैं कि हमारे इतिहास के साथ कितना डिस्टोर्शन हुआ है, कितनी चीजें छिपाई गई हैं, और उन्होंने ये बात देखने की कोशिश की कि वे चीजें जो कि हाईवेज में नहीं आ पाई हिस्ट्री की, इतिहास के ग्रंथों में, उसको कहीं ना कहीं साहित्य में उपन्यासकारों ने, हिंदी के उपन्यासकारों ने बताया। जैसे गांधी जी की जो भूमिका है, जो वो वस्तुतः किस तरह से है, क्या जिस तरह से हम देखते हैं उसी तरह से है। तो उन्होंने तीन उपन्यासकारों को और उनके राजनीतिक उपन्यासों को लिया और आधुनिक भारत के इतिहास को पुनः घटित करने की चेष्टा की। तो एक और भी बहुत सुंदर बात है कि वे, उन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, और वो बहरहाल विद्वान है अंग्रेजी के भी, लेकिन उन्होंने अंततः अपना जो प्रबंध है वो हिंदी में समर्पित किया। तो ये मुझे लगता है कि ये डेविएशन जो है वो एक बहुत ही, ये मील का पत्थर जैसा भी है इस संस्थान में और संस्थान के चरित्र में, जो पिछले वर्षों में बदलाव हुए हैं। तो इसके बाद जो है वो डॉक्टर अलका त्यागी के कार्य की चर्चा मैं करना चाहूंगा। उनका कार्य शिवाद्वयवाद पर है, शिवाद्वैतवाद पर है। अभिनव और उनकी जो तांत्रिक प्रणाली है, वो पिछली शताब्दी में संस्कृत विद्या के नवोदित विषयों में से एक है। जैसे कि अभी मैंने बात कही कि एक प्रवाद फैलाया गया है कि संस्कृत में अब कोई भी जीवंतता नहीं बची है, लेकिन अगर आप देखें तो कितनी सारी चीजें पिछली शताब्दियों में संस्कृत की पुनर्जीवित हुई हैं, ग्रंथ पुनर्जीवित हुए हैं। और ये चीजें मैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की उपस्थिति में कह रहा हूँ। उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया है पुणे में, पंडितों पर उन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है वो इस मिथक को तोड़ता है कि संस्कृत जो है वो क्षीण हो रही है या क्षीण हो गई थी उस समय। संभवतः आप जरूर क्षीण हो रही हो, क्योंकि इस तरह से भाषिक संघर्ष और भाषिक भ्रांतियां हमारे देश में, उसमें हम जी रहे हैं। एक छद्म व्यक्तित्व जो किसी भट्टाचार्य कहते हैं, पता नहीं शेडो पर्सनालिटी या किस चीज की चर्चा करते हैं, उसमें जो हम जी रहे हैं, तो हमारी जो जमीन है, जो भारतीय भाषाओं की जमीन है, जो एक्चुअली संस्कृत की जमीन है, संस्कृत ही परिवर्तित रूप में विद्यमान है। अगर आप संस्कृत के व्याकरण को जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संस्कृत ही अपने कपड़े भिन्न भिन्न बदल करके
कहीं वो असमिया के रूप में विद्यमान है, कहीं बांग्ला के रूप में विद्यमान है। तो इसलिए भी संस्कृत का पढ़ना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। तो ऐसे बहुत से विषय और ग्रंथ शताब्दियों के बाद फिर से जीवित हुए और जागृत हुए। वस्तुतः हमारी जो अविच्छिन्न परंपरा है उसमें पुनः पुनः अनुसंधान होता ही रहता है। तो और संस्कृतेतर लोगों की भी रुचि बढ़ रही है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है प्रोफेसर डॉक्टर अलका त्यागी जी का ये विषय कि वो अंग्रेजी विभाग की अध्यापिका हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उन्होंने भावना एंड भैरव इन विज्ञान तंत्र, भैरव तंत्र एंड कश्मीर शैविज्म, इस विषय पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार का संचालन संयोजन भी किया। तो संस्कृत का एक तरह से पुनरुद्भव और पुनः विकास और रिसरेक्शन हुआ है पिछली शताब्दियों में। आप वाक्यपदीय को देखें, सैकड़ों सालों तक वाक्यपदीय लुप्त था। नाट्यशास्त्र को देखें, अर्थशास्त्र को देखें, भास के नाटकों को देखें, अश्वघोष के नाटकों और उनके ग्रंथों को देखें, बौद्ध साहित्य को देखें, सैकड़ों बौद्ध साहित्य जो है वो रिसरेक्ट किए गए। तो अगर हम इस आयाम से देखें तो हमारी भारतीय विद्या जो है वो पुनर्जीवित हो रही है, और वो केवल पाश्चात्यों के माध्यम से नहीं हो रही है, हम लोगों के माध्यम से भी, हमारे देशज विद्वानों के माध्यम से भी हो रही है, जिनके बारे में बार बार चर्चा करनी चाहिए। और संस्कृत केवल संस्कृत विभागों में जीवित नहीं है, संस्कृत वहां भी जीवित है जहां उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारतीय लोग जब भी अपने मूल का अन्वेषण और परामर्श करेंगे तो उनके हाथ में संस्कृत जरूर आएगी, ये मानी हुई बात है। अगर आप देखें पिछली शताब्दी में लोगों के नाम और आज की शताब्दी में लोगों के नाम अधिक संस्कृताइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सभ्यता के विकास का तात्पर्य संस्कृतिकरण है और वो किसी तरह से प्रतिगामी नहीं है। अगला जो है वो डॉक्टर सुमित के बारे में चर्चा करूंगा मैं। उनका कार्य पश्चिमी राजस्थान की महिला गायिकाएं और कला, राज्याश्रय तथा सामुदायिक जीवन, इस विषय पर उनका कार्य है। और बड़ा महत्वपूर्ण उनके विषय में ये है कि इससे पहले वे 5 वर्ष तक रिसर्च ऑफिसर रह चुकी हैं मेहरानगढ़ में, और वहां रह करके उन्होंने राजस्थानी में लिखित मूल सामग्री का आलोडन किया, और महिला गायिकाएं और उनके कला का प्रकार क्या था, उनकी राज्याश्रय की स्थिति क्या थी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उनके विषय में आधुनिक शोधकर्ताओं ने किस तरह से दुर्भावनाएं फैलाई हुई हैं, उनका उन्होंने उनके पास प्रमाण है कि वो सब प्रमाण खंडन करती हैं। तो और इन सभी चीजों के लिए मूल प्रामाणिक सामग्री पहियों और पांडुलिपियों से वो एकत्रित करती है। उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। प्रोफेसर हाडा ने यद्यपि कहा है कि हमारे बारे में चर्चा नहीं करना, लेकिन उनका कार्य हिंदी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि हिंदी का आधुनिक जो विद्वत्ता है, स्कॉलरशिप है, वो विमर्शों के जाल में उलझी हुई है। प्रोफेसर वागीश शुक्ल का बहुत सुंदर कहना है कि हिंदी की कोई भी साहित्यिक चर्चा समाजशास्त्र से शुरू होती है और समाजशास्त्र पर ही खत्म होती है। मतलब आप खोजते रह जाएं कि उसमें एक बात काव्य भाषा के विषय में हो, एक बात किसी अलंकार या किसी भी क्राफ्ट के बारे में हो, तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे पाने में, क्योंकि इन चीजों पर, ये चीजें सेट पैटर्न हैं, सारे विमर्श, स्त्री विमर्श, नारी विमर्श, दलित विमर्श, ये सारे सामाजिक आवश्यकताएं हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन एक ही फ्रेम जो लोगों ने बनाई है, समाजशास्त्रियों ने, उसी के आधार पर, उसी में डाल करके साहित्य को देख लेना, ये तो उसके साथ ज्यादती और जुल्म और जबरदस्ती है। तो हिंदी में ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर माधव हाड़ा जो हैं वो इस दृष्टि से उनका कार्य महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मध्यकालीन जो पद्मिनी संबंधी देशज स्रोत हैं, उन स्रोत हैं, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और प्रश्न ये उठता है कि ये कौन करेगा, ये जो हमारा मध्यकाल है जिसमें प्राकृत संस्कृत जो 1,500 वर्षों का है, पाली प्राकृत संस्कृत, संस्कृत तो खैर सर्वत्र विद्यमान है, अपभ्रंश इत्यादि हैं, उन सारी चीजों को
उन सारे स्रोतों का अध्ययन कौन करेगा? हिंदी वाले इसको बिहारी तक को कहते हैं कि ये तो बुर्जुआ साहित्य है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत वाले क्या क्या पढ़ें, सबसे प्रॉब्लम ये है, उनका एक विषय नहीं है, उनके पास विषयों का पुंज है, उनके पास धर्मशास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र और पता नहीं कितने कितने शास्त्र हैं, और आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति हर शास्त्र में प्रणीत हो, क्योंकि ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि वो एक भाषा मात्र है। तो उनका कार्य मध्यकालीन स्रोतों का मूल सामग्री से अध्ययन करने के नाते बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके आगे बहुत सारे ऐसे जैसे प्रोफेसर सी के राजू यहाँ थे, और उनका कार्य गणित वर्सेस फॉर्मल मैथमेटिक्स, री एग्जामिनिंग मैथमेटिक्स, इट्स पेडागोजी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर साइंस, इस विषय में था। और उनकी स्थापनाएं इतनी क्रांतिकारी हैं कि हमने देखा है कि जो पाश्चात्य विद्वान है उनके सामने, प्रोफेसर राजू के सामने किस तरह से हतप्रभ होते हैं। तो संभवतः अगर वैचारिक स्वराज आए तो इस तरह से आ सकता है, इस तरह से वो प्रमुख पुरुष के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं उसमें। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनका सारा काम अंग्रेजी में है, सारी प्रस्तुति अंग्रेजी में है, लेकिन उनकी एक भी कथन का संज्ञान किसी ने अब तक पाश्चात्यों ने नहीं लिया है। तो इसलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अंग्रेजी का वर्ण मात्र कर लें, केवल इस आधार पर हमारी बातें सुनी जा सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अंग्रेजी में बात करें तो आवश्यक नहीं है कि आपकी बात सुनी जाए, उसके और भी कारण हैं। नक्कार खाने में तूती की जो आवाज होती है वो अंग्रेजी में बोलेंगे, तोता अंग्रेजी में भी बोलेगा नक्कार खाने में, तो नगाड़े की आवाज के सामने उसकी आवाज कुछ नहीं होगी। तो हम अपनी चीज छोड़ करके, संस्कृत में कहावत है भक्षिते भी लशुने न शांतो व्याधि, आपने तो सब कुछ अंग्रेजी में किया, आपका कोई, जब तक आपने उनका पृष्ठपोषण नहीं किया, उनका अनुकरण नहीं किया, तब तक आपकी चर्चा वो नहीं करेंगे। तो आपने लहसुन भी खा लिया और आपका रोग भी नहीं शांत हुआ। तो मुझे याद आता है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक शेर बहुत ही सुंदर है, बरजमीने दीगरन खाने मकुन, कारे खुद कुन कारे बेगाने मकुन। वो कहते हैं कि दूसरे की जमीन पर घर मत बनाओ, अपना काम करो, दूसरों का काम मत करो, क्योंकि दूसरे की जमीन पर घर बनाओगे तो घर भी दूसरे का है, जमीन भी दूसरे की है। अब बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे की जमीन पर घर बना रहे हैं, तो हम जिंदगी भर उसी में रहेंगे। अब मैं समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि संयोजक की सदाशयता के कारण मुझे बहुत समय मिल रहा है। तो कार्य खुद कुन कार्य बेगाने मकुन, हम अपना काम करें, बेगानों का काम मत करें। आप ये कह सकते हैं कि वो बेगानी चीज कहाँ है, वो तो हमारी भारतीय भाषा है, तो भारतीय भाषा इसी तरह से है जैसे हम कहें कि हमारे एक्वेरियम में ये रेड फिश भी तो फिश ही है, तो क्या हुआ कि उसने अगर दूसरी मछलियों को खा लिया। तो आप ये कहें कि भारतीय चीजें तो इसमें आ रही हैं, तो ये भारतीय चीजें अंग्रेजी में इसी तरह से आ रही हैं जैसे हमारे एक्वेरियम की सारी मछलियां रेड फिश के पेट में आ जाती हैं और वो उनको मेल्टिंग पॉट में डाल करके सब एक जैसे। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और बहुत ईमानदारी से इस बात को, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में अभी भी अधिकांश लोगों की भाषा सौभाग्य से अंग्रेजी नहीं है, कुछ परसेंट लोगों की भाषा है। तो हम प्रोफेसर मेधा देश पांडे जी जो यहाँ नेशनल फेलो रही हैं, उनका विषय पॉवर्टी कॉन्सेप्ट मेजरमेंट एंड पॉलिसी, ये सारी चीजें ये रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। अर्थशास्त्र का मेरा बहुत ज्ञान नहीं है। प्रोफेसर एमपी सिंह जो हैं, जो वक्ता भी हैं इसमें, उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से था कि वो भारत की संघीय व्यवस्था पर उन्होंने उसका पुनरावलोकन किया। वे प्राचीन भारतीय जो शासन पद्धति है उसके उसके भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध यहाँ समर्पित किया। विषय इनका था इंडियन फेडरलिज्म
इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव विद स्पेशल रेफरेंस टू जुडिशियल फेडरलिज्म। इसके अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, मैं उनको छोड़ता हूं इसलिए कि उन पे चर्चा कल और परसों हो चुकी है, जिसमें अंजलि दुहन का विषय है और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय, विक्रम कुलकर्णी जी का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के घुमंतू जनजातियों की जो कलाएं हैं उन कलाओं का विकास किस तरह से हो रहा है, उसमें वो डिटेरियरेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने चर्चा की थी। अन्य बातों पर जहाँ तक मुझे ध्यान है कि चर्चा हो चुकी है। प्रोफेसर पुरोहित का जो विषय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो लोक कलाओं के बहुत बड़े विशद विशेषज्ञ हैं उत्तराखंड के, उन्होंने उस पर उनका केवल लोकशास्त्रीय ही नहीं रसशास्त्रीय भी अध्ययन किया था, इस दृष्टि से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं जैसे कि कहा गया था कि आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, तो मैं एक सुझाव संभवतः अच्छा लगे और बाद में कभी क्रियान्वित हो जाए। ये बात ठीक है कि अंग्रेजी के स्रोतों का उपयोग करके अंग्रेजी में कार्य अधिकतया हो रहा है यहाँ, और इस बात के लिए सभी लोगों ने निदेशक महोदय को बधाइयाँ दी कि हिंदी का अंश और भारतीय भाषाओं का अंश यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, तो लेकिन मुझे ये लगता है कि वे लोग जो अंग्रेजी में प्रबंध लिखते हैं उन्हें लिखने दिया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध होते हैं और प्रकाशन बहुत अच्छे होते हैं उनके, लेकिन उनसे एक प्रार्थना की जाए कि क्या ऐसा हो सकता है कि वे अपने प्रबंध का किसी स्तर पर भारतीय भाषा में भी प्रस्तुतिकरण करें। तो इससे बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि अब भी सौभाग्य से वो अंग्रेजी मातृभाषी लोग बहुत कम हैं भारत में, और अंग्रेजी मातृभाषी होने का तात्पर्य बहुभाषिकता का विनाश है, ये मैं कह चुका हूं। तो कितने भी अच्छे अंग्रेजी दान लोग यहाँ हों, निश्चित रूप से किसी न किसी क्षेत्रीय भाषा से संबद्ध वो रहेंगे ही। अगर केरल का है तो वो आवश्यक नहीं कि वो हिंदी में ही करे, वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करे, ताकि भारतीय भाषाओं के साहित्य विकसित हों। हमारी भारतीय भाषाएं, कम से कम हिंदी को तो मैं जानता हूँ, संभवतः हिंदी के विद्वान लोग इस बात से वैमत्य रखेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति के स्तर पर अंग्रेजी की अपेक्षा हमारी भाषाओं की अभिव्यक्तियां स्थूल और भोथरी होती जा रही हैं। जो शब्द बनाए जाते हैं, कॉइन किए जाते हैं, उनका प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं करने के नाते वो जीवंत नहीं हो पाते हैं, तो उनकी अभिव्यक्तियां कैसे होंगी, किस तरह से ठीक होंगी। तो इस तरह से वे विद्वान अपनी अपनी मातृभाषाओं में कभी भी ये इसको प्रायोरिटी पर रखें कि अपने कार्यों को अन्य मातृभाषाओं में भी कर सकें। हम अपनी मातृभाषाओं के लिए क्या कर रहे हैं ये हमें बार बार सोचना होगा। फारसी में एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ईरान में मैं कई बार गया, मैं जानता हूं कि वहां फारसी के अलावा किसी भी तरह की कोई भाषा नहीं है, और बहुत सारे देशों में इस तरह से है, और जो हम अंग्रेजी की अनिवार्यता की चर्चा करते हैं मिथ की तरह, वो उन देशों से हमें देखना चाहिए। एक सुंदर सा और भावनात्मक शेर है, जहर बादा शीर मादर बर कसी कु जबाने मादरी गुम कर द अस्त, जिसने अपनी मातृभाषा का लोप कर दिया है माँ का दूध उसके लिए जहर हो जाए। तो जो संस्था जन सामान्य के खून पसीने से चल रही है और उन उन वे वह जन सामान्य भारतीय भाषाओं के प्रयोगता हैं, तो इन शोधों का परिणाम वहां तक का उनका पहला अधिकार है इन शोधों के परिणामों पर। तो ठीक है, अगर पहला अधिकार न भी हो तो कहीं न कहीं प्रकारांतर से उन तक ये जाए। हम जो यहाँ बैठ करके जनसामान्य के हित की बात करते हैं वो जनसामान्य की भाषा में न आ पाने के कारण हम चाहे ईमानदारी से कर रहे हों वो चीज़ फलीभूत नहीं हो पाती है। मुझे बहुत पर्याप्त समय दिया गया, संयोजक महोदय की
सदाशयता और उदारता के कारण, या संभवतः अगले वक्ता के नहीं आने के कारण, तो मैं इसके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ और फिर अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, निदेशक महोदय को विशेष धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दूसरे वक्ता एमपी सिंह जी आ चुके हैं। मैम वो लॉगिन नहीं कर नहीं पा रहे रहे हैं। हैं सर। आप बोले हैं मैम, नहीं तो आप प्रश्नोत्तर कुछ लें बलदेव बलराम जी के लिए, कुछ प्रश्नोत्तर अभी कर सकते हैं, समय है आपके पास, क्योंकि इतना विचारोत्तेजक और सूचनाप्रद उनका वक्तव्य रहा। अवश्य ही कुछ लोगों के मन में, यहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठित विद्वान उपस्थित हैं, वे कुछ मार्गदर्शन करें। जी आप पूछिए हरदेव तो जी। अपने त्रुटियों का परिमार्जन चाहूंगा। आज मुझे लगता है कि बलराम जी की हिंदी के प्रति नाराजगी थोड़ी ज्यादा ही थी और कुछ आपत्तियां उन्होंने की है, और फिलहाल यहाँ मैं अल्पसंख्यक हूँ, विद्वान मतलब संस्कृत की विद्वान त्रयी पूरे देश में जिनकी ख्याति है वो यहाँ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसलिए नहीं कि मैं है, हिंदी मेरा अनुशासन है, हिंदी मेरा व्यवसाय व्यवसाय की भाषा है, इसलिए कि कुछ बातें कही जानी चाहिए। हिंदी की भूमिका अंग्रेजी की भूमिका से थोड़ी अलग है, ये तो आप भी मानेंगे। हिंदी के साथ, हिंदी के प्रसार में कोई साम्राज्यवादी स्वार्थ जुड़ा हुआ है ये मैं नहीं मानता, और हिंदी का संबंध संस्कृत से नहीं है और शेष भारतीय भाषाओं से नहीं है ये भी मैं नहीं मानता। हिंदी की ताकत, हिंदी की शक्ति शेष भारतीय भाषाओं के कारण है, वो अपनी ऊर्जा, अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता, अपनी अपना शब्द भंडार शेष भारतीय भाषाओं से लेती है, इसलिए उसको थोड़ा अलग करके देखा जाना चाहिए। इधर एक नई प्रवृत्ति जो देश भाषाओं में शुरू हुई है और आज मुझे लगा कि वो संस्कृत वालों में भी है, तो मुझे लगता है इसका परिहार किया जाना चाहिए। हिंदी संस्कृत की निरंतरता में एक तो ये एक स्थापित तथ्य है। हिंदी आप अब बाइनरी में मत देखिए उसको, मतलब हिंदी उसके प्रतिरोध में खड़ी हुई भाषा नहीं है। हिंदी का जो संस्कार है, यद्यपि वो अभी नई नई भाषा है, विकासशील भाषा है, और भारतीय भाषाओं की तुलना में अभी उतनी सक्षम भाषा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका महत्व हमारे देश में है। हमें एक संपर्क भाषा की जरूरत तो है। दूसरा, मैं ये मुझे लगता है कि ये अंग्रेजी के साथ जो हम अंग्रेजी के प्रतिरोध में जो खड़े होने का जो एक नया तरीका हमने भारतीय भाषाओं वाले ने किया है, भारतीय भाषाओं वाले भी संवाद के लिए, संपर्क के लिए अक्सर अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि सारे कन्नड़ के, तमिल के विद्वान भारतीय भाषाओं की स्थिति, देखिए एक जो बात जो महत्वपूर्ण है, देखिए केवल क्रिएटिव राइटिंग सर्जनात्मक लेखन से कोई भाषा कभी समृद्ध नहीं होती जब तक उसमें विचार निर्णायक स्थिति में नहीं हो, और अभी हिंदी में भी विचार बहुत निर्णायक स्थिति में नहीं है। कोई सब भाषा कथा कहानी से समृद्ध नहीं होती, वो विचार की भाषा से समृद्ध होती है, और क्षेत्रीय भाषाओं में, हमारी देशज भाषाओं में अभी विचार के लिए गुंजाइश उतनी नहीं है जितनी हो जानी चाहिए। मैं जहां से आता हूँ राजस्थान, अक्सर वहां के लोग आंदोलनरत हैं कि वहां की भाषा को मान्यता दी जाए, लेकिन विडंबना यह है कि
वहां के अधिकांश लोग अब द्विभाषी हिंदी भी जानते हैं और राजस्थानी भी जानते हैं। राजस्थानी का भी विडंबना ये है कि कोई एक रूप नहीं है, वो अलग अलग कई रूप है। अब ये राजस्थानी का अनुवाद हिंदी में हो तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और हिंदी का अनुवाद यदि राजस्थानी में हो तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मुझे एक बार हमने एक बार सचिव से आंकड़े मांगे साहित्य अकेदमी के, तो उन्होंने आंकड़े दिए कि राजस्थानी में प्रकाशन तो बहुत सारे हुए हैं लेकिन सब कुछ डम पड़ा है। यही स्थिति दूसरी कई भाषाओं की भी है, क्योंकि अधिकांश लोग अब द्विभाषी हो चुके हैं। भाषाओं का महत्व निर्विवाद है। आज्ञा ने एक बार कहा था कि सपना तो आपको अपनी मातृभाषा में ही आएगा, कहीं दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं और भावावेग में आपको गाली देनी पड़े तो गाली भी आप अपनी मातृभाषा में ही देंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक संपर्क भाषा की हम सबको, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, एक संपर्क भाषा की जरूरत तो भारतीय भाषाओं के बीच में सदैव रहेगी। और अच्छी बात ये हुई है इधर कि बहुत सारी हिंदी ने उस संपर्क भाषा का रूप लिया है। सम्माननीय निदेशक जी कुछ कहना। मेरा मकरंद जी जी मकरंद जी है ना, सुनिए ब्रेकिंग हो रही है सर, ब्रेक हो रही है। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, आप अच्छा अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। मैं ऐसे करता हूँ, वीडियो बंद करके की कोशिश करता हूँ। वीडियो इंटरनेट की या नहीं, अब आ रही है सर, अब ठीक से आ रही है। ब्रेक हो रही है या नहीं, ठीक से आ रही है आवाज? ठीक से आ रही है, अब आप बोलें। अच्छा, बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरी प्रार्थना या मेरा अनुरोध ये रहेगा कि ये विवादास्पद मुद्दे उलझ न जाए, क्योंकि इसका निवारण हम आज नहीं कर पाएंगे। ये तो एक निरंतर चर्चा का विषय है, संवाद का विषय है। सिर्फ एक दो चीज कह के फिर मैं शशिप्रभा दीदी को अनुरोध करूंगा कि हम उनकी बात सुने और राधा वल्लभ पाटी जी की बात सुने, और अंत में कुछ समय बचेगा तो हम इसको आगे कर सकते हैं। गुरप्रीत महाजन जी अभी तक जुड़ी नहीं है, उनको वैलिडिक्ट्री एड्रेस देना था। खैर, तो मुझे एक दो सिर्फ चीजें वो कहनी साढ़े है। ग्यारह एक बजे तो ये जुड़ेगी कि सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुझे यही कहना है कि हम इसको ज्यादा विलंब न इसको खींचे, क्योंकि बहुत दूसरे वक्ता है, महत्वपूर्ण वक्ता है। एक दो छोटी सी चीजें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे आनंद कि बलराम जी खुल के आज मैदान में आ गए, क्योंकि वो एक किस्म से इतने शालीन है, क्या कहूँ, इतने शब्द, अंग्रेजी का शब्द ही आता है मुझे हमेशा, कहें तो मौनी तो नहीं कह सकते, लेकिन अल्पभाषी मतलब विवादास्पद मुद्दों पे अल्पभाषी मैंने उनको महसूस किया, लेकिन आज पर आ गए मैदान में। मैं सिर्फ एक दो चीजें कहना चाहूंगा कि क्रिस्टल ने लिंग्वी साइड की बात की है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो चीज है लिंग्वी साइड, ये दुनिया भर में हो रहा है। पांच छह भाषाएं हैं दुनिया में जो डोमिनेट करती है, अंग्रेजी है, मैंडरिन है, स्पेनिश है, जर्मन, फ्रेंच, और अब हिंदी भी हो रही है। हिंदी भी एक वैश्विक रूप से उभर रही है, अरबी है। तो हम इसको अपनी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना, इस पे कौन रोक लगा रहा है? आप जितना मर्जी करें, लेकिन अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी दबाओ, ये चलेगा नहीं। आपने बहुत कोशिश की, ये असफल रही। बिहार में बहुत कोशिशें हुई, अंतोदगतवा, जो पॉलिटिशियन अंग्रेजी हटाओ कहते तो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेजते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और इसके पीछे आर्थिक जो ताकतें हैं वो इतनी मजबूत है कि नौकरियां जिस भाषा में हैं उसी भाषा में लोग, उसी भाषा को लोग अपनाएंगे। अब आपने बात कही लोक भाषा की, क्या संस्कृत लोक भाषा थी? इतने हजारों सालों से हमने जो अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज भारत में की वो संस्कृत में की,
लेकिन उसका रूपांतरण लोक भाषा में होता रहा। उसी तरह आज भी अंग्रेजी में जो ज्ञान है उसका भी रूपांतरण हो रहा है, अनुवाद हो रहा है एक नए किस्म से। इंग्लिश ऐसी नई भाषा उभर के आ रही है, हर टैक्सी ड्राइवर हर एक इंग्लिश जानता है। गूगल ट्रांसलेट किसने बनाया? हम लोग तो नहीं बनाया। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किसने किया? ये गूगल वाले दूसरों ने किया। और आप फारसी के विद्वान हैं, आप तो जानते हैं कि 500 साल भारत में फारसी के ज्यादा ग्रंथ बनाए गए बनिस्बत ईरान के। हमारी भाषा कौन सी है? जो भाषा हम अपनाएंगे वो हमारी हो जाएगी। हम बार बार कहते हैं अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, ये क्या मतलब है? डेविड क्रिस्टल के अनुसार 30 करोड़ लोग हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 30 करोड़ अमेरिका के पॉपुलेशन के बराबर, और दुनिया में अंग्रेजी में तीसरा नंबर है हमारा किताबों को छापने में, आफ्टर अमेरिका एंड इंग्लैंड। तो ये यहाँ बैठ के हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितना मर्जी आप अपनी भाषा इस्तेमाल करें, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, कोई मना नहीं करेगा। छापने वाले दिखाइए पैसे मांगेंगे आपसे, हिंदी वाले भी पैसे मांगते हैं। आज आज हम हिंदी में कुछ छापेंगे, आपने मुझे कोई लेख दे दिया, आप पहले मुझसे पैसे मांगेंगे। हिंदी के नाम से कितने पैसे बांटे जाते हैं आपको पता है? अंग्रेजी में आप लिखेंगे आपको मार्केट है, इसमें हम न जाएं। अब हमारे पास दूसरे विषय हैं। मैं अनुरोध ये करूंगा कि हम दीदी की बात सुने। प्रोफेसर शशि प्रभा जी जैसी विद्वान विदुषी जी हमारे यहाँ मौजूद है, पंडिता जी हैं, और राधा वल्लभ जी को हम सुने, जिनका एक भी लफ्ज अभी तक हमने सुना नहीं है। वो इतनी, मैं क्या कहूँ, इतने इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक भी बात उनकी हमने अभी सुनी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह हो, और जो वैलिडिट्री सेशन है वो बखूबी हम इसको निभाएं, क्योंकि ये सबसे हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, इनॉगरल था, और अंत में भी हमने ऐसे रखे हैं जो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अनुभवी और बहुत ही जाने माने विख्यात हमने वक्ता रखे हैं अंत में। तो हम इनकी बातें सुने, समय होगा तो हम जरूर इस पे बार आएंगे। लेकिन मैं बलराम जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको सुन के हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और आज आप खुल के आए ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि चर्चा खुल के होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। और मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा आपसे कि एक तो मछली है जो सबको खा रही है, मैं समझता हूँ क्या है, दूसरी छोटी छोटी मछलियां हैं वो उस बड़ी मछली के पास जाके कह रहे, खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ। थोड़ा सा फर्क आपको जानना पड़ेगा। तो आप जी चाहते हैं कि इससे भी बड़ी मछली हो जो बड़ी को काट दे, ये नहीं हो रहा है। हम ही जाके मछली के पास जाके कह रहे हैं मुझे खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ। इस तरह खैर हम इसको यहीं पूर्ण विराम देते हैं या अर्ध विराम देते हैं, और मैं प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इसको आप आगे ले चल लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम धन्यवाद दूसरे अंतरंग दूसरे जी। वक्ता नहीं है मैम, आप अपनी बात कहें बस। जी ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। माननीय निदेशक महोदय, आदरणीय संयोजक महोदय एवं इस संगोष्ठी में उपस्थित अत्यंत प्रतिष्ठित विद्वद्गण, मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात कहूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी मैं बलराम जी के वक्तव्य पर देना चाहती हूँ, जो अभी परिचर्चा प्रारंभ हुई, हिंदी अंग्रेजी और बीच में हमारी संस्कृत। तो भाषिक विवाद, जैसा अभी निदेशक महोदय ने स्वयं कहा कि ये इस संगोष्ठी का शायद मंतव्य नहीं है, भाषिक विवाद उठाना जरूरी है क्योंकि विवाद उठेंगे तभी उनका कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन भाषाओं की
जो सह अस्तित्व की एक मान्यता है, भारत से अच्छा उदाहरण उसमें मिल नहीं सकता बहुभाषिकता का। भारत सदा से बहुभाषिक रहा है। वेद में ही शब्द आता है पृथ्वी सूक्त में, नाना धर्माणं जनम विभ्रति पृथ्वी बहुधा विवाचसम। तो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले यहाँ सदा रहे हैं, रहे हैं और रहेंगे। आपने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की ये जो पुनरीक्षण एवं पूर्वेक्षण, ये दोनों विषयों को लेकर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, इस पर 2 दिन से आपकी बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। मेरा दुर्भाग्य कि मैं सब चर्चाओं में सम्मिलित नहीं हो सकी, लेकिन मैंने जितना भी कल 2 घंटे में सुना उसके आधार पर ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ उभर कर आए हैं। जैसा कि आज एक वक्तव्य जो मुझसे पूर्व बलराम जी ने दिया, उन्होंने अध्येता संगोष्ठियों का विवरण देते देते बहुत से बिंदु उठाए। उन बिंदुओं में संस्कृत का साम्राज्यवाद, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत, अंग्रेजी की बहुभाषिकता के प्रति विरोधिता इत्यादि, भाषिक संघर्ष और भाषिक भ्रांतियां, और जो शोध अध्येता यहाँ पर कार्य कर रहे हैं जिसमें वे स्वयं भी सम्मिलित हैं, उन सब के अध्ययन विषयों का और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बहुत ही सुंदर एक विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे जो विषय दिया गया था वो है डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर सीरीज, और उसका भी एक भाग कल संपन्न हो चुका है। तो जो विशिष्ट व्याख्यान यहाँ हुए हैं उनकी सूची हम सबको मिल चुकी है, किंतु आगे किस दिशा में किस क्षेत्र के व्याख्यान किए जाएं, उसमें मैं अपनी सीमित बुद्धि से और केवल अपने क्षेत्र से संबंधित सुझाव दे सकती हूँ। तो आपका ये जो प्रारूप मेरे पास आया, इस प्रारूप में अनेक विषय आपने रेखांकित किए हैं। भारत विद्या एक ऐसा विषय है जिस पर हम संस्कृतज्ञों की रुचि रहना स्वाभाविक है। एक विषय आपका है भारतीय भाषाएं, उनका साहित्य और अनुवाद, इस पर अभी पर्याप्त विमर्श हो चुका है, किंतु उसी का समाधान करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि एक सुझाव बलराम जी ने दिया कि जो भी यहाँ पर अध्येता आते हैं वे अपना प्रबंध अंग्रेजी में समर्पित करते हैं और उन्हें करने दिया जाए, किंतु उनसे कहा जाए कि वे अपने उस प्रबंध का अनुवाद प्रस्तुत करें। मुझे लगता है अध्येता के लिए संभव नहीं होगा, तो संस्थान इस कार्य को ले सकता है कि जो महत्वपूर्ण प्रबंध अंग्रेजी भाषा में समर्पित किए जाएं और जिनकी लोकोपयोगिता अधिक है उन्हें भारतीय भाषाओं में अनुदित कराने की एक परियोजना आप चला सकते हैं। और अनुवाद से ही यदि बात शुरू करें तो भारतीय भाषाओं में अनुवाद को हमें अब प्राथमिकता देनी ही होगी, नहीं तो गूगल स्तर का अनुवाद जो है वो प्रचलित हो ही रहा है, उस अनुवाद को एक स्तरीय प्रामाणिकता देने के लिए हमें जो भारतीय वाङ्मय है, प्राचीन भारतीय वाङ्मय, उसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद, इसे इदम प्रथमतया लेना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हमारा सर्व प्राचीन ग्रंथ है आज तक वेदों का ही सब भारतीय भाषाओं में अनुवाद नहीं हो सका। हम वेद के नाम पर दुहाई देते हैं, उसे परम प्रमाण की कोटि में रखते हैं भारतीय चिंतन में। उसका हिंदी में अनुवाद पहली बार स्वामी दयानंद ने कराया 19वीं शताब्दी में। कुछ भारतीय भाषाओं में उनके अनुवाद आंशिक अनुवाद हुए हैं। तो क्या ऐसी कोई योजना संभव है किसी अध्येता के द्वारा या किसी एक समूह के द्वारा कि एक एक भाष्य, जैसे अभी आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया पतंजलि के महाभाष्य का असमिया में अनुवाद, मुझे लगता है आसाम के भाषिक क्षेत्र में और विद्वत जगत में ये एक नई दिशा प्रशस्त करेगा, एक नया पथ प्रशस्त करेगा ये अनुवाद। इसी तरह यदि तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बांग्ला में कुछ अंशों का अनुवाद हुआ है, तो भारतीय भाषाओं में अनुवाद को हमें सर्वोपरि प्राथमिकता देनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। अंग्रेजी का वर्चस्व है या नहीं है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हिंदी किस प्रकार से अपनी समस्त भगिनी भाषाओं के प्रति क्या व्यवहार कर रही है वो भी हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम अन्य भाषाओं में अनुवाद प्रस्तुत करके
संस्कृत में जो ज्ञान संपदा सुरक्षित है उसे जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प और प्रयास कर सकते हैं। भारत विद्या के विषय में जो आपने बात कही और अभी ये बात उठाई भी गई कि आर्यों का आक्रमण सिद्धांत, ये पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दिया गया एक ऐसा सिद्धांत था या कहें कि अपसिद्धांत था जिसने सारी भारतीय मनीषा के चिंतन की दिशा बदल कर रख दी। इस दृष्टि से कुछ विद्वान आज भी ऐसे हैं, यद्यपि विगत शताब्दी में जो भारत विद्या विशारद थे उनके अध्ययन और उनके कार्य स्वार्थ प्रेरित थे, उनके निहित स्वार्थ थे, किंतु आज भी ऐसे विद्वान हैं, विदेशी विद्वान हैं, जो भारत की भावना से, भारत के साहित्य से, भारत के ज्ञान परंपरा से प्रेम रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। आपने पीटर शार्फ का नाम लिया जो व्याकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वे प्रख्यात वैयाकरण जॉर्ज कार्दोना के परम प्रिय अंतेवासी हैं, शिष्य रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि में जिस तरह का काम पीटर शार्फ कर रहे हैं, भारत विद्या के क्षेत्र में ऐसे ही एक नाम है जो अभी जीवित हैं। एक विदुषी तातियाना एलिजा रेनकोवा जो रूस में थी, जिन्होंने समग्र ऋग्वेद का रूसी भाषा में अनुवाद किया था। आज ग्रीस में एक विद्वान है निकोलस कजानास, जो 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वे निरंतर इस भारतीय आर्यों के आक्रमण सिद्धांत के विपक्ष में लिख रहे हैं और आलोचना झेलते हुए उन आलोचनाओं का सटीक उत्तर भी दे रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार ये आर्यन इन्वेजन थियोरी के अगेंस्ट अपना लेख लिखा और वो एक ऐसे वॉल्यूम में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जिसमें इस विषय पर अनेक विद्वानों ने लिखा था, तो 9 विद्वान उनके विरोध में आकर मुखर हुए। उन्होंने लिखा था AIT एंड स्कॉलरशिप 2001 में, और उनके उत्तर में जो 9 विद्वान उनके विरोध में आ खड़े हुए, एडविन ब्रायंट, डीपी अग्रवाल, एस्को पार्पोला, स्टीफन जिमर, जेपी मेलरी, एलेना कुजमीना और अन्य। और ये संघर्ष, ये वाद विवाद चलता रहा, कई वर्षों तक चलता रहा, और अंत में कजानास ने एक अंतिम उत्तर दिया। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड यूरोपियन स्टडी, इंडियन एंड यूरोपियन स्टडीज में छपा था। उन्होंने उत्तर दिया दी फाइनल रिप्लाई, सारे जो भी बिंदु उठाए गए थे उनकी मान्यता के विरुद्ध, उन बिंदुओं का उन्होंने सिलसिलेवार उत्तर दिया और इस सिद्धांत को स्थापित किया कि आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, वे भारत के मूल निवासी थे। मुझे याद है शायद 2001 में ही दिल्ली में मैंने पहली बार जब उनका व्याख्यान सुना, ऋग्वेद इज प्री हड़प्पन, वहां भी हाहाकार मच गया था और बहुत से लोग उनके विपक्ष में खड़े हो गए थे। तो वो लगातार संस्कृत भाषा पर, उनका बहुत अच्छा अधिकार है, ग्रीक और संस्कृत के तुलनात्मक विषय में भी वे लिखते रहे हैं, इंडो आर्यन ओरिजिन्स एंड अदर वैदिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन वैदिक ट्रेडिशन, इन द बिगिनिंग स्टडीज इन वैदिक एंड ग्रीक फिलोसफीज, वैदिक एंड इंडो यूरोपियन स्टडीज इत्यादि ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और ये लिखा है कि राइटर्स हु डिमीन द वेदास आर फुलिश, तो वेद के प्रति उनकी निष्ठा और उनकी साधना सतत प्रवर्तमान है। यही कारण है कि इसी साल 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री प्रदान किया है। तो ऐसे विद्वानों के कार्य को, या उनको कम से कम, आजकल आपने कोरोना के संदर्भ में ये परिचर्चा आयोजित की है, तो कोरोना के अनेक दुष्प्रभावों और दुष्परिणामों के बीच मुझे लगता है मैम से संबंध कट गया है जी, आवाज नहीं आ रही है उनकी, आवाज नहीं लॉग आउट, लॉग आउट हो गई मैडम, लॉग आउट हो गई, दोबारा हो जाएंगी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। हाँ आ गई दीदी, वापस आ गई हैं। उनको आ गई है मैम, आ गई है।
मैम अनम्यूट आप कर लें। हाँ चलिए जी, अपने आप ठीक है। म्यूट हो गया। तो आज जब ज्ञान का विस्फोटन हो रहा है, एक बटन दबाते ही सारी सूचना आपके हाथ में आ जाती है, ऐसे समय में हमें इस संस्थान के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथों के निर्माण की योजना लेनी चाहिए। ये संदर्भ ग्रंथ विश्वकोश के रूप में हो सकते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हो सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरीज हो सकती हैं, और दूसरी चीज की अब तक जो इतिहास लिखे गए हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य के हों, भारतीय दर्शन के हों, और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के बारे में जो कुछ भी लिखा जाता रहा है, अब हमें उसे एक नई दृष्टि से, एक अभिनव पद्धति से प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। आज के विश्व की जो स्थिति है, जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें हमें इन विषयों का पुनः प्रस्तुतिकरण करना है, और हमें कुछ ऐसे वॉल्यूम्स तैयार करने हैं, इन्वेंटरीज होनी चाहिए ऑन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंडियन स्टडीज, जिस तरह के वाल्मीकि रामायण पर एक इन्वेंटरी बनी हुई है। तो कार्ल पॉटर यदि अमेरिका में वॉशिंगटन में बैठकर एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफीज बनाते हैं जो निरंतर अपडेट होता चलता है, और भारतीय चिंतन की विविध विधाओं पर उन्होंने अनुवाद भी प्रस्तुत किए हैं उसमें कुछ अंशों के, और सारी संदर्भ ग्रंथ सूची भी प्रस्तुत की है। क्या हम इसी प्रकार के ग्रंथ भारत के चिंतन की विविध विधाओं में तैयार करा सकते हैं? और ये काम उच्च अध्ययन संस्थान जैसी संस्थाएं ही कर सकती हैं शायद अधिक प्रभावी ढंग से। हमें भाषा के विषय में, अनेक भारतीय भाषाओं के विषय में, उन भाषाओं के साहित्य के विषय में, और एक बिंदु जो आपने दिया है अपने योजनाओं में, धर्म और तत्संबंधी स्थापनाएं, मुझे लगता है ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में संस्थान की प्राथमिकताओं में आना चाहिए, क्योंकि धर्म और संप्रदाय का जो मूल आशय है, हमने आज धर्म को पूरी तरह से संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया है, जबकि भारत में धर्म का बहुत व्यापक अर्थ रहा है, व्यापक एवं गहन, जबकि संप्रदाय एक सीमित परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त होता था। उद्योतकर नाम के आचार्य हुए हैं न्याय दर्शन में, जिन्होंने न्यायवार्तिक में लिखा है, संप्रदायो नाम गुरु शिष्य संबंधस्य अविच्छेदेन शास्त्र प्राप्ति, कि एक शास्त्र का संप्रदाय होता है, एक गुरु का संप्रदाय होता है, और जब आचार्य शिष्य को साक्षात रूप से वो शास्त्र पढ़ाता है तब वो संप्रदाय बनता है। संप्रदाय ये अपने व्युत्पत्ति परक अर्थ में भी हो सकता है, और जो हमारी परंपरा में हम देखते हैं उस दृष्टि से भी संप्रदाय एक बौद्धिक संबंध को सूचित करता है, जबकि धर्म जीवन के सभी पक्षों को, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि धर्म, इससे व्यापक और धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष परिभाषा हो नहीं सकती धर्म की, जिसमें जीवन के इहलौकिक और पारलौकिक सभी परिदृश्यों को सीमित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए। इसी तरह से हम यदि व्याकरण पर यहाँ कुछ अध्ययन हुए हैं, दर्शन पर हुए हैं, कल नाम आया था दया कृष्ण जी का, मेरा सौभाग्य है कि मेरा उनसे कई बार संपर्क हुआ, और कल शायद ऐसा सुनने में आया कि दया कृष्ण जी को पंडितों ने जवाब नहीं दिया, जबकि सत्य यह है कि दया कृष्ण ने पंडितों के साथ संवाद किया था, पंडित अपनी संस्कृत भाषा में बोल रहे थे, और दया कृष्ण जी की जो निरंतर प्रश्नशील प्रवृत्ति थी, वो संवाद नाम से ग्रंथ अखिल भारतीय जो दार्शनिक अनुसंधान परिषद से छपा हुआ है, संवाद, जिसमें ट्रेडिशनल पंडित्स में प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी हैं, एमपी रेगे हैं, और मुकुंद लाठ जी हैं दया कृष्ण के साथ में। तो वहां पर उस तरह के जो संवाद हुए पंडितों के मध्य और आधुनिक पद्धति से पढ़े हुए आचार्यों के मध्य, उस संवाद परंपरा को भी हमें पुनरुज्जीवित करना चाहिए, जो भारत में अध्ययन अध्यापन की प्रतिष्ठित समृद्ध परंपरा उपनिषदों में देखने को मिलती है, उस परंपरा से आज भी हम कुछ विषयों को, जैसे अभी अभी विषय कुछ उठाए भी गए, या पूरे 3 दिनों के इन सत्रों में जो भी बिंदु आए हूँ उनमें से चयनित करके हम इस प्रकार के संवाद आयोजित कर सकते हैं।
एक विषय जो और हमें लेना चाहिए, एरियाज ऑफ रिसर्च जो है इन इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, कल यहाँ विजय बरुआ जी ने बात की थी कुछ टेक्नोलॉजी के विषय में, तो आज उन्होंने बताया कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से तकनीक के अधीन हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक तरफ इस यंत्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, या जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मानव का रूप बन रहा है, और दूसरी तरफ श्री अरविंद का जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है, कल इस पर बात हुई थी। तो ये जो यांत्रिकता है या भौतिकता है और आध्यात्मिकता है, इसके बीच ये द्वंद्व भी सनातन है, अधुनातन और पुरातन, इन दोनों के बीच ये संघर्ष भी सनातन है, किंतु हमें इन दोनों के बीच एक समन्वय का मार्ग लेकर और इन्हें परस्पर इस प्रकार जोड़ना होगा, क्योंकि केवल यांत्रिकता, केवल टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले जाएगी, उसका परिणाम हम कोरोना के रूप में ही देख रहे हैं, इससे दुखद परिणाम हो नहीं सकता। तो उस भौतिकता के साथ जब तक आध्यात्मिकता का वह पुट सम्मिलित नहीं होगा जो भारत के चिंतन की विशेषता रही है, तब विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति, परा और अपरा, ये द्वंद्व सदा चलता रहा है, लेकिन इन द्वंद्वों से परे एक जो द्वंद्वातीत तत्व है, वो परम तत्व है, उसके प्रति उन्मुखता जो है, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा, और उस दृष्टि से भी कुछ चर्चाएं चलानी होंगी। तो उस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि नेचुरल साइंसेस पर काम हो रहा है, सोशल साइंसेस पर काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी पर ये उच्च अध्ययन संस्थान ही काम करे ऐसा नहीं होगा, बहुत सी संस्थाएं हैं जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और टेक्नोलॉजी अपनी प्रगत स्थिति में है, लेकिन वे बिंदु, वे क्षेत्र जिन्हें प्रगत पथ पर आना चाहिए, उनमें भारत की जो कॉग्निटिव साइंस है, जिसमें हमारे भीतर जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं हैं, उनमें मानव चेतना की जो दशा है, किस प्रकार उस चेतना को जागृत किया जाए, किस प्रकार उस चेतना का उदात्तीकरण किया जाए, इन बिंदुओं को लेकर, और जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और उपमान के माध्यम से जो ज्ञान की प्रक्रिया है, ज्ञान की पद्धतियां और उनके स्वरूप पर विश्लेषण बहुत हो चुका, लेकिन उसमें जो साइकोसोमेटिक प्रक्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं, इन दोनों को मिलाकर एक प्रायोगिक पक्ष हो और दूसरा उसका वैचारिक पक्ष हो, इनको लेकर भी हमें कुछ काम करने चाहिए। इन विषयों पर हम काम कर सकते हैं। और भाषा की दृष्टि से एक अंतिम बात और कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से अनुवाद की बात मैंने पहले भी की और बलराम जी ने भी की, तो अनुवाद में और हमें शब्द कोशों की अपेक्षा है, और ऐसे द्विभाषी या बहुभाषी कोश निर्माण की भी आवश्यकता है, जिस प्रकार के कोश ऑस्कर पुजोल, जो कि संस्कृत के भी विद्वान हैं और जो स्पेनिश के कैटलन के विद्वान हैं, उन्होंने संस्कृत कैटलन डिक्शनरी बनाई, उसके बाद संस्कृत स्पेनिश डिक्शनरी भी उन्होंने छापी। तो इस प्रकार से हमें कुछ भारतीय भाषाओं के साथ शब्द कोश पहले निर्माण करने चाहिए, या तो अनुवाद प्रारंभ किया जाए और साथ साथ इस प्रकार के शब्द कोशों के निर्माण की प्रक्रिया भी हम प्रारंभ करें, ताकि ये जो संवाद है केवल एक या दो भाषाओं के मध्य सीमित न रह जाए, ये अन्य भारतीय भाषाओं के साथ और अन्य विदेशी भाषाओं के साथ आज वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम हो रहा है। पहले तो ये कल भरत जी ने संकेत किया कि ये तो व्यंग्य में कहा गया था, लेकिन आज ये वास्तविकता बन चुका है, वसुधा एक पटल पर आ चुकी है। तो हमें संवाद के लिए जिन स्रोतों की आवश्यकता है, उन स्रोतों के निर्माण की ओर भी उच्च अध्ययन संस्थान को ध्यान देना चाहिए। संस्कृत की क्या स्थिति है, क्या उसमें वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है, अथवा संस्कृत ने विगत दो शताब्दियों में किस प्रकार से साहित्य को, विचार को समृद्ध किया है, इस विषय में मैं कुछ न कहते हुए निवेदन करूंगी, क्योंकि यहाँ संस्कृत के कारयित्री और भावयित्री दोनों प्रतिभाओं से संपन्न विद्वान प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी विद्यमान हैं, वे इस पर शायद अधिक अच्छे ढंग से प्रकाश डाल सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मकरंद परांजपे जी
और इस संगोष्ठी के संयोजक माधव हाडा जी को प्रणाम करती हूँ। सभी विद्वान जनों को नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं सीखती रहूं, सीखने के योग्य बनी रहूं, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूं। धन्यवाद। बड़ा सा दूसरा सत्र शुरू करने से पहले मुझे एक सी चीज कहनी है। दीदी ने बहुत ही आया, मैंने ही कर किया था कल 1991 में ऑक्सफोर्ड के साथ। सर सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट मैं दूसरी तरफ से करता हूँ, सॉरी स्क्रीन को बंद करके। अब ठीक है या नहीं? थोड़ा ठीक आ रही है सर। अच्छा धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 1991 में उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रोफेसर सचिन प्रभा कुमार जी ने कही। द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रेडिशनल पंडित्स हैज बीन नो डिफरेंट, उन्होंने कहा इसमें, मैं कोट कर रहा हूँ, बट मेनी ऑफ देम डू नॉट नो इंग्लिश, दे कैन हार्डली बी ब्लेम एंटाइटल्ड द वेदिक डॉक्टर्स सम क्वेश्चंस वर प्रेजेंटेड इन संस्कृत to a gathering of the most outstanding Mimamsa scholars at Tirupati. Not a single person said anything. अब देखिए 2004 में एक दूसरी किताब आई थी, published by the Indian Council of Philosophical Research, भी किताब मेरे पास ही कॉपी थी पढ़ना। 2004 में मतलब 14 साल के जब एक संवाद जिसको वो तरस रहे थे वो हुआ, पूरी तरह से उससे संवाद नहीं हुआ। स्टॉल नाम के विद्वान थे, उनके कुछ हम कह सकते हैं अभिप्राय, वेंकट चरम जी जो जिनको मैं जानता था, पांडे साहब, एस एल पांडे, शिवनारायण भट्टाचार्य, ऐसे लोगों को भेजे गए और उसके जवाब छाप करके ये किताब बनी है। तो मैं कल समय नहीं था, मैंने जल्दबाजी में कुछ कह दिया हो, मेरी जो से तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जब संवाद आज प्रोफेसर कुमार ने आग्रह किया कि हम संवाद करें, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस तरह का हमें संवाद करना चाहिए, साक्षात करना चाहिए, वो हो नहीं पाए। तो एक तो मेरी पहली बात यह है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और भी होना चाहिए, ऐसी गोष्ठियाँ होनी चाहिए। मैं जब आया मैंने सोचा कि मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, बट एक्चुअली कोशिश हो ही नहीं पाया। इतने लोगों से हमने बात की, लेकिन किसी वजह से कोई बीमार पड़ गया तो कोई किसी वजह से ये हो ही नहीं पाया। मतलब ये इस तरह की चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल है। दयानंद सरस्वती जी करते हमने सोचा इससे अवगत होंगे, ऐसे दस दस जिन्होंने नए तरह से वेदों को पढ़ने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये कुछ हमारी त्रुटियां हैं, हम कर नहीं पाते हैं ऐसी चीजों को। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हो रहा है, हम नहीं कर पाए हैं। यही मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हम किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं भारत में, और ये खास करके स्वतंत्रता के बाद। इसके बारे में मैंने कल काफी मतलब 5-6 मिनट इसके बारे में मैंने चिंतन मेरा जो है वो रखा कि हमारे यहाँ संस्थागत जो संकट यानी इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, इसकी वजह से कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं इनका धन्यवाद। छोटी सी पद के बारे में उन्होंने कहा कि वेदों का अनुवाद
प्रत्येक भारतीय भाषा में होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब सोचे आप क्यों नहीं हुआ है, प्रत्येक प्रांत में उस भाषा की एक अकेडमी बनी है। आप कर्नाटक में जाएंगे तो कन्नड़ अकेडमी बनी है, आप महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी अकेडमी है, दिल्ली में उर्दू अकेडमी है, पंजाबी अकेडमी है। तो जो प्रांत है जिन्होंने अपने भाषा इतनी पूंजी उसमें निवेश की है अपनी भाषा को पढ़ाने के लिए, वो खुद ही नहीं काम नहीं कर रहे हैं, आप सोचिए, और कुछ और चीजें कर रहे हैं। तो जिनको ये दायित्व दिया गया है और जिनका इसमें हित भी है, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, और लिंग्विस्टिज्म हर जगह है, आप जाइए बेंगलुरु जैसी जगह जाइए, अब कितनी टोकनिज्म हो रही है भाषा को लेकर के, और लोग वहां बार बार कई कई जगह से लोग आके काम करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, आप मैंने खुद ये महसूस किया है, एयरपोर्ट से हम आते हैं और एक बहुत अच्छी बस सेवा है, तो बस में आप करेंगे कन्नड़ की बात, मुझे भी उन्होंने सोचा कि मुझे कन्नड़ नहीं आती है तो मेरे साथ ही शुरू किया उन्होंने, इससे तो वो खुश हुए। तो ये एक टेस्ट कर रहे हैं लोगों की, तो कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है बस में प्रवेश करता है तो सिर्फ कन्नड़ में बात करेंगे, उसको कैसे लगेगा? तो मतलब ये जो भाषा को लेकर के जिन्होंने इतना बड़ा राजकरण किया है, राजनीति की है, वो अपनी भाषा में अनुवाद नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उच्च संस्थान से ये काम हो, 22 भाषाएं साहित्य अकादमी ने ये काम नहीं किया। खैर मैं ज्यादा प्लीज आखिरी सत्र का सर, आप कनेक्टिविटी ठीक, आपकी कनेक्टिविटी खराब आ रही है और उस कारण थोड़ी असुविधा हो रही है। सॉरी सर, कहें आप। मैं प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ संस्थान की ओर से, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि संस्थान उनको व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न करेगा। उन्होंने संस्थान की जो गतिविधियां संपन्न हुई उन पर भी टिप्पणी की, मैं उनके इस वक्तव्य के लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं हमारे मित्र और अध्येता प्रोफेसर बलराम डॉक्टर बलराम शुक्ला के प्रति भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। उन्होंने जो अध्येता संगोष्ठियां हैं उनका समाहार प्रस्तुत किया और अपने कार्य की प्रकृति से भी हम सबको अवगत करवाया। वे हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और उनसे मतलब औपचारिक भी और अनौपचारिक भी कई तरह का संवाद होता रहता है, मैं उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। हमारा समापन सत्र अब शुरू करते हैं और मैं दोनों वक्ता हैं, प्रोफेसर गुरुप्रीत महाजन हमसे जुड़ चुकी हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं संस्थान की ओर से। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी वे भी हमारे समापन सत्र के वक्ता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्येता मेधा जी देशपांडे भी हमसे जुड़ी हुई, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जो हमारी पहले सत्रों में अध्यक्ष और वक्ता रही हैं, वे भी हमसे जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इस सत्र की अध्यक्षता हमारे संस्थान के निदेशक सम्माननीय प्रोफेसर मकरंद जी परांत पे करेंगे, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और इस सत्र का शुभारंभ करें। सम्माननीय परांत पे सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ऑडियो ठीक से आप लोगों को सुनाई नहीं रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ये बात सही ब्रेक हो रही है सर, आवाज तो कट ही रहा है, आ रही है अब? आई सर, आई। मैं तो अगर आप आपको हो तो
निवेदन करूंगा हरा साहब इसका आप इसके सत्र की आप अध्यक्षता करें क्योंकि दूसरों को कठिनाई होगी मेरी आवाज कितनी या मतलब तस्वीर भी कट रही है तो कृपया आप ही इसको आगे और अंत में मैं कुछ अगर कह पाऊंगा कह दूंगा लेकिन मैं स्वागत करते हुए गुरपीत जी का और राधा वल्लभ जी का स्वागत करूंगा मैं आपसे ही दरख्वास्त करता हूँ कि आप ही इस सत्र का संचालन करें आवाज आ रही है सर कट रही है थोड़ी अदरवाइज मुझे लगता है सर आप समापन वक्तव्य तक आप अपने ये कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा मैं प्रोफेसर गुरुप्रीत जी महाजन को आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले समापन वक्तव्य के लिए मेरी आवाज आ रही है मैम जी आ रही है मैं अपना वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से कि थैंक यू वेरी मच मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे ये आमंत्रण दिया कि इस गोष्ठी में मैं आपके साथ जुड़ूं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस सम्मान के लिए भी बहुत शुक्रिया Is it possible for you to turn on your video? Can't hear you, Makran. No, I'm saying नहीं मैम आपकी आवाज आ रही है अच्छी बस आपका वीडियो नहीं आ रहा है जी नहीं आ रहा है I was requesting you to turn on your video so that we could see you. Oh, okay. I'm trying to, but here it is. Yes. This is perfect. Thank you. No, not at all. I didn't realize. WebEx is a little more complicated. So not very user friendly, but phir bhi. But thank you very much. First of all, my thanks to the director, Professor Paranjapi, and to the organizers, Professor Hada and Professor Rajveer Sharma, for inviting me. मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और as I said कि किसी भी गोष्ठी में शामिल होना उसमें आमंत्रित होना आप अपने आप में ही समान है मगर आपने ये वैलिडिक्ट्री के लिए बुलाया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सच तो ये है कि जब आपने जब मुझे ये आमंत्रण मिला तो मैं कुछ देर के लिए आई वॉज अ लिटल पजल्ड आश्चर्य था क्योंकि मैं काफी समय से एक्चुअली जिंदगी में ज्यादा समय मैंने IIAS के साथ नहीं बिताया दूर से देखा है शायद कुछ ही गिने चुने दिन मैंने इस इंस्टीट्यूट में बिताए हैं तो आई एम एन आउटसाइडर रियली नॉट ओनली फॉर दीज लास्ट थ्री ईयर्स बट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बहुत लोगों को जाना है जो IIAS गए जो उन्होंने काम किया और डायरेक्टर्स ने भी जो जो किए काम और प्रोफेसर परांजपे तो मेरे कॉलीग भी हैं तो उनको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उनके काम को भी जानती हूँ मगर आई वॉज अ लिटल बिट ऑफ एन आउटसाइडर पर मैं ये कहूँ कि मुझे आमंत्रण जब मिला तो मुझे ये अच्छा भी लगा क्योंकि वार्तालाप और बातचीत के दायरे हमेशा बढ़ते रहने चाहिए सो आई यू नो आई अप्रिशिएट दैट और इसी भावना के साथ मैं आप आज जुड़ी हूँ और पिछले दो दिन से मैंने काफ़ी हद तक जो चर्चाएं हुई हैं उस पे उसको सुना है कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं मगर बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और जब मैं सोच रही थी कि फाइनल सेशन में क्या बोला जाए तो मैंने सोचा शुरू में कि शायद इस चीज़ पे बोला जाए क्योंकि डायरेक्टर साहब ने शुरू में भी कहा व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ IIAS तो मैंने सोचा उसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी क्या मायने रखती है मगर पिछले दो दिन में जो चर्चाएं हुई वो इतनी इंटरेस्टिंग थी और थॉट प्रोवोकिंग थी कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ और डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि मुझे और कोई कई प्रश्न सामने आए जो ज्यादा प्रभावी हो गए दिमाग के और मैंने सोचा शायद उसी से शुरुआत की जाए तो आपकी अनुमति से मैं कुछ जो पिछले दिन में गतिविधियां हुई हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी अपना विचार रखूंगी सबसे स्ट्राइकिंग चीज जो मेरे को लगी वो ये थी कि दिस सेमिनार वॉज मेंट टू बी ए रिफ्लेक्शन रेट्रोस्पेक्टिवली ऑन वॉट दिस इंस्टीट्यूट हैज डन इन द लास्ट ईयर एंड प्रोस्पेक्टिवली वॉट इट शुड डू
तो दोनों चीजें थी, रेट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट। मगर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम सब जब जो गतिविधियां हो चुकी हैं उन पे बात करना चाहते हैं और उस पे टिप्पणी पर्टिकुलरली करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट है, सम रिलक्टेंस इज देयर। और बार बार प्रोफेसर परांजपे ये सभी से कह रहे थे कि आप उसके बारे में चर्चा करें, खुल के चर्चा करें, और खुल के चर्चा हुई भी कभी कभी, और मगर कुछ रिलक्टेंस थी टू टॉक अबाउट, क्रिटिकली टू टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। एंड आई थॉट मे बी दैट्स द थिंग टू थिंक अबाउट कि ये हमारे में ये झिझक क्यों है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हैं। तो कई कारण हो सकते हैं इसमें। एक प्रत्यक्ष कारण ये है कि नॉट मेनी पीपल मे हैव जॉइंड ऑल द एक्टिविटीज दे वर गोइंग टू कमेंट ऑन, और ये जाहिर है कि जिसमें हम शामिल नहीं हैं उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है और थोड़ा आदमी को यू नो यू आर लिमिटेड बाय इट। बट प्रोफेसर परांजपे केप्ट रिमाइंडिंग कि ये तो आप हमसे ले सकते थे, हमारी साइट पे हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बावजूद देयर इज सम डिसकंफर्ट, एंड दैट डिसकंफर्ट इट सीम्स टू मी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट कि हम क्रिटिसिज्म को आलोचना विच इज नेगेटिव इस दृष्टिकोण से देखते हैं। And I think perhaps that's the first thing to think about. क्योंकि शुरुआत में ही प्रोफेसर परांजपे ने कहा, and I like that expression a lot, विचार का स्वराज, विचारों का स्वराज। तो विचारों के स्वराज की तरफ अगर हम कदम रखना चाहते हैं तब हमें ये भी सोचना होगा कि ये जो क्रिटिकल एंगेजमेंट है, जो क्रिटिसिज्म की बात होती है, उसको हम इस तरह से नेगेटिवली क्यों देखते हैं, उसका संकोच, उसके बारे में संकोच क्यों है। तो प्रश्न सामने आते हैं कि शायद इसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, मगर इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग न्यू एंड पॉजिटिव इमर्जिंग बाय थिंकिंग अबाउट इवन दैट विच इज मेंट टू बी नेगेटिव। तो मैंने सोचा कि शायद जब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान है, और उस ज्ञान का मंथन तभी होगा जब हम ये मुश्किल सवाल अपने आगे रखेंगे और फिर उस ज्ञान में से खोजने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे में ये कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं, जो ये लिमिटेशंस आती हैं, उसको हम कम कर सकें, उसको ओवरकम कर सकें। ये बात मुझे ज्यादा अपनी तरफ बार बार खींचती रही, क्योंकि सारी गोष्ठी में अक्सर ट्रेडिशन की बात हुई, जो परंपराएं हमारे पास बहुत समय से हैं। सो देयर वाज एन इनवोकेशन ऑफ द पास्ट, पास्ट व्हिच इज प्रेजेंट विद अस, व्हिच शुड बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ये विचार बार बार कई अलग अलग दृष्टिकोणों से हमारे समक्ष रखी गई। बट द कॉन्ट्रडिक्ट, द पैराडॉक्स इज दिस कि जो इमीडिएटली पास्ट है, जिसके बारे में डायरेक्टर साहब टिप्पणी मांगते थे, we are reluctant to engage with it, but we are happier talking about a distant, more abstract, generalized past. तो हमें ये भी करना है, from that over generalized distant past, we need to talk about the concrete past. और उसको हम आगे रख के थोड़ा सा बढ़े तो मुझे लगता है ये fundamental questions हैं which any institute of advanced study should really engage with, क्योंकि इसमें कई मसले हैं। past और present और future का जो relationship है उसको हम किस दृष्टिकोण से देखेंगे। past is ever present, it is always a part, it is a starting point, उससे हम शुरुआत करते हैं, वो हमारे वर्तमान में present है, मगर इस अगर हम इस जोड़ को हम समझते हैं, इस लिंक को समझते हैं, then we need to engage with that concrete past in order to move forward. So I thought behind that gesture of saying let us have a retrospect and a prospect, there is a thought and an idea that we need to confront and think about seriously. और उसको उस आइडिया को आगे लाने के लिए शायद हमें ये भी सोचना होगा कि क्या कंडीशंस हैं
जिनके जिसके अंतर्गत सकारात्मक रूप से हम क्रिटिसिज्म को टिप्पणी को ले सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं. आर दे कंडीशंस इन विच वी कैन रिफ्लेक्ट एंड एंगेज क्रिटिकली विद द पास्ट विदाउट कॉजिंग इन वेज दैट कैन बी पॉजिटिव. लेट मी पुट इट लाइक दिस. ये कंडीशंस क्या हैं? शायद इस पे हमें ज्यादा चर्चा चाहिए आगे के लिए. इज इट ए कंडीशन? थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए, थोड़ा सा म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए, मगर और भी कई चीजें चाहिए. वी हैव टू हैव ए काइंड ऑफ वी हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ कॉजिंग हार्म टू यू और टू मी. और भी कई कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत जिनका होना बहुत जरूरी है, विदाउट विच इट इज नॉट पॉसिबल. जो वक्ता है, जो वक्ता है, जो रिसीव कर रहे हैं, उनके आपस में किस तरह का, how are they situated, what is their position, this of the speaker and the recipient, ye cheezein bahut zaruri hain. To mere ko lagta hai ye sab cheezein jahan pe ye, these are new dimensions of issues of what it means to be equal and how do we really engage with each other, kyunki yahi baat baar baar aa rahi hai ki hame is gyan ko aage le jana hai, logon tak prastut karna hai, then we need to think in terms of conditions under which this is possible. A critical engagement with ourselves, with our past, is really possible, and we need to really think about it. I want to make a second point, and that is about the Institute of Advanced Study. Mereko lagta hai naam mein bhi kuch mahatva hai, because it signifies something very important. Kyunki shabd advanced ka prayog kiya gaya hai. तो ये सिर्फ उच्च अध्ययन के कई माने हो सकते हैं, मगर जब शब्द एडवांस यूज किया जाए तो उसका एक अभिप्राय ये भी है कि वी कैन गो बियॉन्ड व्हाट एग्जिस्ट, जो है वो जो था उसके आगे हम जा सकते हैं, और उसके आगे जाना भी जरूरी है. आगे का ये मतलब नहीं कि जो पहले था वो सही नहीं था और जो हम कह रहे हैं वही सही है. सो द प्रेजेंट इज नॉट ए प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू. We are not saying we are closer to the truth or that we have arrived at the truth. मगर हम ये जरूर कह रहे हैं कि जिस वर्तमान में हम रह रहे हैं उसमें you need to think in terms of how the past is going to relate to that present. So you need to think of representation of that particular past. क्योंकि there is a fundamental understanding here that the past is always facing new kinds of challenges. Aur do din mein kai challenges ka zikr bhi hua. Samikaran badal gaye hain. People have talked about changes at the economic level, people have talked about changes that have happened in our thinking. Adhikaron ki baat hui, what does it mean to lead a dignified human life, uske bare mein baat cheet hui, टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत हुई. ये नए समीकरण हैं जिसमें हम जी रहे हैं. तो इन चीजों में द प्रेजेंट इज ऑलवेज द पास्ट दैट वी आर कैरिंग विद अस इज ऑलवेज कन्फ्रंटिंग चैलेंजेस. और उन चैलेंजेस को हम जब कन्फ्रंट करते हैं उसके कई माध्यम हैं. इसलिए आई कैन सी दैट देयर इज सम वैल्यू इन एंगेजिंग विद अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट पीपल. जो ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं वो एक तरह से इन चैलेंजेस को का सामना कर रहे हैं और उनका सुझाव निकाल रहे हैं. देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन अदर फील्ड्स एंड दे आर थिंकिंग ऑफ इट डिफरेंटली. सो वी नीड टू हैव अ डिस्कशन विद ऑल ऑफ देम, बट द फंडामेंटल आइडिया इज दैट वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कन्फ्रंटिंग चैलेंजेस, व्हिच मींस द पास्ट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड. It has to be represented, जिसमें कुछ चीजें affirm होंगी, कुछ चीजें modify होंगी, कुछ चीजें पीछे रह जाएंगी, छोड़ी जाएंगी. All this is possible. So the idea that an Institute of Advanced Study really carries within it is this larger understanding that knowledge is not static. It's not just given. Every time we confront new contradictions and new challenges, we are thinking in terms of making sense of our lives with the available resources that we have,
एंड देयरफॉर इफ वी आर नॉट टू थिंक ऑफ द आइडिया दैट वी ऑलरेडी पोजेस नॉलेज, और इसकी बात बड़ी अच्छी तरीके से कल हुई जब उन्होंने फॉरगेट जो स्पीकर थे उन्होंने कहा अबाउट ह्यूमिलिटी कि देयर इज एरोगेंस व्हेन वी थिंक वी हैव अराइव्ड एट नॉलेज एंड ट्रूथ, वो हमारे पास ऑलरेडी है. और दूसरा एक ऐसी प्रतिक्रिया है, देयर इज अ ओरिएंटेशन ऑफ द माइंड वेयर वी थिंक दैट वी आर रियली ऑन दिस जर्नी टू बी एबल टू ओवरकम द चैलेंजेस दैट कन्फ्रंट अस एंड rethink, reorient the knowledge that we have, and in that sense, we are struggling to arrive at that particular moment. So it's a kind of journey that we are on. So I think that's the attitude that is required, no matter which field you study, because I can only say to the institute and to the director that many suggestions have come, and they are pushing in different directions, and you will have the possibility of choosing whichever direction, there is cherry picking there that is possible. So you can give many, because there have been so many thoughtful suggestions, so many positive suggestions about the way forward and what needs to be done and what is urgent. Which of these the institute will take up, is your discretion. But I think there is this larger orientation that is needed to carry forward whichever field of inquiry that becomes the focus. The third point, and Professor Hadar, please wave if I am taking too much time. The third point that I wanted to make very briefly, मैंने कहा कि we are comfortable talking about a distant past, तो मैं सोचती हूँ कि concrete past से क्यों ना शुरू किया जाए. और कॉन्क्रीट पास्ट में भी कहीं चीजें सामने आती हैं, बिकॉज वन कांट टॉक अबाउट ऑल दोज इश्यूज. कि मैं सोच रही हूँ कि कॉन्क्रीट पास्ट में अगर मैं जाऊं, जब प्रोफेसर जे एस ग्रेवाल डायरेक्टर थे इस इंस्टीट्यूट के, ही हैड इंस्टीट्यूटेड अ प्रोजेक्ट, और एटलीस्ट ही हैड अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स वर्किंग ऑन अ शेयर्ड प्रोजेक्ट विच वॉज ऑन 19th सेंचुरी इंडिया. तो 19th सेंचुरी में भक्ति प्रथा थी, सूफी प्रथा थी, लिटरेरी ट्रेडिशंस थे, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस थे, काम हुआ जिस तरह से चैतन्य के ऊपर हुआ, उन्होंने काम करवाया, कई और चीजों पे काम कराया. तो देयर वाज दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. पर मैं सोचा इतना दूर क्यों जाना, कॉन्क्रीट तो अभी पिछले 2 साल के बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में ज्यादातर मैंने पढ़ा जो आपके कॉन्सेप्ट नोट में आया, एक कुछ लेक्चर्स भी सुने जो वेबसाइट पे थे, मगर कुछ वक्ताओं ने कहा, एंड स्पेशली आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट डॉक्टर पुरोहित प्रेजेंटेड यस्टरडे, बिकॉज़ आई थॉट दैट वाज वेरी इनसाइटफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट द फेलोज वर वर्किंग ऑन, एंड दैट्स द कॉन्क्रीट एलिमेंट दैट आई वांट टू बिगिन विद. एंड प्रोफेसर प्रांजपे, इट सीम्स टू मी इफ आई लुक्ड एट इफ आई हियर व्हाट प्रोफेसर पुरोहित प्रेजेंटेड यस्टरडे इन टर्म्स ऑफ seminars of the fellows, because that's the work that you were doing, it seems that you did set up or made an effort to set up some kind of what I will refer to as an intercultural dialogue, a kind of exchange and communication between the linguistic, literary and aesthetic traditions that we have in our country across obviously different regions. And if I'm correct in assuming that this is one of the things that has been pursued, because no institute can have just a single focus, there will be always other elements that need to be brought in. But if this remained a central point, I think this is a big step, it's a gigantic step, and one that we can build on, and we need to build on. And I'm saying this because बहुत चर्चा हुई, एंड द वर्ड सेल्फ वॉज यूज मेनी टाइम्स इन द लास्ट टू डे थर्ड डे परहैप्स. सेल्फ की बहुत बात हुई, बट व्हेन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ एन एक्सचेंज अक्रॉस ट्रेडिशंस, लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस हैं, एस्थेटिक ट्रेडिशंस हैं, लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं, तो ज्ञान की भी जब बात होती है तो देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस और डिफरेंट रीजन्स में है. अगर आपने इवन इफ यू मेड अ स्मॉल बिगिनिंग एंड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ दीज कम्युनिकेशन अक्रॉस दीज लिंग्विस्टिक, लिटरेरी एंड आई सेड आर्टिस्टिक, एस्थेटिक ट्रेडिशंस इन इंडिया, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज दिस इज द मूवमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेस्ट फॉर
what you call vichar ki swaraj, because we talk too often and we've spoken continuously about the self. Magar yahan pe in exchange mein, there is a journey from the self, from that which is familiar, from that which is the basis of my certitude, I extend myself beyond to the other. और उसके उसको पहचानने में, उसको समझने में, उसको सुनने में, I learn something which is there and I return to myself. So I think knowledge has this journey. You begin with your certitude and that which is familiar, but you must go beyond it to the other. तो हम self की बात करें, other की भी बात करें. From that other, you have to return to the self. That's the journey. Or usme, I think you have taken a big leap, and I would like you to see that these kinds of modes of communication and extending the self and returning after encounter and serious engagement with the other. So Dr. Purohit ne kaha ki kuch cheezein aisi hui to main pura samajh nahi paya. Aur main soch rahi perhaps we should also bring in COVID at this time. This is the limitation of COVID, kyunki पहली बार जब हम कोई भी चीज अनफेमिलियर समझते हैं, मैं भी कोई थ्योरेटिकल फिजिक्स का पेपर सुनूंगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में समझूंगी तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, मगर द पॉइंट ऑफ एंड आई थिंक दिस इज द यूनिकनेस ऑफ IIAS, इट्स अ रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट, व्हिच मींस कि आपको यू हैव एन ओकेजन टू कम बैक ओवर लंच एंड डिनर, ओवर अ वॉक, शाम को थोड़ा सा लाइब्रेरी से ब्रेक लेते हुए to talk about it, to get to know, so that at the end of those 3 or 6 months, some new idea has come to you. And that's a great thing. And I think this is the journey from the self to another, which is distant, which is unfamiliar, which is sometimes daunting, jisme aapka kahin bari ruchi nahi bhi hoti, and certainly something that is unfamiliar, and you return to the self. And I think that's an orientation that is very, very important and essential. And I thought maybe, in many suggestions that came, this might have been implicit, because if you set up this first level of communication across these, as I said, different expressions, literary and intellectual, in India, then there is a case of talking about communication between India and Asia, jiski baat bhi hui, India and Europe. और ये कहने के लिए आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू एंड यूनिक, क्योंकि एक्चुअली अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इस तरह के कम्युनिकेशन बिटवीन सिविलाइजेशंस अक्सर हुआ करते थे. परहैप्स इट इज एनलाइटनमेंट दैट रियली टुक अ मच मोर सेगमेंटरी नोशन ऑफ नॉलेज एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड थिंग्स. पर उससे पहले अगर Byzantine Empire के टाइम में ऐसा उनके यहाँ ट्रांसलेशन ना होती, then the classics of the Western civilization, Greek and Roman civilization, may have been lost forever. ये तो दूसरी सिविलाइजेशन के थ्रू वापस यूरोप में गई. और इसी तरह कई चर्चाएं मिलती हैं इन साइंटिफिक इनोवेशन, हाउ देयर वॉज ए डिस्कशन एंड इंटरक्शन बिटवीन कम्युनिटीज अक्रॉस spaces, geographical spaces and civilizational spaces. Aur itni dur ki kya baat karni, abhi bhi, and I think many people made this thing ki hame itna don't get stuck in binaries, India or Europe or apna ye wo etc. Kyunki wo to abhi bhi karte hain. I'm talking about mid 19th century perhaps. Aur kyunki apna हमारे जो प्राचीन ज्ञान है और जो हमारे पास इतना rich traditions हैं उसके बारे में बात किया जाए तो आपको मालूम है कि जर्मन ट्रेडिशंस में हर्डर, हुमबोल्ट, श्लेगल ब्रदर्स, इन्होंने बहुत सारी चीजों का अनुवाद किया. यहाँ तक कि मेन फिलोसोफर्स, हुमबोल्ट रोट ए क्रिटिकल एसे, अ लॉन्ग वेरी अप्रिशिएटिव क्रिटिकल इन अ पॉजिटिव सेंस ऑफ द गीता, और हेगल ने उसके ऊपर कॉमेंट किया. एंड पार्ट ऑफ दैट सेक्शन दैट कम्स इन द लेक्चर्स ऑन वर्ल्ड फिलोसफी रियली इज अ रिस्पॉन्स टू दैट. ही डिसएग्रीड विद इट, पर उनका भी ये था कि जब कालिदास की पुस्तक का अनुवाद हुआ और उस पे चर्चा हुई जर्मनी में, इस टाइम पर बहुत चर्चा हुई, एंड ही थॉट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एग्जेम्पलरी पीस. हम भी करते रहे और इनको हमें, आई थिंक डिस्पाइट द इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉलोनियलिज्म दैट हैज बीन देयर, दिस इज स्टिल समथिंग दैट वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड अदर, बिकॉज दैट्स अ कंडीशन
in which we get renewed and come back and think about ourselves and create a self-understanding which is much more enriching. और ये अरविंदो जी की बात कई बार हुई तो आप इस तरह समझिए कि इट्स अ मोड ऑफ ओशियनिक सर्कल्स. आप सेल्फ से शुरू होते हैं, अदर को जाते हैं, वापस आते हैं और ये दायरे धीरे धीरे करके बढ़ते ही रहते हैं. और मैं सोचूं काफी वक्त ले लिया तो एक छोटी सी चीज और आई थिंक थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए. सेल्फ मेरा मतलब कि मेरा अपना. और मेरे को ये ज्ञात हुआ इतने दिन, दो दिन में सुनते सुनते, दैट आई एम प्रोबेबली कंजर्वेटिव. रूढ़िवादी नहीं, आई एम नॉट अपोज टू चेंज. मैं तो अभी कह रही हूँ कि पास्ट हैज टू बी कंटिन्यूअसली रिन्यूड एंड रिप्रेजेंटेड, बट आई एम कंजर्वेटिव इन अ डिफरेंट सेंस. आई थिंक वॉट वी हैव अचीव्ड इन द अकेडमीज, इन द यूनिवर्सिटी, इन द नॉलेज सिस्टम्स हैज बीन a product of a great deal of labor. Something has been accomplished. And in the disciplines, despite the gatekeeping, despite the limitations, there is a certain core of conceptual understanding, historical conceptual understanding, which we have gained. We have also established certain protocols of communication. किस तरह से उस कोई नॉलेज जो आपके पास है उसको किस तरह से दूसरे के समक्ष रखा जाए ताकि इट कैन कंट्रीब्यूट टू दैट नॉलेज और उस पे संवाद हो सके, उसकी भी प्रतिक्रिया है. देयर आर प्रोटोकॉल्स एंड दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और धीरे धीरे हम उनको बदल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट. तो मेरा कंजर्वेटिवनेस में थोड़ा चेंज अलाउड है मगर आई स्टिल थिंक देयर इज सम वैल्यू ऑफ इट एंड दैट इज व्हाई I think contrary to the dominant view of the last three days, I am of the view that there is a special place for academic scholarship in an institute like an Indian Institute of Advanced Study. क्योंकि अगर आपको global power बनना है और global knowledge contribute करना है, तो जो protocols यहाँ से मिले हैं, उनका चयन करके उनका प्रयोग करना होगा और उनका इस्तेमाल भी करना होगा. और उसको करने के लिए, उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए, यू नीड मल्टीपल लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट विद वैरायटी ऑफ डिफरेंट पीपल लोकेटेड इन डिफरेंट पोजीशंस एंड एंगेज्ड विद लाइफ इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. मगर इसका एक कोर जगह होना चाहिए एकेडमिक स्कॉलरशिप और उसके अंतर्गत आई थिंक राइटिंग का. वी एज टीचर्स आर टू प्रोन टू स्पीकिंग और स्पीकिंग जो है अभी तक तो मतलब यू नो डिसिप्लिन, कुछ उसमें स्किल है, कुछ राइटिंग के लिए सोच करना पड़ता है. इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट ओवर एंड ओवर अगेन. इसको भी बढ़ावा देना है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर पब्लिशिंग थिंग्स एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई वुड अर्ज कुछ ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स की तरफ भी वी नीड टू डू बिकॉज आई थिंक दोज आर द थिंग्स दैट गेट साइटेड. Those are the things that need to be. I don't want to say that we should only be writing. जो आजकल प्रतिक्रिया है क्योंकि इतना बात हुआ technology का असर हमारे ऊपर क्या पड़ा. अभी तो you get instructions कि what cannot be read in 3 to 5 minutes should not be there. तो आपको अगर लेख लिखना है तो आपको कहा जाएगा 500 शब्द 700 क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि आपके रीडर कितना इतने मिनट में पढ़ सकते हैं. तो उसके आगे वो कोई नहीं पढ़ने का तो वो कहते हैं नहीं करें. पर आई थिंक देर इज समथिंग टू बी सेड for this. जब आप ज्ञान की बात कर रहे हैं आई थिंक देयर इज समथिंग टू बी सेड अबाउट मेकिंग टेकिंग अ टाइम टू मेक एन आर्ग्यूमेंट. लेट इट बी पीयर रिव्यूड एंड लेट इट बी साइटेड. आई थिंक वी नीड टू गो फॉर इंटरवीनिंग इन दैट ग्लोबल डिबेट बिकॉज दैट्स द वे इन विच वी विल मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट टू रीडर्स हु आर अननोन टू अस एंड सो ऑन एंड सो फॉर. सो थैंक यू वेरी मच. मैं इन शब्दों से बस बहुत समय ले लिया. थैंक यू वेरी मच. I'm very grateful for being here because I have learned, I have really met many of these people, met on the, in this virtual space. Sunna bhi meeting hai ek tarah ki.
प्रत्यक्ष रूप से नहीं मगर फिर भी एंड आई हैव रियली लर्न एंड थॉट अ ग्रेट डील अबाउट व्हाट दे हैव सेड सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु हैव कम बिफोर एंड टू द इनविटेशन यू एक्सटेंड थैंक यू सो मच गुरप्रीत जस्ट बिफोर आई हैंड इट बैक टू प्रोफेसर हाडा आई वांटेड टू से दैट योर रिमार्क्स वर वेरी एप्रोपो सम ऑफ द डिबेट्स यू हैव बीन गोइंग थ्रू एंड कांट हियर यू डायरेक्टर ओह माय Can you hear me now? Is it better or there's some difficulty with the voice? अभी भी नहीं आ रही आवाज आवाज आ रही है अच्छी और दिखाई भी पड़ रही है हाँ कुछ पता नहीं क्या सुबह से इंटरनेट में यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी बट आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक प्रोफेसर गुरप्रीत महाजन फॉर दैट वेरी शुड आई से इनसाइटफुल यू नो रिफ्लेक्शन एंड यू नो द इम्पोर्टेंट थिंग शी सेड वाज क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑलवेज negative, you know, there's so much good that can come from it. And we must open ourselves to this inquiry where we begin with a sense of incompleteness, though we say Purnamada, Purnamada, fine, but I'm saying the entire process of learning, even if you agree that everything is already full in the transcendental For some reason, sense. Professor Pranjpi, I'm not able to hear you. Sorry. Can you? Am I can the you, only one? I'm not able I to think, hear you. I think, yeah, you're the only one. I think you're the only one. You'll have to, you know, increase the volume of your speaker. Can you increase the volume of your speaker, please? Can you hear now? Yeah, I can now, yeah. Oh, perfect. I was just going to say that, I mean, I've thanked you three times profusely already, but what I was simply saying is that you underscored the importance of criticism, which need not be seen always as negative. It can be very positive. It can make us reflect on our own incompleteness, which is important for any progress or any evolution of thought. So even if we, in a transcendental sense, accept that this is all Purnamada, Purnamidam, even so, in our daily engagement, we must allow for, we must allow a scope for criticism, dialogue, and moving forward. I think this is something very important that you said. And this includes protocols of discussion, protocols of debate, and also protocols of publishing. I just wanted to say that we have four journals. One was moribund when I joined the Hindi journal Chetna. So we revived it after a gap of almost 20 years. There's an English journal, Studies in Social Sciences and Humanities. Again, it's over 20 years old and it is peer reviewed. I think if Professor Deshpande is here, he's edited the last issue that's come out, and another issue is in the press edited by Professor M.P. Singh. And I must say that when the IIS was founded in 65, we started with a publication series called The Transactions of the Indian Institute of Advanced Study, and it's a fantastic series. In fact, one can republish it. I'm thinking of initiating that process because it's got some pieces, it's got some essays which we've completely forgotten about and not engaged with. So, and then there was a gap. Then there was a gap of about a few years, maybe even 10 years. And then this new journal was started. So we want to do this. All your other remarks are really very well appreciated. And you spoke beautifully in Hindi as well, which was important because we're constantly trying to expand the sphere of our dialogue here and not make this an elite institution where only certain kinds of people come. In fact, बहुत सारी चर्चाएं भाषा पे हुई माध्यम पे हुई और मुझे अच्छा लग रहा है कि माध्यम की वजह से हमें कोई बाधा महसूस नहीं हुई 3 साल में लोगों ने जिस भाषा में बोलना पसंद किया उस भाषा में उन्होंने बोला और हिंदी और अंग्रेजी तो बहुत प्रचलित थी और इसके लिए मैं हाड़ा साहब बलराम जी और हमारे सारे अध्येता गण जो है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमने कई शोध कार्य भी हिंदी में किए और जैसे मैंने कल कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो पहली हिंदी किताब थी वो हमारे अध्येताएं ने छापी
and it was about the new sociality of the Hindi sphere. And it was a very interestingly written book in a new idiom, not in a very klish jo Hindi mein hum likhte hain, ek kisam ki ek औपचारिक और व्यवहारिक हिंदी में फर्क है, और जो बुद्धिजीवियों की हिंदी है वो तो कभी कभी बहुत ही क्लिष्ट होती है. तो ये एक नए हिंदी का आविष्कार मैं सोचता हूँ, जो बुद्धि या विचार के संचार की एक हिंदी, इसका आविष्कार हो रहा है. अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे समक्ष एक नई भाषा उभर के आ रही है, जो मैं मानता हूँ, मेरी आशा है कि ये बहुत व्यापक होगी. मैं चाहता भी हूँ वो कि एक हर जगह ऐसी हिंदी से हम अपने आप को वाकिफ करें जिससे हम अपने विचार का माध्यम इसको बना पाए. तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोबारा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा. हमने जानबूझ के आपको इनवाइट किया क्योंकि कोई आउटसाइडर हो वही हमारी सही समीक्षा कर पाएगा, वही हमारा क्या कहेंगे मूल्यांकन कर पाएगा. जो हमारे अंदर के हैं उनसे प्रशंसा या आलोचना सुनना एक अलग बात है, लेकिन मतलब आप जैसे विदुषी से हमने बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा. आपका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा. और अब मैं माधव हाड़ा साहब से कहूँगा कि इसको आगे ले चलें. हमारे आखिरी वक्ता प्रतीक्षा कर रहे हैं और काफी समय से उनको सुनने की हम आतुर हैं. जी धन्यवाद. धन्यवाद मैम, आपने बहुत आलोचनात्मक रवैया रखते हुए अपनी बातें कही जो कही भी जानी चाहिए. मुझे लगता है कि हम ऐसे समाज में जहाँ आलोचना के लिए और सकारात्मक आलोचना के लिए स्वीकृति का अभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि हम अपना संस्कार परिष्कार भी सकारात्मक आलोचना से ही कर सकते हैं. मैं हृदय से संस्थान की ओर से आपका कृतज्ञ हूँ. धन्यवाद. मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के अंतिम वक्ता और संस्कृत के बड़े मनीषी, हिंदी के बड़े मनीषी प्रोफेसर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी को. उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, वे संस्थान से जुड़े रहे हैं, संस्थान के पूर्व अध्येता भी हैं. और मेरा एक निवेदन और है, जिन्होंने अपने वीडियो ऑफ कर रखे हैं वे सभी चालू कर दें तो अच्छा रहेगा. संवाद में थोड़ी ये अंतिम सत्र है तो राधा वल्लभ जी त्रिपाठी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें. सर आप सुन पा रहे हैं आवाज? त्रिपाठी सर सर, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही. बोल रहे हैं वो धीरे धीरे आवाज आ रही धीरे है. धीरे आवाज आ रही है. अब आवाज आ रही है क्या? जी जी आवाज शुरू हुई. हाँ तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, और ये पिछले एक डेढ़ साल से मैं शिमला के इस उच्च अध्ययन संस्थान के ऑनलाइन कार्यक्रमों का हिस्सा जब जब बना हूँ, तो मेरा ईश्वर में विश्वास बढ़ता जा रहा है कि ईश्वर की कृपा से ही कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकती है. मुझे लगता है कि बलराम जी पर, माधव हाड़ा जी पर ईश्वर बहुत कृपालु हैं, और मेरे ऊपर उनकी कृपा ऐसी नहीं हो पा रही है. मेरी बड़ी दयनीय दशा वो एक बार यहाँ पर हुई. अब मुझे कल रितिका जी ने फोन करके कहा कि आप अच्छा होगा कि वीडियो ऑफ ही रखिएगा, तो मैं वीडियो ऑफ रखूंगा, और मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं समझूंगा कि कुछ कृपा मेरे ऊपर भी ईश्वर की है. जी आ रही है आवाज गुरुजी. हाँ तो मैं इसी तरह से बोलूंगा. वैसे भी मुझ में ऐसा कोई दर्शनीय नहीं अब रह गया है, और आवाज आप सुन पाए वो ज्यादा मेरे लिए अहमियत रखता है. वाक हमारे दर्शन में बहुत ही, हमारे जीवन दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व माना गया, और वही हमको जोड़ती है, सारे विश्व को रचती है, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया. उसके माध्यम से ही जुड़े रहे वही बहुत है. मैं इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ,
और थोड़ी बहुत ऐसी कठिन हिंदी हो जाए तो माफ करिएगा, क्योंकि वो भी मेरे सोच की भाषा है। आप किसी पर बंदिश नहीं लगा सकते कि आपने गौरवान्वित क्यों कह दिया। प्रिविलेज हिंदी में समझ लीजिए, गौरवान्वित अंग्रेजी में बोल रहा हूँ ऐसा समझ लीजिए। उच्च अध्ययन संस्थान से किसी भी रूप में जुड़े रहना व्यक्तिगत रूप से मैं अपने लिए बहुत उपलब्धि मानता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मकरंद जी का, राजवीर साहब का, माधवाड़ा जी का, कि उन्होंने मुझे इस अनुष्ठान से जोड़े रखा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इन 3 दिनों में, जितना जो कुछ मैं सुन सका देख सका। बीच बीच में मुझे छोड़ करके जाना पड़ा, बीच बीच में कनेक्शन भी टूटा, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन मानसिक कवायद हुई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपने की। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ हैं, निवर्तमान और वर्तमान फेलोज के बीच, भूतपूर्व और अभूतपूर्व फेलोज के बीच कह लीजिए, या एक्स फेलोज और वर्किंग फेलोज के बीच में, उनमें कदाचित सबसे बूढ़ा मैं ही हूँ। और मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन शिमला के इस इंस्टीट्यूट में बीते, कि बहुत सुखद सुहावनी स्मृतियाँ मेरे साथ रहेंगी, और वही मेरे साथ अब ज़्यादातर है भी इस उम्र में आकर के। मुझे इस बात का भी बहुत फख्र रहा कि मैं कई कार्यक्रमों में यहाँ शिरकत करने के लिए बुलाया जाता रहा पिछले 20-25 सालों में। 1980 से 90 के बीच में मुझे कभी एसोसिएशनशिप भी मिली थी, मैं ज़्यादा उसका उपयोग नहीं कर पाया, एकाध मैंने एक बार आया था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ संगोष्ठियों में यहाँ बुलाया जाता रहा, और वो बहुत ही अभूतपूर्ण संगोष्ठियाँ थी। मृणाल मिरी साहब के समय यहाँ रस सिद्धांत पर संगोष्ठी हुई थी, उसमें क्या तो डिस्कशन हुए थे, और किसी ने कह दिया कि इसमें पारंपरिक पंडित हैं, अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे लग गई बात। मैंने वेलेडिक्टरी मैंने कहा कि अब मैं संस्कृत में बोलता हूँ। मृणाल मिरी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, इतनी बढ़िया मैंने संस्कृत भाषा में जो स्पीच सुनी और मेरे मन में कुछ उतरी, तो वो उसकी यादें मेरे मन में बसी हुई हैं। बताना चाहता हूँ कि उस महत्वपूर्ण संगोष्ठी की कार्रवाई प्रोफेसर एस सी पांडे साहब ने संपादित करके और इंस्टीट्यूट की ओर से वो प्रकाशित की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक वह है। और उस बीच जो कुछ बहुत ही अद्भुत अनुभव मुझे यहाँ के कार्यक्रमों के रहे, अभिनव पर एक कार्यशाला मैंने 2011 में स्वयं प्रस्तावित की थी, चेतन सिंह जी ने उसको स्वीकार किया कृपा पूर्वक, और मैं दिल्ली में कुलपति था, मैं एक हफ्ते यहाँ आकर के रहा। उस कार्यशाला में बेटीना जी ने तंत्रालोक का पहला अध्याय पढ़ाया, कमलेश दत्त जी ने अभिनव भारती के रसाध्याय को मूल में पाठ करते हुए उसको समझाया, और भी अभिनव गुप्त पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। महाभारत पर 2 कार्यशालाएं यहाँ हुई, दोनों में शामिल रहा, उसमें से एक की कार्यवाही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में संस्थान की ओर से प्रकाशित हुई, महाभारता नाउ, जिसको कि अरिंदम चक्रवर्ती और शिवजी भट्टाचार्य ने संपादित किया। महाभारत पर अगर कोई भी काम करना है तो एसेंशियल पुस्तक है, एक अनिवार्य पुस्तक है, और वो रेफर होती रही है दुनिया भर में। महाभारत पर जो भी काम हो रहा है, मेरे ख्याल में महाभारत नाउ वो पुस्तक रेफर होती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे इस बात का भी गर्व है। राफेल तोराला ने यहाँ वर्कशॉप की थी उत्पल देव पर, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन था इस संस्थान का, और उसे मुझे बुलाया गया था, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि लेख भेज दीजिए, तो उत्पल देवा ए फिलोसोफर ऑफ ह्यूमैनिटीज जो वॉल्यूम छपा है, वो एक विश्व स्तरीय कार्य किस तरह से भारतीय मनीषी पर, भारतीय चिंतक पर, जो कि अभिनव गुप्त के परम गुरु रहे हैं, इसका एक नमूना है। राफेल तोरला बहुत ही आदरणीय विद्वान है हमारे बीच, जो शैव दर्शन को समझने वाले इन्हें गिने लोगों में से एक है। तो इस तरह की यादें मेरे साथ हैं। जब मैं फेलो था तब बेटुना बाउमर यहाँ आई, 2-1 बार आई, उनकी किताब परातिमसिका पर जो उनकी अंग्रेजी में टीका है वह छपी, और वह शैव दर्शन पर इस सदी के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में से एक है, वह भी इंस्टीट्यूट ने उस समय छापी, अच्छे प्रकाशन हुए उस काल में और सर्कुलेट हुए, ऐसी बात नहीं है। डी के प्रिंटवर्ल्ड मेरी किताब छपी, वो मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, नाम उसका लंबा है, उसमें जो मैंने लिखा है वो तो मुझे याद रहता है, तो वादा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, स्टडीज इन डिबेट डायलॉग्स एंड डिस्कशंस इन इंडियन
इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस, ये किताब इस प्रकार से वितरित हुई है सारे देश में, बलराम जी इसके गवाह हैं कि उन्होंने कितने ही अपने विद्यार्थियों को बताया कि ये किताब पढ़ो। फिल्म डायरेक्टर एक मेरे अच्छे जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो मिले तो उन्होंने बताया कि मैं इसको सिरहाने रख करके सोता हूँ प्रतिदिन। और एक मंत्री ने अपने ट्विटर पर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इसके बारे में लिखा। तो दुनिया में सर्कुलेट हुई है किताब, और डीके प्रिंट वर्ल्ड बड़ा प्रकाशक है, उसने उस समय भी इंस्टीट्यूट की किताबें साझे में छापी हैं और बहुत अच्छे प्रकाशन उस समय भी होते रहे। मैं ठीक वही बात कहना चाहता था आरंभ में ही, उसी बात से आरंभ करना चाहता था जो गुरमीत जी ने कही। उन्होंने मेरे मुंह की बात एक तरह से छीन ली है कि हम कई बार आसन्न अतीत से बचकर के भाग निकलते हैं, या उसके प्रति हम थोड़ी सी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि उसमें क्या हुआ, अब हम जो कर रहे हैं वो देखिए आप। तो ये एकेडमिक वर्ल्ड में तो स्प्रहा होनी चाहिए। स्प्रहा का मुझे अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिल रहा, मैंने डिक्शनरी भी देखी, उर्दू में रश्क करना कहते हैं, वो भी बहुत एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, क्योंकि स्प्रहा में एक तरह का जो सात्विक तेजस्विता का भाव है वो रश्क करने में नहीं होता। वैसे मैं बलराम जी के लिए स्प्रहा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे सपने जो देखता था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वो उन्होंने देखी है। तो एकेडमिक जगत में तो स्प्रहा होनी चाहिए, डिजायर किसी डिक्शनरी में उसका अर्थ। आप देखिए कि भाषाएं कहाँ फेल होती हैं, और एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने पर क्या मुश्किलें होती है, वहाँ के लोग स्प्रहा कर ही नहीं सकते ना, उनके लिए स्प्रणीयता का कॉन्सेप्ट ही नहीं। हमारे दो नाटकों में, हमारे साहित्य में कितनी बार ये आता है कि स्प्रणीय है ये व्यक्ति मेरे लिए, मैं स्प्रहा करता हूँ। शिष्य गुरु के लिए, गुरु शिष्य के लिए कहता है कि मुझे कितनी स्प्रहा है इससे, एक तरह का इंस्पिरेशन है कि मैं उसकी उस काश में उसकी तरह होता, उसके मन में एक रश्क पैदा होता है। तो ये एकेडमिक जगत में स्प्रहा तो होनी ही चाहिए, स्पर्धा भी कभी कभी अच्छी बात होती है, उसके लिए तो अंग्रेजी में शायद शब्द है कि कंपटीशन आप कह सकते हैं। तो आपको कोई शब्द मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे भी थोड़ा ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा कि स्प्रहा को क्या कहते हैं। बहरहाल तो मुझे इस बात से बहुत सुकून मिला कि संस्थान ने ऐसे विकट और विषम समय में अपनी अकादमिक गरिमा को न केवल संभाल कर रखा बल्कि उसे और भी चमकाया। और यह बात भी सही है कि जैसी इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी, मुझे लग रहा था कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैं इसमें क्या कह पाऊँगा, इसलिए मैं थोड़ा बच करके भी निकलना चाह रहा था। और आपने अंत में वेलेडिक्टरी में शामिल करके, अगर मैं कहूँ थोड़ी सी खराब लगने वाली भाषा में, कि भागते भूत की लंगोटी आपने पकड़ ली है, तो ये मुहावरा हुआ करता था 60 साल पहले जब हम लोग 5वीं 6वीं कक्षा में थे, तो मास्टर जी हमको मुहावरे जो बताते थे उसमें भागते भूत की लंगोटी पकड़ना ये मुहावरा हुआ करता था। अब वो मुहावरे लुप्त हो गए हमारी भाषा से, बहुत सारे उस तरह के मुहावरे हमारी भाषा से लुप्त हो गए। और एक समस्या मेरे सामने ये भी है कि जो लुप्त हो गए हैं मुहावरे, उनका पुनर्वास तो नहीं हो सकता, वो रिहेबिलिटेट नहीं हो सकते हमारी भाषा में, लेकिन क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ये मुहावरे कैसे बने थे, किन कौन लोग थे जिन्होंने इन मुहावरों को बनाया था और क्यों वो इनका प्रयोग कर रहे थे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भागते भूत की लंगोटियाँ पकड़ें, लेकिन कौन लोग थे जो कह रहे थे भागते भूत की लंगोटी पकड़ने की बात। तो नदी का पानी बह जाता है, वो वापस लौटा कर नहीं लाया जा सकता है। जो बीत गया है, चाहे वो हमारा आसन्न अतीत हो, इमीडिएट पास्ट हो, चाहे सुदूर अतीत हो, चाहे डिस्टेंट पास्ट हो, वो वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन उस पर विमर्श करते हुए क्या हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, और हमारी पुरखे जो कर गए उनकी समझ का हिस्सा अपने आप को क्या बना सकते हैं, ये समस्या और चुनौती हमारे सामने है। और एक चुनौती हमारे सामने यह भी है कि जब भी सुदूर अतीत की बात की जाती है, एक पुनरुत्थानवादी नजरिए से की जाने लगती है, वो कुछ कुछ यहाँ भी किसी किसी वक्ता के उसमें हुआ,
और हम बड़े गौरव से प्रफुल्लित होकर के बात करते हैं कि हमारे पुरखे ऐसे, उन्होंने तो क्या कहते हैं कि पुष्पक विमान बनाया, उन्होंने परिवार नियोजन वो जानते ही थे, और वो तो एटॉमिक थ्योरी भी जानते थे, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी जानते थे वगैरह। बोसोन थ्योरी आई तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि बोसोन थ्योरी तो है संस्कृत में, उन्होंने मैनुस्क्रिप्ट भी ढूंढ निकाला। और एंटी बोसोन थ्योरी आई तो मुझे लगा कि अब वो कहेंगे कि एंटी बोसोन थ्योरी भी है संस्कृत में। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि जब बोसोन थ्योरी नहीं आई थी तब आपने क्यों नहीं कहा कि संस्कृत में ये इस तरह की थ्योरी है, जब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई थी उस समय किसी ने क्यों नहीं कहा कि अथर्वेद के काल सूक्त में जो काल को पिता और पुत्र दोनों बताया गया है और खंड काल और अखंड काल की बात की गई है और वही सातों भुवनों में व्याप्त है, वही दिक्काल में टाइम और स्पेस में भी फैला हुआ है, यह सब जो अथर्ववेद के काल सूक्त में कहा गया उसमें तो एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ जाती है, ये उस समय तो किसी ने नहीं कहा। जब कोई पश्चिम में कह देता है तो हमको सूझता है और हम उसको लोकेट करते हैं अपने अतीत में और उस पर हम गर्व करते हैं कि ये चीज तो हमारे यहाँ पहले से थी, इससे कोई आगे हम नहीं बढ़ते सिवाय इस एक तरह के खोखले गर्व के कि जो आइंस्टीन ने कह दिया। हालांकि जितने मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ उन्होंने कहा मुझे बहुत शंका है कि उसमें वैदिक गणित में या कहीं उतने उस तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सत्यापित होती है, लेकिन अब जब उन्होंने कह दिया तब हम निकाल करके बताएं तो इससे तो हम आगे नहीं बढ़ते। और एक तरह का जो पुनरुत्थानवाद है जो कि 19th सेंचुरी में तो बहुत जरूरी था पश्चिम का सामना करने के लिए, साम्राज्यवादी ताकतों का सामना करने के लिए, हमारे जो हुकूमत करने वाले थे ब्रिटिश रूलर्स थे उनका उनके सामने खड़ा होने के लिए हमने बहुत सारी उस तरह की बातें कहीं। रिनेसा हुआ, वो लोग जो रिनेसा कर रहे थे हमारे बड़े बड़े चिंतक उसमें थे, उनका भी ये मंतव्य नहीं था कि ये सारा अतीत लौटा करके लाया जा सकता है और पुष्पक विमान हम चला देंगे जेम्बो जेट की जगह, जो हमारे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट चल रही है, जेट एयरवेज की चल रही है, उससे कहेंगे कि अब हमारा ये पारद है, इस पारद को उसमें डालो। एक पंडित जी ने प्रयोग किया था, ये चलता है, वो उसका नुस्खा है मान लीजिए भरद्वाज विमान सूत्र में है, और राफेल कौन राइटर बंधु कौन थे उन्होंने बनाया था वो भी उड़ा था, वो सब सही है, लेकिन क्या हम उस युग में वापस जा सकते हैं जो पुष्पक विमान एक किसी कील को मरोड़ने से और संकल्प करने से चलता था कि तू मुझे लंका से अयोध्या पहुंचा दे, वो संकल्प किया और उसने पहुंचा दिया, तो संकल्प से चलने वाले विमान क्या बन जाएंगे फिर से? वो मान लीजिए ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे जो कि संकल्प से दुनिया रच देते थे, विश्वामित्र ने तो दूसरा स्वर्ग रच दिया, तो क्या अब उस युग में हम वापस जा पाएंगे? तो एक एक बार बार ये एक तरह की जिसको नामवर जी हमारे यहाँ कहते थे कि भारत व्याकुल लोगों का एक समाज पैदा हो रहा है, तो भारत के लिए व्याकुलता उनके भारताभिमानी लोगों का एक समाज पैदा हुआ है। तो एक हमारे सामने समस्या ये भी है कि हम सुदूर अतीत पर ज्यादा बात करते हैं अपनी सुविधा के लिए, उन जी ने भी ये बात कही, और जो हमारा आसन्न अतीत है उससे हमको थोड़ी सी असुविधा होने लगती है उस पर बात करने में, क्योंकि ज्यादा बड़ी चुनौती हमारे लिए खड़ी करता है उससे उसका सामना करना, जो हमारा इमीडिएट पास्ट है उसका सामना करना, चाहे स्टूट का इमीडिएट पास्ट हो, चाहे देश का इमीडिएट पास्ट हो, मेरे गांव का इमीडिएट पास्ट हो जो 60 साल पहले का गांव मैंने देखा, उसका सामना करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि कई बार हम थोड़ी सी हड़बड़ी में ये कह जाते हैं कि जो वहाँ है वो हमारे पास है, तो वहाँ शेक्सपियर है तो हमारा कालिदास शेक्सपियर है, ये तो मुझे कालिदास का बड़ा अपमान लगता है। क्यों कहेगा कि कालिदास शेक्सपियर है या शेक्सपियर वहाँ का कालिदास है? दोनों के संस्कारों में, दोनों के विश्वबोध में जमीन आसमान का फर्क है। कालिदास कालिदास है, शेक्सपियर शेक्सपियर है, जिसने अष्टमूर्ति शिव की ऐसे कॉस्मिक लेवल पर कल्पना की है, पूरा शैव दर्शन का जो विश्व है उसको अपनी कविता की भाषा में जिसने दो ही लोग कर पाए, कालिदास और जयशंकर प्रसाद, तो दोनों बड़े कवि थे अपने समय के, तो उसकी तुलना आप शेक्सपियर से और उसको शेक्सपियर और शेक्सपियर को कालिदास, इसकी क्या जरूरत आपको पड़ गई? क्या जरूरत आपको पड़ गई कि आप कहें कि कौटिल्य तो मैकियावेली है,
कोठिली ने कहा कि कष्टम शास्त्रम इदम इंद्रिय जयः, अपने 32वें अध्याय में लास्ट चैप्टर में उनकी ये घोषणा है, कामसूत्र में वात्स्यायन की ये घोषणा है कि सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कराने के लिए मैं कामसूत्र रच रहा हूँ। कौटिल्य क्यों कहते हैं कि राजा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे और राजनीति को मनुष्य की मुक्ति का हिस्सा बनाए, इसके लिए मैं ये शास्त्र रच रहा हूँ। मैकियावेली से कुछ विचारों की समानता हो सकती है, हेराल्ड लास्की से कुछ समानता हो सकती है, लेकिन जो दोनों का एक जीवन बोध है, एक परंपराओं का बोध है, उसमें इतना फर्क है, तो हम ऐसा कहने की हड़बड़ी हमें क्यों रहती है कि हमारे यहाँ भी मैकियावेली है, जो कुछ भी कोई वो होगा, मुझे उससे ज्यादा लेना देना नहीं। वो तो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ तो पश्चिम में जो था वो भी है। ये एक चुनौती बौद्धिक वर्ष में हमको इसका सामना तो करना होगा कि यह जो एक भारत व्याकुलता के तहत संरम्भ किया जा रहा है, बलराम जी कभी बता देंगे कि संरम्भ को क्या कहते हैं, मेरे लिए सहज रूप में शब्द आते हैं और मैं इसका कोई मुझे नहीं है विकल्प का शब्द याद। अब एक उदाहरण मैं दूंगा कि किस तरह से इमीजिएट पास्ट हमको स्फूर्त कर सकता है हमारे साथ, क्योंकि उसका सातत्य है, उसकी कंटिन्यूटी है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने एक बात कही, असहयोग आंदोलन और सविनय अविज्ञा अवज्ञा आंदोलन भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में पहले भी प्रचलित रहा है। ये मुझे उनके लेखों में मिला, संदर्भ में देने की स्थिति तुरंत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसको परंपरा सम्मत मानता हूँ और उन्होंने उदाहरण दिए 17वीं शताब्दी के ग्रामीण समाज से। उन्होंने कहा कि 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दियों में ऐसा होता रहा है कि जमींदार जो सूबेदार था उससे बहुत त्रस्त हो गए गांव के लोग, तो उन्होंने असहयोग करना आरंभ कर दिया, या तो लगान नहीं देते थे या पूरा का पूरा गांव छोड़ करके वो चले जाते थे कि हमारा क्या काट लोगे, हम सब छोड़ करके जा रहे हैं, तो तुम राज करते रहो, किस पे राज करोगे जब प्रजा नहीं रहेगी। तो उन्होंने उदाहरण देकर के कहा कि ये बाहर की कोई चीज नहीं है, मैंने वहां से नहीं ली जो आप समझ रहे हैं कि मैंने फला फिलासफर से ये सिविल डिसोबीडियंस की बात ले ली, मैं तो अपने देश की धरती में जो लोग मेरे लोग करते आ रहे हैं वहां से इसको ले रहे हैं। गांधी जी चाहते तो सुदूर अतीत के बहुत बेहतरीन उदाहरण दे सकते थे, जिन पर कि आज भी आप बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो वैदिक काल में असहयोग आंदोलन था, जब राम जाने लगते हैं वनवास के लिए, 14 वर्षों का वनवास उनको हुआ, बाहर निकल करके सीता और लक्ष्मण के साथ चलने लगते हैं, तो अयोध्या की सारी प्रजा सड़कों पर आ जाती है, वो कहते हैं कि केकई ये सेंत करके रख ले सारा हमारा धन दौलत कर, हम जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके। बहुत पावरफुल भाषा वाल्मीकि में, क्या कविता उसमें फूटती है, जो लोगों की जबान जब फूटती है, वो गांधी जी चाहते तो गांधी जी को तो मालूम था, वाल्मीकि रामायण का अगर नहीं मालूम होता तो रामचरितमानस का तो उनको मालूम था, रामचरितमानस में भी प्रजा अयोध्या की बाहर निकल आती है, वो इस तरह की बात कहती है। महाभारत में जब युधिष्ठिर जुआ हारने के बाद हस्तिनापुर छोड़ करके जाने लगते हैं तो हस्तिनापुर के लोग सड़क पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस दुर्योधन के राज में हमें नहीं रहना, हम तो आपके साथ चल रहे हैं। युधिष्ठिर को समझा बुझा करके वापस भेजते हैं, राम भी समझा बुझा करके किसी तरह वापस भेजना चाहते हैं, हालांकि लोग मानते ही नहीं, बावजूद राम के समझाने बुझाने की, वो बात अलग है। गांधी जी चाहते तो ये उदाहरण दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अपने पास से उदाहरण इसलिए खोजे क्योंकि उसका उस देहाती समाज का सातत्य वो अपने संस्कारों में, अपने रगों में जिस तरह से महसूस कर सकते थे, उस तरह से उस मेडिकल टाइम का, उस डिस्टेंट पास्ट का वो सातत्य नहीं महसूस कर सकते थे। तो एक बात मैं कहना चाहता था, 5-7 मिनट में से और दीजिएगा, वैसे असल में बातें बहुत सारी कहने को थी, लेकिन जितना आप झेल सकेंगे उतना मैं बोलूंगा, और जब मुझे खत्म करना हो तो माधव जी आप अगर सुन पा रहे हो तो बता दीजिएगा। तो एक समस्या हमारे यहाँ यह है कि सूचनाओं का जाल फैलाया जा रहा है, और इस पर कुछ इस तरह की चर्चा कर भी हुई कि सूचनाओं का, मैं समझता हूँ सूचनाओं का जाल ही नहीं फैलाया जा रहा है। मकरंद जी ने कहा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉलेज नहीं होती, सही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ही नहीं फैलाई जा रही हमारे यहाँ, सूचनाओं का प्रबंधन और डेटा मैनेजमेंट किया जाता है, और वो डेटाबेस इस तरह से बनाया जाता है कि वो केवल सत्ता ही उसका प्रबंधन नहीं करती, वो कुछ कॉर्पोरेट्स
वो उस डेटा का मैनेजमेंट करते हैं। एक सूचना ऐसी भी हो सकती है जो हमारे ज्ञान का हिस्सा, हमारी चेतना का हिस्सा बन जाती है, और एक सूचना ऐसी भी हो सकती है जो कि एक झूठ का संसार खड़ा करती है। सीतांशु जी ने कहा कल कि ह्यूमन एजेंसीज के काम को राजनीतिक तंत्र ने हथियार लिया है। मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि राजनीतिक तंत्र ने ही केवल नहीं हथियार लिया है, उसी पर मामला खत्म हो जाता तो शायद गनीमत हो जाती। कुछ दूसरे और लोग हैं जो डेटा प्रोसेसिंग एजेंसी चला रहे हैं और वो दुनिया रच रहे हैं, वो एक समय रच रहे हैं। वो समय हमारा समय नहीं है, हम उसमें डाल दिए जाते हैं और हमको विश्वास दिलाया जाता है कि ये आपका समय है। युगल नो हरारी की किताबें हमारे सामने हैं, वो बहुत सारे सबूत देकर के ये प्रमाणित करते हैं कि कैसे झूठ को सच बनाया जाता है, तकनीकों के द्वारा किस तरह से झूठ को सच बनाया जाता है। तो अब ये सवाल जो कि धर्मपाल ने, मैं फिर थोड़े से इमीडिएट पास्ट में जाता हूँ, 40-41 साल पहले धर्मपाल जी गांधीवादी विचारक थे, उनको कोई उद्धृत नहीं करता। तो शशि थरूर जो कह रहे हैं अभी 2-1 साल पहले पिछले साल पहले छपी किताब में, उसको बहुत ज़्यादा वर्षों की मेहनत करके कई कई लंदन और इंग्लैंड के आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट छान करके, भारत के आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट छान करके बेचारे ने उन्होंने किताबें लिखी। और मैं फेलो था तो वहाँ जो वीकली खूब होती थी, वीकली फेलो सेमिनार खूब होते थे, प्रेजेंटेशंस खूब होते थे, और महीने में 2-1 राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ भी खूब होती थी, अच्छी होती थी। तो उसमें फूको विटगेंस्टाइन देरिदा ऐसे इनकी जैसे माला वहाँ जपी जा रही है। और एक बार कहीं चर्चा हो रही थी 18वीं-19वीं शताब्दी के भारत पर, मेरे बगल में कोई सोशल साइंटिस्ट बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि धर्मपाल का नाम कोई क्यों नहीं लेता, मेरे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं वहाँ की बातें आती थी। विटगेंस्टाइन को मैं अंग्रेजी में अनुवाद में पढ़ूँ तो शायद समझ में आ जाए, लेकिन जो फिलासफर्स वहाँ विटगेंस्टाइन के बारे में बात करते थे वो मेरे समझ में ज़्यादा नहीं आता था। और उस तरह की भी बातें यहाँ हुई हैं, उसकी भी पड़ताल होना ही चाहिए, वो तो सही बात है। तो धर्मपाल ने उनके 10 खंड अंग्रेजी में भी छपे हैं, हिंदी में भी छपे हैं, उन्होंने एक सवाल भी उठाया अपने स्वधर्म चित्त और देश काल वाली किताब में कि हम किसके समय में रह रहे हैं। उनका कहना यह था कि हम किसी दूसरे के दिए हुए समय में रह रहे हैं, इस समय में हम रह रहे हैं वो हमारा समय है ही नहीं, हमारा समय तो हमसे छीन लिया गया है। और बहुत सारे सबूत उन्होंने दिए, मेरे पास भी सबूत हैं, मुझे याद नहीं रहता है कि गुरु पूर्णिमा आज है, और मेरी पत्नी कैलेंडर लेकर के आती हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ाती रही हैं, सुशिक्षित महिला हैं, लेकिन उनको ऋषि पंचमी का भी व्रत करना, उनको करवा चौथ का भी करना, उनको और भी जो व्रत आते हैं वो सब भी करना, तो एक खास तरह का कैलेंडर है जिसमें कि कब चौघड़िया में कब क्या आएगा, और कल 11 बजे से ये पूर्णिमा शुरू हुई थी, आज दोपहर में जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो तो खत्म हो गई, तो ये सब जिससे पता चले। तो उस समय में वापसी, उस समय में पुनर्वास अपने समय का करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग महसूस करते हैं कि उस समय से हम जुदा हो चुके हैं, उस समय में हम नहीं लौट सकते, हमारे पुरखे शायद उस समय में रहते थे, हमारे पितामह हमारे ग्रैंडफादर उस समय में जी रहे थे, वो हमेशा ही कहा करते थे कल एकादशी है तो ये कर लेना इत्यादि। तो अपने समय से विस्थापित किए जाने पश्चात उसके उसमें पुनर्वास करने की क्या चेष्टा हो सकती है, जो कि समय लौट नहीं सकता है, मेरे ख्याल में तो नहीं की जा सकती। एक और उदाहरण दूंगा और वो भी इसी इमीडिएट पास्ट का है, मेरे लिए बहुत महत्व का है। बलराम जी ने कहा कि मैंने पंडितों पर कार्य किया है, और ऐसे अनोखे अद्भुत व्यक्तित्व हुए 19वीं शताब्दी में जिनके बारे में कल्पना अब करना लगभग असंभव लगता है कि ऐसे लोग हो सकते थे। उनमें से एक दामोदर सातवलेकर थे, उन्होंने 1908 में मराठी में एक लेख छपवाया विश्ववृत्त पत्रिका में, उस पत्रिका के पुराने अंक मैंने भंडारकर इंस्टीट्यूट में देखे, बहुत अच्छी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, उसमें वैदिक प्रार्थना ची तेजस्विता उनका एक लेख छपा। उस लेख के छपते ही पता नहीं क्या तहलका सा मचा कि उसके संपादक पर मुकदमा चला, उसके प्रकाशक पर मुकदमा चला, पत्रिका के संपादक पर, उस सातवलेकर पर मुकदमा चला, संपादक को 3 साल की जेल हुई, प्रकाशक को 3 साल की जेल हुई, सातवलेकर को 1.5 साल की जेल हुई। उसके बाद सातवलेकर ने प्रण कर लिया कि वेद पर एक लेख छापने से, वो पुस्तकार भी छपा, पुस्तक भी जब्त कर ली गई, उसकी सब मैंने मेरे पास हिस्ट्री है कि
उन्होंने 1500 कॉपी छापी थी, 250 बांट पाए, तुरंत अंग्रेज सरकार ने उसको जब्त कर ली और मराठी में पुस्तकाकार भी वो लेख छपा तो उसको भी इसी तरह से प्रतिबंधित किया गया। तो अब सुदूर अतीत का एक उदाहरण इसका कि राजनीति से किसी तरह का कोई संबंध ही नहीं है, उसमें उन्होंने कुल इतना कहा था कि अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है वो हमारा एक राष्ट्रगीत है, उसमें धरती माता की जो वंदना है, ये धरती मेरी माता है मैं इसका बेटा हूँ, बहुत अद्भुत कविता उसमें धरती को लेकर के, इतनी खूबसूरत कविता कदाचित दुनिया के साहित्य में दूसरी नहीं मिलेगी, 64 मंत्र उसमें है। हमारे एक बहुत ही सम्माननीय वक्ता कल यजुर्वेद कह रहे थे कि यजुर्वेद में पृथ्वी सूक्त है, होता है ऐसा करना होता है कि हमको दे मारना है कुछ उद्धरण फलां से, फलां वेद का फलां उद्धरण देना होता है हमको, तो ऐसा होता रहता है। और पहले तो मुझे बड़ी वेदना होती थी, अब मैं सब देखता रहता हूँ कि हो रहा है उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन सातवलेकर ने उतना सा किया, उससे अंग्रेज सरकार चौंकि, उसका बड़ा तहलका मचा, उन्होंने बाकी जिंदगी खैर वेद पर काम करने में लगा दी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। अब सातवलेकर को रेफर करते हुए धर्मपाल कहते हैं कि उन्होंने जो सुदूर अतीत पर आज के पैराडाइम का आरोप किया वो ठीक उन्होंने नहीं किया। उनके 10-20 साल बाद, 25 साल बाद धर्मपाल कुछ लिख रहे हैं, मैं धर्मपाल से बहुत सहमत नहीं हो पाया। सातवलेकर ने उस किताब में ये कहा था कि वेदों में जो सभा और समिति की चर्चा है और जो पूरा पंचायती सिस्टम था, आप लोग जिसको डेमोक्रेटिक सिस्टम कह रहे हो और आपकी पार्लियामेंट है, वो उस तरह की संस्थाएं तो हमारे यहाँ पहले थी, ये उन्होंने कहा। धर्मपाल का कहना यह था कि पश्चिम की डेमोक्रेसी की अवधारणा को हमारे उसमें लोकेट करने की उनको जरूरत क्या है, वो जिस रूप में थी उसी रूप में उनको समझाना चाहिए थी, वो सातवलेकर ने ठीक नहीं किया। मेरा कहना यह था कि उस वक्त सातवलेकर की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत जरूरी था कि वो साहब लोगों को साहब लोगों की भाषा में समझा सके कि भारत आपके सामने सिर उठा करके इस तरह से खड़ा हो सकता है, और जनता सातवलेकर को देख रही थी। सातवलेकर बहुत बड़े आइकॉन बन चुके थे, उसकी तो पूरा किस्सा मेरे पास है कि किस तरह से हजूम नौजवानों का उमड़ पड़ता था जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, वो लड़ रहे थे पुलिस से, और वो बड़े नेता अपने समय के भी हुआ करते थे। ऐसे कई लोगों को हम भूल गए। सातवलेकर 102 साल तक जिंदा रहे, 400 किताबें एक छोटे से गांव में रहकर के उन्होंने लिखी, खुद छापी छोटे से प्रेस में, आप कल्पना नहीं कर सकते उस तरह के और भी पंडित उस जमाने में हुए, कैसे वो लोग कैसे ये काम कर गए। तो उनका जो जज्बा था, मेरा कहना यह था कि उनकी उस जज्बे से क्या हम सीख सकते हैं कुछ, इन परिस्थितियों में किस तरह से वो लोग क्या काम कर रहे थे, और जो वो रणनीति तैयार बना रहे थे ब्रिटिश हुकूमत का सामना करने की, उसको आज हम क्या अपना सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं अपना सकते, उस तरह के पुनरुत्थानवाद की बात हम नहीं कर सकते। अब हमको ये कहने की बहुत जरूरत भी नहीं रह गई कि ये पार्लियामेंट जिसके बारे में गांधी जी ने अपने स्वराज में हिंदू स्वराज में लिख दिया कि वो तो वेश्या की तरह है, क्यों हम उसको आरोपित करेंगे? हमारी जो पंचायती सिस्टम था और हमारी जो सभा और समितियां थी, एक समय ये स्ट्रेटेजी शायद हो भी सकती थी। तो ये इस तरह की कुछ बातें मैं कहना चाहता था, और बहुभाषिकता की बात यहाँ बहुत हुई और बहुत अच्छी बातें मकरंद जी ने कही, और शशि प्रभा जी ने बहुत सुंदर कहा, मैं भी उस मंत्र को बार बार उद्धृत करता हूँ ये बताने के लिए कि भारत सनातन काल से मल्टीलिंगुअल कंट्री रहा है, तो मल्टीलिंगुअल कंट्री ही ये रहेगा, यही इसकी अस्मिता, यही इसकी पहचान, यही नियति है। वो तो पूरा जो एक औपनिवेशिक तंत्र ने हमारे ऊपर भाषा की एक इमेज खड़ी की, हमारी भाषा की, कि संस्कृत एक भाषा थी, उससे उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं या भारत की भाषाएं निकली, ये झूठ उन्होंने हमारे ऊपर थोपा। अब मैं संस्कृत के समाज में अगर ये कहूँगा तो उससे लड़ने को वो आमादा हो जाएंगे, लेकिन ये तो सच है, संस्कृत से हिंदी मराठी गुजराती वगैरह सब नहीं निकली। किशोरीदास वाजपेयी भी पारंपरिक पंडित थे, राहुल सांकृत्यायन भी संस्कृत के बड़े पंडित थे, और भी कई लोग हैं जिन्होंने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया। तो उन्होंने, उनका कहना ये पूर्ण, ये उसने कहा था कि जो लेखक हैं वो तो बहुत बड़े संस्कृत के पंडित थे। हमारी एक विडंबना ये भी है कि संस्कृत के बहुत बड़े पंडित, उनको संस्कृत के लोग इस रूप में अब नहीं जानते कि वो संस्कृत के कितने बड़े पंडित थे,
और चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जानते हैं कि उसने कहा था कहानी उन्होंने लिखी थी। तो उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे पुरानी हिंदी पर, उन्होंने लेख लिखे, तो उनका कहना यह था कि जो किशोरीदास वाजपेयी कह रहे थे कि करौती से करता है और करती है नहीं बन सकता, ये समानांतर चल रही थी बहुत सारी भाषाएं, एक प्राचीन स्वरूप रहा होगा तो संस्कृत प्राकृत प्राकृत के कई कई रूप समानांतर चले आ रहे थे। तो बहुत प्राचीन काल से अनादि काल से हम एक स्वाभाविक स्थिति थी कि हम मल्टीलिंगुअल कंट्री ही रहेंगे, क्योंकि इतने बड़े देश में केवल एक भाषा उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक केवल एक ही रहे, उससे फिर बाकी भाषाएं निकलती जाएं, ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रक्रिया कहीं घटित नहीं हो सकती किसी भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो सहज स्वाभाविक स्थिति तो यही थी। अब एक पूरा पैराडाइम हमारे ऊपर थोपा गया कि संस्कृत देववाणी जो कि जननी है सारी भाषाओं की, उससे सारी भाषाएं, ये क्यों किया गया? जो हमारे रूलर्स थे उन्होंने क्यों किया? उनके सामने बिब्लिकल यूनिवर्स उनके पास थी, बाइबिल में जो विश्वबोध था कि एक भाषा थी, फिर वो बाबेल का टावर खड़ा करने लग गए तो उसको ईश्वर को लगा कि इनको मैं कैसे तोड़ूं, तो फिर उसने 72 भाषाएं कर दी, और आरंभ में तो एक ही भाषा थी, एक ही भाषा रहेगी, उसी भाषा में सबको मिल जाना है, तो एक ही तंत्र रहेगा, एक ही बाइबिल रहेगी, एक ही धर्म ग्रंथ रहेगा, एक ही पुराण शरीफ रहेगी। ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है विश्वबोध का, ये हमारे ऊपर लादा गया, तो हम भी कुछ उस तरह की सोच हमारी हो गई, एक भाषा हमारी थी, एक वेद हमारा था, और इस तरह की कुछ बातें हम लोग करने लग गए। ये अब हम बात जब करते हैं कि भी औपनिवेशीकरण करना है, और कल ये बात भी कही गई कि जितने भी औपनिवेशीकरण की बात की जाती है उतना ही हम उसके दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। जो जो दिन की बात बढ़ाई थी क्यों रात हुई, ऐसा मुकुट बिहारी सरोज एक कवि थे, उन्होंने लिखा। तो अब कुछ बातें और रह गई, ख्याल में समय नहीं है, क्या मुझे आप 2-3-4 मिनट का समय और दे सकते हैं? अवश्य लीजिए 2-4 मिनट अवश्य लीजिए। हाँ, तो मैं वाइंड अप करूंगा, मैंने शायद थोड़ा सा अधिक समय लिया है, वैसे आधा घंटा ही करीब हो रहा होगा, और हो जाता है, थोड़ा बात हम लोग कर ही रहे हैं कि तो खंड काल से अखंड काल में हम लोग घुस जाते हैं कई बार, तो बोलते बोलते भी वैसा हो सकता है। हमारे सामने ये बौद्धिक विमर्श चाहे इंस्टीट्यूट में हो, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में हो, या अन्यत्र हो, और भी जगह पर विमर्श हो रहे हैं, कुछ चुनौतियां जो विश्लेषण जिन पर कि हम विचार कर सकते हैं, जो हमारे आसन्न अतीत में हमारे पुरखों के सामने जो चुनौतियां थी और किस तरह से उनका सामना कर रहे थे, इसको देखते हुए उन चुनौतियों का अब हम सामना कैसे कर सकते हैं। एक तो साहब लोगों की भाषा में साहब लोगों को जवाब देने की चुनौती, तो मैं अंग्रेजी में टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलता हूँ, लिखता हूँ, इसलिए कि वो फैल जाता है और उसको पढ़ा जाता है, उस पर चर्चा होती है। और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं छोटे कस्बों में रहा, लेकिन मैं जितनी जैसी अंग्रेजी बोलता हूँ, खूब लिखता हूँ, खूब बोलता हूँ, संस्कृत में भी खूब बोलता हूँ, खूब लिखता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सहज भाषा है, मेरी अभिव्यक्ति की भाषा है। हिंदी में लगभग उतनी ही सहज भाषा मेरे लिए हिंदी है, तो मुझे जरूरी है अपने लिए मल्टीलिंगुअल होना। और एक विचार ये होना चाहिए कि कोई भाषा कब मुक्ति का उपाय बन जाती है और कोई भाषा कब शोषण का जरिया बन जाती है। संस्कृत भी शोषण का जरिया बनी, हिंदी भी शोषण का जरिया बनी। माधव हाड़ा जी ही कल कह रहे थे कि एक वर्चस्ववादी हिंदी की एक परंपरा कायम हुई और उसने लोक भाषाओं का शोषण किया। हो सकता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इनमें भी इस प्रकार की वर्चस्ववादी परंपराएं पनपी हों जिन्होंने कि हमारे डायलेक्ट्स को निगला हो और रोज कोई न कोई एक हमारी आदिवासी भाषा खत्म हो जाती है। तो कब कोई भाषा शोषण का जरिया बन जाती है, कब कोई भाषा मनुष्य की मुक्ति का उपाय बन जाती है, जो हमारे पुरखे कह रहे थे कि वही शब्द हमको मुक्त करता है, मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। इयं सा मोक्षमाणा नाम अजिह्मा राज पद्धति, ये जो व्याकरण की साधना है, शब्द की साधना है, ये हमको मुक्त भी करेगी। भाषा वाक हमको हमारे चेतना के पटलों को खोलती है और मुक्त करती है, और वही हमको बांधती भी है। उसका हम किसी राजनीति के तहत उपयोग कर सकते हैं, कुछ हम संकीर्ण स्वार्थ बुद्धि से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्या कारक हो सकते हैं जिनके द्वारा
भाषा अपने आप में शोषण नहीं करती, भाषा अपने आप में मुक्ति का उपाय नहीं बनती, हम शोषण का जरिया उसे बनाते हैं कभी, और कभी हम उसे मुक्ति अपनी मुक्ति का उपाय भी बनाते हैं। एक विचार का यह विषय हो सकता है, दूसरे विचार का विषय यह होना चाहिए कि जो मैंने कहा कि साहब लोगों को साहब लोगों की भाषा में जवाब कैसे दिया जाए, और जो हमारा हमारा जो ऐसा है, जो हमारे नॉलेज सिस्टम से हैं जो आप बात कर रहे हैं, उनको बौद्धिक विमर्श के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खोला जाए, बौद्धिक विमर्श के तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा खोल करके कैसे बाकी समाज तक पहुँचाया जाए, ये दूसरी चुनौती है। इस पर भी इंस्टीट्यूट में कुछ काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। मैं ये बात यह कहना भूल गया, और जो आपने नहीं किया मुझे बहुत दुख है कि आपने क्यों नहीं किया। मैं जब आया फेलो होकर के, उसके पहले दो या तीन बार वीएन झा साहब यहाँ आ चुके थे, और किस तरह से एक मिशन के तहत नवविनय की टेक्स्ट पढ़ाते हैं, बहुत कष्ट उठा करके, केवल किराया आप दे दीजिए, वो कहीं भी चले जाते हैं। उनकी चिंता है कि नवविनय का ग्रंथ जो है गंगेश का तत्व चिंतामणि टूट जाएगा, तो इसको कोई समझने वाला मैं पैदा करूँ। तो वो मैंने भी उनकी कार्यशालाएं कराई, यहाँ तीन चार बार उनकी कार्यशालाएं इंस्टीट्यूट में हुई। एक नॉलेज टेक्स्ट आप उसका पंक्ति पाठ करते हुए, एक एक लाइन खोलते हुए, जो पाठ हमारी करने की परंपरा रही है, उस तरह की कार्यशालाएं यहाँ पहले होती रही, और मुझे तो बहुत ही अद्वितीय अनुभव हुआ। मैंने चेतन सिंह जी से कहा कि मैं नाट्यशास्त्र कार्यशाला करूंगा, मेरा तो डिसिप्लिन वो है, मैं बहस की परंपरा पर यहाँ काम कर रहा हूँ, वो बात अलग है। तो उन्होंने कहा करिए। 14 दिन की कार्यशाला हुई, उसमें 22 लोग थे, 3 लोग संस्कृत के थे, बाकी लोग उसमें फिल्म के थे, स्क्रिप्ट राइटर्स उसमें थे, रंगमंच के लोग थे। संस्कृत की उन लोगों को नहीं आती थी, मैंने कहा मैं मूल संस्कृत पढ़ाऊंगा, नाट्यशास्त्र का संक्षिप्त पाठ जो मैंने 3600 अध्यायों का तैयार किया है, पंक्ति पंक्ति लेकर के मैं उसको पढ़ाऊंगा। सब लोग बहुत आराम से समझ रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, और नाट्यशास्त्र कैसे खुलता है, टेक्स्ट कैसे खुलता है, जो टेक्स्ट को हमारे पढ़ने की पद्धति है कि हम टेक्स्ट में घुस करके और उसके स्वरूप हो जाते हैं, वो टेक्स्ट हम में और हम उस टेक्स्ट में होते हैं। ये जो ग्रंथ को पढ़ने की हमारी पद्धति है, जो हमारे पुरखों की पद्धति है, वो हमारे लिए अभी भी कारगर हो सकती है। हमने क्यों छोड़ दिया उसके बाद उस तरह की कार्यशालाएं, अब तो ऑनलाइन, मैंने तो ऑनलाइन कराई, उसमें विदेशों से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत खुश हुए कि नाट्यशास्त्र आपने हमको पढ़ाया इस तरह से। कोई एक टेक्स्ट जो संस्कृत का है, चाहे वो नव्य न्याय का है, मीमांसा का है, वाक्यपदीयम, हमसे उसके CSDS के प्रोफेसर लोग कहते थे कि वाक्यपदीयम हमको कौन पढ़ा देगा, तो उनको बहुत स्पृहा थी इस बात को लेकर के कि वाक्यपदीयम हमको पढ़ा दे। दुनिया देख रही है भारत के जो नॉलेज सिस्टम्स के जो टेक्स्ट हैं वो कैसे खोलेंगे, आधुनिक विश्व के सामने अपने अर्थ को कैसे खोलेंगे। पहले हमारे पुरखे उनको जिस तरह से खोलते थे उसको हम समझें, फिर हम अपनी भाषा में उनको समझें, फिर अपनी भाषा में उनको समझ करके बाकी दुनिया को बताने की कोशिश करें, बाकी दुनिया में अपने अपने जनों को बताने की कोशिश करें। ये चुनौती हमारे सामने है, इसका सामना करने की कोशिश, जैसा कि शशि प्रभासी ने कहा, कुछ दया कृष्ण ने की थी, उन्होंने वो संवाद नाम से श्रृंखला आरंभ की और अद्भुत काम हुआ उसमें। उसमें काशी के जो सबसे बड़े न्यायिक थे पंडित बद्रीनाथ शुक्ल, उनको मॉडर्न फिलासफर्स ने पहचाना कि इस तरह की फिलासफी तो हम लोग नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने किया यह था कि बर्ट्रेंड रसेल की थ्योरी ऑफ प्रोपोजिशन अंग्रेजी माध्यम से पहले बताई गई, फिर आचार्य रामचंद्र द्विवेदी ने उसका संस्कृत में अनुवाद करके उनको बताया और कहा कि आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब प्रहलादाचार्य थे जो माध्य दर्शन के बड़े पंडित हैं और नव्य न्याय के भी पंडित हैं, पंडित बद्रीनाथ शुक्ल थे, उन्होंने बर्ट्रेंड रसेल की थ्योरी ऑफ प्रोपोजिशन की जो धुलाई शुरू की है नव्य न्याय की भाषा में, और जो उन्होंने कहा संस्कृत में उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद करके द्विवेदी जी ने जो एमपी रह गए आदि मॉडर्न फिलासफर्स को बताया है, वो चकित रह गए कि हमने ये नहीं सोचा था कि भारतीय परंपरा, भारतीय शास्त्र बोध में किसी आधुनिक कैटेगरी को इस तरह से देखा और पुटअप किया जा सकता है। तो हम जब किसी टेक्स्ट को खोलने की कोशिश करेंगे तो उससे संभावनाएं शायद बनेंगी, तो पश्चिम को पश्चिम की भाषा में जवाब अपनी धरती पर खड़े होकर के देने की स्थिति में शायद हम होंगे। अभी हम पश्चिम को जिस तरह से जवाब देने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही खोखले ढंग से हम कोशिश करते हैं। हमने पश्चिम को साहब लोगों की भाषा में जवाब देने की कोशिश नहीं की। ये 60-70-80 साल से जद्दोजहद बनी हुई है। तो अंत में दो उदाहरण और दूंगा। एक पंडित क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय हुए, उनको भी मैंने पंडितों में
जिन पर मैंने काम किया उसमें लिया है, वो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े संस्कृत पंडितों में से एक थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र के गुरु थे, कमलेश दत्त त्रिपाठी के भी वो गुरु थे, बहुत पूजनीय व्यक्तित्व थे हमारे बीच। वो सुभाष चंद्र बोस के सहपाठी रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और ये रिसर्च करने पहुंच गए एमए करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको चिट्ठी लिखी कि क्षेत्रेश तुम वो सब रिसर्च विसर्च छोड़ करके आ जाओ, मेरी इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करो, हमको भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना है। तो क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय ने लिखा कि मैं वेदों पर काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है इस वक्त करना, और साहब लोगों को साहबों की भाषा में जवाब इसी वक्त दिया जाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने लिखा, ये पत्राचार उपलब्ध है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जवाब में लिखा कि भारत आजाद हो जाएगा तो कई कई क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय पैदा हो जाएंगे, इसमें भारत को आजादी दिलाना ज्यादा जरूरी है। क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय ने फिर से जवाब में लिखा कि साहब लोगों को साहबों की भाषा में इसी वक्त जवाब अगर नहीं दिया जाएगा तो भारत आजाद होकर के भी गुलाम बना रह जाएगा। वो आशंका उनकी थी, वो आशंका मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा सत्य हुई, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरह से जो भी सरकारें आई और जो जिस तरह से उन्होंने नीतियां चलाईं, वो सारी कॉलोनियल लीगेसी को ढोती हुई, जिस तरह से अंग्रेज राज करते थे ठीक उसी तरह से तो वो राज करते आ रहे थे। और एक बुड्ढा हमारे यहाँ कहता रह गया कि ये तो स्वराज नहीं है, स्वराज तो राज जब खत्म हो जाता है तब स्वराज आता है, नो गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस, आप तो ज्यादा से ज्यादा राज लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी खैर उस समय कोई सुनने को तैयार था ही नहीं कोई भी बात। अब पिछले 60-70 सालों में ये जो पूरी कलछट है ये तो और बढ़ती चली गई है, और साहब लोगों को साहबों की भाषा में जवाब देने की न केवल चुनौती उसी तरह से हमारे सामने बनी, हमको अपने आप को फिर से रिडिस्कवर करने की चुनौती आसन्न अतीत के संदर्भ में उसी तरह से बनी हुई है। एक उल्लेख अंत में मैं करना चाहूंगा और उनसे शायद कुछ सीखा जा सकता है, वो विद्यानिवास मिश्र हैं। उनको बहुत कम पहचाना गया, उनको हिंदी में ललित निबंधकार के रूप में जानते हैं लोग, और अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा उसमें स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ पाणिनी एक किताब है उनकी व्याकरण पर, उसको संस्कृत के लोग जानते हैं, और उन्होंने जो कुछ लिखा अंग्रेजी में उसकी चर्चा बहुत कम होती है। महाभारत पर उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। वो महाभारत की जो पूरी विजडम है उसको खोल करके बताना चाह रहे थे, उसमें उस पर चर्चा करने का वक्त नहीं। लेकिन एक किताब है उनकी जो बाद में आई, जिनकी चर्चा शशि प्रभा जी ने की, आस्कर पूजोर, वो मेरे भी बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने एक काम किया कि आर्गुलाई जो स्पेन के फिलासफर थे उनको बुलाया और विद्यानिवास जी से कहा कि आपकी और इनके बीच में हम बात कराएंगे। वो अंग्रेजी नहीं समझते, आर्गुलाई, राफेल आर्गुलाई बहुत अच्छे फिलासफर हैं, मैंने उनको सुना फिर बाद में स्पेनिश में बोले, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। सर्वेंटेज इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है वहाँ मुझे बुलाया आस्कर पूजोल ने, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्या कहना है उनका। तो वो आस्कर पूजोल का कुल जद्दोजहद उनकी यह थी कि एक पूरी भारतीय प्रज्ञा का, भारतीय मनीषा का एक प्रतिनिधि और एक पश्चिम का एक धुर मॉडर्न फिलासफर, क्या दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। और राफेल आर्गुलाई ने तो तुरंत कह दिया आरंभ में कि आपके हमारे बीच में कोई बातचीत हो ही नहीं सकती, हम लोग दो दो महायुद्धों की विभीषिका झेल चुके हैं, विखंडित समाज हमारा, हम टूटे हुए बिखरे हुए लोग, और हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध रहने वाले सदैव लोग, आपका पूरा विश्वबोध अलग है, आपके हमारे बीच में संवाद बनेगा कैसे। तो विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा कि इसी बिंदु से प्रारंभ करते हैं कि आपके हमारे बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता, अब इसके आगे फिर आप चलिए, फिर आपको जो कहना हो कहिए। फिर जो विमर्श हुआ है कई कई जगहों पर, 1-1.5 महीने कई कई जगहों पर कई लोगों के बीच में उनकी बातचीत हुई, उसको जिस तरह से रिकॉर्ड किया है, उसमें किस तरह से टकराती है दो बड़ी मेधाएं, और किस तरह से पश्चिम का सामना एक पारंपरिक पंडित करता है, वो सारी वर्ण व्यवस्था की फिर से नई व्याख्या करते हैं। विद्यानिवास ये भी कह जाते हैं कि भारतीय परंपरा में कई बार अपने आप को एक खोल में बंद करने की बहुत ही एक प्रवृत्ति रही है, जो कि वो चिंतनीय प्रवृत्ति है, हम अपने आप को बंद कर लेते हैं, हम सामना नहीं कर पाते दुनिया का, ये तो बहुत हुआ, मैं तो खुद देखता हूँ कि अलेक्जेंडर आया हम अपने खोल में बंद हो जाते हैं, कोई चुनौती आ जाती है पश्चिम की तरफ से, हम खुल करके देखा नहीं, हमने ग्रीस के बड़े बड़े फिलासफर्स हैं उनकी तरफ हमने नहीं देखा, हमारे यहाँ भी फिलासफी हो रही थी, उनके यहाँ भी उस समय हो रही थी। तो
इस पर क्या विचार नहीं किया जाना चाहिए? हम कहाँ चूके हैं? हमारे इतने महान अतीत में जिसमें कि हम बड़े जगतगुरु हुआ करते थे, क्या हम कहीं चूकते गए? इस पर भी तो विचार होना चाहिए। और विद्यानिवास ऋषि जी ने इस बात को स्वीकार किया। बहुत सारी उन्होंने बातें, अद्भुत बातें उन्होंने की, क्योंकि जब टकराहट होती है, तो राफेल आर्गुलोल ने बहुत सारी बातें स्वीकार की। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, प्रकृति पर विजय पाने की जो हमारी आकांक्षा थी, वो हमारा पूरा एजेंडा, हमारा पूरा प्रोग्रेस का जो एजेंडा है, फेल हो चुका और अब हमें आपके पास आना चाहिए। तो ये जो संवाद हुआ, वो उसने अंग्रेजी में छपा हुआ है, फ्रॉम मेडिटेरियन टू गंगेज, बहुत अच्छी किताब है, छपी हुई है। और हमारे मित्र हैं नरोत्तम प्रसाद उपाध्याय, उसको उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। बहुत पंडित जी के बहुत ही नज़दीक रहे, वर्षों उनका साथ रहा। तो ये जो एक प्रयास हुआ, प्रया कृष्ण ने जो प्रयास किया, एक पारंपरिक पंडित को बुला करके और एक पश्चिम की अवधारणा से वो कैसे टकराते हैं कई पंडित, ये प्रयास उन्होंने किया। हमारे मित्र आस्कर पूजोल ने जो प्रयास किया, तो क्या हम उनसे ग्रहण करके कुछ और आगे जा सकते हैं? क्या मैं कहना चाहता था, मैंने सचमुच में बहुत ज्यादा समय ले लिया और मैं बहुत माफी चाहता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। मैंने कुछ उटपटांग कह दिया हो, तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ और बहुत सीनियर भी हूँ आप लोगों के बीच में, और मैंने कुछ कड़वी खट्टी मीठी चरपरी जो कुछ बातें कही, उनको आप बुरा लगे तो सुन करके भूल जाइए, एक काम से सुनकर दूसरे से निकाल दीजिए। कुछ बातें मैंने काम की संयोगवश कह ही दी हों और कुछ अच्छी उसमें से निकल सके, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार लग रहा है कि ईश्वर की कृपा कुछ हो ही गई मेरे ऊपर भी। मैं सिर्फ एक दो शब्द कहना चाहूंगा। सर, आपने जो स्पृहा की बात कही, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। और सारे रस होने चाहिए अच्छे खाने में, पंच रस होने चाहिए, खट्टा मीठा तो होता ही है, कुछ कड़वा भी ठीक ही है, मुझे तो नहीं लगा कुछ भी कड़वा। लेकिन जो स्पृहा की बात हुई, एपेटेंसी एक शब्द आता है, अंग्रेजी में बहुत कम इस्तेमाल होता है, और उसकी जो व्युत्पत्ति है, उसकी ओरिजिन कहीं जाके रूट उसका एपिटाइट के साथ है, लेकिन एपिटाइट का उतना अच्छा नहीं आता है उसकी कॉनोटेशन। लेकिन एपेटेंसी या एपेटेंस एक शब्द है स्पृहा के लिए, एक तो वो कहना था। दूसरी बात, आपने जो सातव लेकर गुरुजी की बात कही, वो तो बहुत ही महाराष्ट्र में जाने मानी हस्ती हैं, हालांकि मैं महाराष्ट्र में कभी नहीं रहा हूँ, हमने उनके बारे में बचपन में सुना। और बड़े वो कलाकार थे, वो चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार थे, और सावंतवाड़ी में उनका जन्म हुआ और फिर आनंद में गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जो उनका सुना था नाम, वो सूर्य नमस्कार के संदर्भ में सुना था, क्योंकि औंध के जो राजा थे समय, तो उन्होंने ये जो सूर्य नमस्कार है उसको बहुत बढ़ाया। और उसी समय जो योग आसन का एक दौर चला था, तो एक वही मुझे एक छोटी सी चीज कहनी थी। तीसरी चीज जो आपने कही जो संवाद के बारे में, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो बहुत जरूरी है। और प्रोफेसर वी एन झा की बात, हमने उनको बुलाया था, उनका बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ, डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर हुई थी उनकी, हुआ था उनका। और न्याय पे हमने वर्कशॉप भी करना चाहा, वर्कशॉप यानी जो आप कह रहे हैं स्टडी वीक्स का, शायद इसमें जिक्र नहीं है ये रिपोर्ट में कि कौन कौन से स्टडी वीक्स हुए हैं। हालांकि स्टडी वीक का फॉर्मेट ही ये है, विंटर स्कूल और स्टडी वीक का फॉर्मेट ये है कि यहाँ आके वो करना पड़ता है, वो ऑनलाइन एक एक हफ्ता करना मुश्किल लग रहा है मुझे। एक आध जैसे तीन दिन में ही हम लोग थक गए, तो एक पूरा हफ्ता या एक महीना, या महीना नहीं 10 दिन चलाना ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल है, लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन हमने न्याय पे भी करना हमने सोचा, उन्होंने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, उन्होंने किसी और का नाम सुझाया, उनको भी हमने बताया, रितिका जी कुछ और बता सकती हैं इसके बारे में, बुलाया लेकिन वो आ नहीं पाए। उसी तरह स्टडी वीक हम अभिनव गुप्त पे करना चाह रहे थे, हमारे ही मित्र हैं राकेश, या हमारे रजनीश मिश्र जी हैं, तो वो JNU के ही हैं, तो उन्होंने स्वीकार भी किया लेकिन आए ही नहीं, IIS आए ही नहीं किसी वजह से, तो हम अभी भी करना चाह रहे हैं। तो ये जो आपने आभास जिन चीज़ों का
आपने महसूस किया हम भी महसूस करते हैं और उसकी हम पूर्ति करना चाहेंगे, मैं नहीं तो मेरे बाद जो आएंगे वो। लेकिन जो आपने पुरानी बातें, मैं भी यहाँ आता था जहाँ जब प्रोफेसर मृणाल मीरी थे, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल गोष्ठी में मुझे बुलाया गया था धर्म पे, जो थी जो अरविंद शर्मा जी ने की थी, बहुत बढ़िया थी वो। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि उस समय बहुत कम यहाँ पे हवाई जहाज आते थे, आपने चूंकि विमान की बात की, क्योंकि शिमला का जो एयरपोर्ट है बहुत छोटा है, तो यहाँ उड़ान भरना या लैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे एक एयरलाइन होती थी जक्सन एयरलाइंस के नाम से वो चलती थी, तो वो अकेले शिमला आते थे। तो मैं उस जहाज से आया और मेरी रिटर्न टिकट भी थी, लेकिन एक उस सेमिनार के सदस्य बीमार हो गए, तो हम लोग एयरपोर्ट गए, छोटा सा एयरपोर्ट है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी जगह इनको ले लीजिए। तो टिकट तो ऑफ कोर्स वो बिजनेस वाले हैं तो टिकट दूसरा लिया, लेकिन मेरी जगह उनको मिल गई। और फिर मैं सरफेस यानी गाड़ी से लौटा, वो सब मुझे याद आ रहे हैं वो दिन। लेकिन यहाँ बहुत अच्छे काम हुए, हम ये नहीं कह रहे कि पहले काम अच्छे नहीं हुए हैं, हमने तो सिर्फ ये थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश की कि पिछले कोरोना समय में जब से हम यहाँ पे हैं स्थित और एक किस्म से नजर बंदी में हैं, किसी ने कहा घर क्या कहा उन्होंने, गृहवास भी एक सक्रिय चीज हो सकती है, हर चुनौती हमारे लिए एक अवसर हो सकता है अपने आप को सुधारने का। तो गृहवास कहिए, नजरबंदी कहिए, इस दौरान हमने जो प्रयास किए हैं उसी का ब्यौरा हमने आपके समक्ष रखा, और जो आपके सुझाव है बहुमूल्य है, सराखों पर है, और हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और आपने हमेशा एक अलग दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश की, आप विद्वान हैं, आपको तर्क संगत हराना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, और जो विचारधारा के आधार पे ये संघर्ष चलते हैं, हमारे यहाँ विवाद तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन तंडा ही कहूँगा। आपकी किताब भी बहुत बढ़िया है, वो किताब मैंने पढ़ी भी है, वाद पे जो आपने किताब यहाँ रह के की है, और वो अंग्रेजी भाषा में आपने छापी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका पक्ष है वो बहुमूल्य है, संस्कृत के बारे में भी आपने जो चीजें कही हैं वो भी बहुमूल्य है, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें, यही प्रार्थना है, आशीर्वाद हमें देते रहें। और कुछ बलराम जी जैसे चुनिंदा आपके जो शिष्य हैं उनके बारे में आपको स्पृहा अगर हो तो बहुत अच्छा है, हमें भी उससे बहुत आनंद भी होगा और हम भी इससे कृतज्ञ अपने आप को महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि माधव हाड़ा साहब इस पूरे सत्र को और पूरे संगोष्ठी को विराम की ओर ले जाएं। मेरा हार्दिक धन्यवाद सब लोगों का, खास करके शशि प्रभा कुमार जी का, जो कि मैं उनको दीदी ही कहता हूँ और चरण भी स्पर्श करता हूँ मैं उनके जब जब अवसर मिलता है उनका, और मेरी सहकर्मी गुरप्रीत जी, मेरा उनके साथ मेरा बहुत स्नेह का संबंध है, उनका काम मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा लिखती हैं, उनकी सोच भी बहुत उदार सोच है और हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो मित्रता का हमारा जो संबंध है, मैं उसके नाते उनको हमने यहाँ बुलाया, उन्होंने स्वीकार किया, इसके इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी प्रोफेसर साहब पहले भी हमारे यहाँ डिस्टिंग्विश लेक्चर दे चुके हैं और आज भी, आज तो शुरुआत ही उन्होंने की, हम और भी सुनना चाहते थे उनको, क्योंकि बहुत से बिंदु पर उन्होंने आज जो स्पर्श किया उस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो बहुत ही आपका मैं शुक्रगुजार हूं सर, आप आए और बात की हमसे, और दोबारा हम आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हाड़ा साहब आप इसको समाप्त कीजिए, और पूर्णता की ओर समाप्त नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद सर, आपको एक समापन वक्तव्य देना है तो पहले वो दे दें आप, फिर मैं धन्यवाद दूंगा। सर मैं तो दे चुका हूँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, यही
बात है क्योंकि सारी बातें आ चुकी हैं और अब एक समापन व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपने हृदय से बहुत परिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी संगोष्ठी हुई। 3 दिन में हमने बहुत खुलकर बातें की और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और दरअसल आपने मुझे एक दूसरा दूसरे मतलब अवसर दिया, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको और शर्मा साहब को। राजवीर जी किसी वजह से शामिल नहीं हुए, लेकिन आप दोनों ने इतनी मेहनत की, आपने रितिका जी ने बहुत मेहनत की, क्योंकि जो काम असल में भारत में होता है फोन पर ही बात करके लोगों को बुलाया जा सकता है, ईमेल से वो संभव नहीं है। और देखिए फोन पे मैं 20-25 लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ प्रशासनीय जो जिम्मेदारियां हैं दिन भर उसमें हम व्यस्त रहते हैं, तो जिस तरह से आत्मीयता फोन पे बात करने से होती है वो ईमेल से हो ही नहीं सकती। तो आप लोग अगर यहाँ नहीं होते और आपने ये काम नहीं किया होता तो ये संगोष्ठी बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, फ्लॉप शो हो जाती। तो श्रेय आपको जाना चाहिए और जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया उनको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा से अनुरोध करता हूं कि आप इसको पूर्णता की ओर ले जाएं। सम्माननीय निदेशक जी, उपस्थित विद्वानगण, आज दो वक्तव्यों से ये गोष्ठी सार्थक परिणति पर पहुंची। प्रोफेसर गुरुजीत महाजन और प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी ने उन्होंने मधुर मधुर नहीं किया, सबसे अच्छी बात ये थी उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही, कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिए। इस गोष्ठी की रूपरेखा और इस गोष्ठी का चरित्र और स्वरूप तय करने में थोड़ी दुविधाएं और मुश्किलें थी, क्योंकि माननीय निदेशक ने ये प्रस्ताव पहली बार रखा कि हमारे संकल्प में ये प्रावधान है कि हम अपने किए हुए का विवेचन करें, मीमांसा करें और आगे क्या करना है इसके लिए देशभर के विद्वानों से परामर्श लें। क्योंकि ये पहला आयोजन था इसलिए वक्ताओं की ओर से भी बहुत सारी जिज्ञासाएं आई कि हम जो हुआ उस पर क्यों टिप्पणी करें, और कुछ दुविधा जिसकी ओर संकेत प्रोफेसर गुरुजीत महाजन जी ने किया कि आलोचनात्मक टिप्पणी करने में लोगों में दुविधा थी, कुछ संकोच थे, और वो रचनात्मक आलोचना से भी कुछ लोग बच रहे थे। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर ये शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि ये अब ये परंपरा बनी रहेगी और हर वर्ष इस तरह की ऑडिट, इस तरह का मूल्यांकन और भविष्य के लिए रूपरेखाएं बनाई जाती रहेगी। एक और बात जो मैं आज कहना चाहता हूं कि वो वक्ताओं को सभी को धन्यवाद दूंगा नाम लेकर मैं अंत में, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक महान संस्था है और ये अपने बुनियादी संकल्पों के साथ बनी रहनी चाहिए। हमारे राग द्वेषों, हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं से बड़ी संस्था है ये, और मुझे लगा है कि हमारे जो निदेशक हैं, मैं जब से यहाँ आया वे इसके इसको इसके बुनियादी संकल्पों पर कायम रखने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। कल एक बात आई थी संस्थागत ईमानदारी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे देश में बड़ी कल्पनाशीलता और बड़े श्रम और मनोयोग से बनी हुई संस्थाएं दम तोड़ रही है, इस कारण कि हम में संस्थागत ईमानदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है, संस्था के प्रति निष्ठा और लगाव कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक संस्था में प्रवेश, उसके कुछ बुनियादी ढांचे में प्रवेश करते हैं और फिर उस बुनियादी ढांचे पर आपत्ति करने लगते हैं कि ये गलत है वो गलत है। मुझे लगता है कि हम जिस काम के लिए नियत कहे गए किए गए केवल वही काम नहीं करते, बाकी सारे काम करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि संस्थाएं इस तरह बनी रहनी चाहिए,
ये महान संस्था भी बनी रहनी चाहिए। एक और बात जो ये एक विचार समुच्चय है, इस संस्था की बुनियाद ही इस तरह से रखी गई थी, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग कल एक बात कही गई थी, शीतांशु जी कह रहे थे कि विचारधाराएं अक्सर मृत हो जाती है, और राम मनोहर लोहिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारत में जो भी विचार बाहर से लाया जाता है अंततः वो मृत हो जाता है, और हम उस मृत विचार को बहुत लंबे समय तक ढोते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विचार समुच्चय, ये जो बहुवचन है हमारी परंपरा का हिस्सा है, इस बहुवचन का हम सदियों से सम्मान कर रहे हैं, तो वो भी इस संस्था की बुनियाद में है और वो बना रहना चाहिए। एक और बात जो मुझे लगती है कि इधर एक नई प्रवृत्ति बौद्धिक विमर्श में लगने लगी है कि आप इधर या उधर में किसी विद्वान को रिड्यूस करने लगते हैं, सीमित करने लगते हैं। विद्वान विद्वान होता है, और जब आप किसी विद्वान को उधर ले जाते हैं तो उसका इधर बहुत कुछ छूट जाता है, और उधर ले जाते हैं तो उसका इधर बहुत कुछ छूट जाता है। मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए और विद्वता का सम्मान होना चाहिए। आज गुरुप्रीत महाजन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आलोचना के लिए गुंजाइश रहनी चाहिए, ज्ञान की बुनियाद वही है। मेरे जीवन के ये 2 वर्ष सबसे उर्वर वर्ष, मतलब मुझे मैंने अपने को इतना उर्वर कभी नहीं पाया पूरे जीवन में। विश्वविद्यालय में भी रहा, महाविद्यालय में भी रहा, पर पता नहीं इस संस्था की वातावरण में, इस संस्था के माहौल में कुछ ऐसा है जो आपको निरंतर प्रेरित करता है, निरंतर आपको उकसाता रहता है कि आप कुछ करें और अच्छा करें। और मैं आज ये भी मतलब ये नहीं कहना कृतज्ञता होगी कि हमारे संस्थान के निदेशक ने उस उर्वरता के लिए बहुत सारा खाद पानी भी उपलब्ध करवाया, और वो उन्होंने ये माहौल उपलब्ध करवाया, उन्होंने प्रोत्साहित किया। मुझे लगता है कि कभी भी, जब भी मैं उनको बहुत पहले से एक दो बार जानता था, मैंने कई इंटरव्यू दिए, कई साक्षात्कार दिए, पर मुझे लगता है कुछ लोग साक्षात्कार में आपको खुलने का मौका देते हैं। मुझे लगता है कि प्रोफेसर मकरंद परांजपे उन लोगों में से हैं जो आपको साक्षात्कार में खुलने का। मैं कस्बे का आदमी हूँ, बहुत दुविधा, संकोच, और एक उस भाव से मैं इंटरव्यू देने गया था। हिंदी का अध्यापक और हूँ, बहुत दुविधा और संकोच के साथ मैं इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन उन्होंने मुझे खुलने का मौका दिया, सारे बोर्ड के सामने अपनी बात कहने का, खुलने का मौका दिया। ये विशेषता नामवर जी में भी थी, उनके घर जाते तो वो तत्काल आपको खोल देते थे, तारीफ करके, कुछ करके ऐसा। और मैं आज उनके इसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर राजवीर शर्मा जो इस संगोष्ठी के संयोजक थे, संयोग से वे आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनके साथ आत्मीयता बनी, वे यहाँ थे। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि आपकी असहमतियाँ, आपकी वैचारिक असहमतियाँ सब अपनी जगह पर रहनी चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले मनुष्य हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण है। उनके साथ एक मनुष्यता का संबंध बना सबसे ज्यादा, और हम दोनों ने बहुत मनोयोग से मतलब ये इसकी रूपरेखा तैयार की। हमारे सम्माननीय निदेशक जी ने बहुत सारे सुझाव दिए। कुछ वक्ता ऐसे थे जो मतलब इस संयोग, इस संकोच के कारण, मैं खुलकर कह सकता हूँ, राधा वल्लभ जी त्रिपाठी भी संकोच कर रहे थे कि मैं पहले टिप्पणी क्यों करूंगा, लेकिन मैं बराबर उनके पीछे लगा रहा। नहीं, मैंने कहा आपको रहना ही है। सीतांशु यशस चंद्र भी नहीं चाहते थे कि मैं, माधव जी मैं तकनीक का अभ्यास ही नहीं हूँ, मैं क्या कैसे करूंगा, मैं फिर भी उनके पीछे लगा रहा। नंदकिशोर आचार्य कंप्यूटर ये ऑपरेट करना नहीं जानते, उन्होंने अपने भांजे को बुलाकर सारी व्यवस्थाएं की। मैं आज उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अलग अलग सत्रों में कई लोग आए। बलदेव भाई के बारे में एक रोचक बात ये बताता हूँ कि हमने उनसे बात की, उन्होंने सहमति दे दी।
सही हो, ईमेल गया, अब कुलपति है तो उन्होंने ईमेल नहीं देखा। मैंने सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचने के बाद 9:45 बजे उनको कॉल किया, मैंने कहा सर आप लॉगिन करिए। उन्होंने कहा लॉगिन करना है मुझे, आप बताइए। मैंने कहा सर आप बीज वक्तव्य देंगे आज इस संगोष्ठी का। उन्होंने मुझे कभी कभी कुछ लोग बहुत सहज लगते हैं, ये विद्वान होने का सबसे बड़ा लक्षण ही है। उन्होंने बहुत सहज भाव से, उन्होंने कहा आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। उन्होंने तत्काल तैयारी की और तत्काल बीज वक्तव्य दिया। सच्चिदानंद जी जोशी जो उनसे हमने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि देखिए संसद का सत्र चल रहा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी में लॉगिन किया, दफ्तर पहुंचे और उन्होंने व्याख्यान दिया। प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी के पास इस बार ऐसा भी हुआ कि हमारी हमारे मेल स्पैम में चले गए, कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। हमने सोचा उनके पास मेल चला गया, लेकिन मेल नहीं है। प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, फिर भी हमारे अनुरोध पर, फोन के अनुरोध पर वो हमारे साथ शामिल हुई। प्रफुल्ल केतकर जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। दाताराम जी पुरोहित हमारे परिवार के सदस्य हैं, रमेश जी प्रधान भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। दो प्रकाशक हमारे अनुरोध पर शामिल हुए, दोनों भारत के बड़े प्रकाशक हैं, अदिति माहेश्वरी गोयल हिंदी की बड़ी प्रकाशक हैं, वाणी प्रकाशन अंग्रेजी में उन्होंने अभी अभी प्रकाशन शुरू किए हैं, और इसी तरह बिजोय बरुआ, आज शशि प्रभा कुमार मैम ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छे सुझाव दिए, सूर्यकांत वाघमोरे, मनिंद्र ठाकुर हमारे कल इस भवन के जीर्णोद्धार में लगे हुए दो विशेषज्ञों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मुझे लगता है कि एक आर्किटेक्ट, इतिहास, स्थापत्य, इंजीनियरिंग सबको मिलाकर मतलब बात करता है। कल मुझे लगता है कि दोनों ने ही बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि वे इस संस्था के साथ एक लगाव के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। बलराम शुक्ल हमारे मित्र हैं, और तपस्या जी, गुरुप्रीत महाजन, राधा वल्लभ जी त्रिपाठी हमारे साथ हैं। मैं इन सब के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंजलि दुहन हमारे साथ हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया, और अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ, और अगर कुछ अच्छा और अर्थपूर्ण निकला हो तो आप इस संस्थान को श्रेय दीजिए। और बहुत सारे लोग समय समय पर इससे जुड़े, और मैं आज हृदय से कृतज्ञ हूँ। संस्थान के निदेशक हो सकता है कल वे नहीं हो, मेरी अक्सर उनसे बात होती है। मैंने एक दिन उनसे कहा आप प्रोफेसर हैं, आपकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब ये पद उसके लिए बहुत छोटा है, ये पद महत्वपूर्ण भी नहीं है। इस लिहाज से आप जहां भी जाएंगे आपका यश आपके साथ जाएगा। आप प्रोफेसर होंगे तो भी, कुलपति होंगे तो भी होंगे, हमारे निदेशक रहेंगे तब भी रहेगा। और मैं ये कामना करता हूं कि आपके यश में और वृद्धि हो, और हमें अगर मार्गदर्शन मिलता रहे तो इससे अच्छा क्या होगा। मेरा भी इस संस्थान में अब अंतिम चरण है, मैं आपके सबके प्रति एक बार फिर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं खत्म करूं सर, अनुमति दे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। थैंक यू वेरी मच, मैं भी सर की तरफ से थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस और हैविंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल 3 डेज यू वर देयर। थैंक यू वेरी मच। नो, आई थिंक प्रोफेसर हदा हैज एक्चुअली डन द रेट्रोस्पेक्ट फॉर यू इन अ वे what the institution has contributed. Thank you, ma'am. Yes, these are our gems, you know, some of our fellows, the way they have carried the institute on their shoulders during Corona and other difficult times is really extraordinary. Thank you. Bye-bye. Hi, have a good afternoon. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thank you.